हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। एक सेकेंड, आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। आई होप आवाज ठीक से आ रही होगी। देखिए, फर्स्ट टाइम ये हमारी जो क्लासेस हैं, हरियाणा एचसीएस के लिए मैराथन क्लासेस हैं। एंशिएंट इंडिया की आज अपनी क्लास होगी। एक जो अपन ने चेंज किया है, आज सबसे बड़ा चेंज ये है कि चैट मैंने ऑफ रखी हुई है, ताकि सारा का सारा फोकस हमारा जो है वो हम उस पर कर सकें, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ने पे, ठीक है। बट इसमें थोड़े से जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं वो अपने लिए ये रहेंगी कि मुझे पता नहीं चलेगा कि कोई गड़बड़ हो रही है या फिर कोई और दिक्कत है। तो देर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनके पास मेरा फोन नंबर है, सो जस्ट गिव मी अ कॉल। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो फिर आप मुझे कॉल पे ही बताएं, अदरवाइज ये क्लास अपनी चलती रहेगी। मुझे यहाँ से एक जो मोटा मोटा आइडिया है वो इसका लगता रहेगा कि भाई क्लास ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि मेरे सामने ही क्लास है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक सारी चीजें ठीक ही हैं। या तो मुझे कॉल कर देना या मैसेज ड्रॉप कर देना। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, कैसे आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी, जो स्टूडेंट्स को करनी है, यू हैव टू डाउनलोड द ऐप डॉक्टर अमित अकेडमी। लिंक जो है, जैसे आज क्लास का शेयर किया गया था, वैसे ही डेली बेसिस पे आपके साथ क्लास का लिंक शेयर किया जाएगा। टाइम टेबल जो हमारा क्लासेस का है वो है 1 सितंबर, आज आपकी क्लास रहेगी एंशियंट की, फिर मिडाइवल, मॉडर्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, 4 और 5 को हरियाणा, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर। फिर आपका जो इश्यू आता है वो आता है कि आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो लिंक जो है मैंने पहले आपको आज तो पीडीएफ भेजी थी, बट अभी मैंने गूगल ड्राइव का लिंक बना के सारे स्टूडेंट्स को भी भेज दिया है, प्लस टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, एप्लीकेशन पे इंडिविजुअली जा चुका है, मॉक टेस्ट बैच में भी मैंने लिंक आपका ऑलरेडी डाल दिया है, देन इंडिविजुअल चैट में आपको भेज दिया गया है। उसी लिंक पे डेली बेसिस पे आपकी सारी की सारी अपलोड हो जाएंगी, जैसे आज मॉर्निंग में अपलोड हो गई थी, वैसे ही आपकी जो ये रहेगी सारा का सारा, ये आपका मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाएगा। जैसे कल की क्लास है तो वो मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग रात में मैं क्लास प्रिपेयर करूंगा, और मॉर्निंग में भी क्लास प्रिपेयर करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो भी पीडीएफ अपन डिस्कस करेंगे, इफ अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ये इंस्टीट्यूट का नंबर है 9996337109, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का जो हमारा एंशियंट इसका है। देखो, इसमें जो मैंने मेन सोर्स रखा है, हमने राउडी बैच किया था, प्लस हमारे सारे के सारे सोर्सेस थे, वही वहां से ही मैंने सेपरेटली एक पीडीएफ बनाई है। राउडी बैच वाली पीडीएफ मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं करी है, वो स्टूडेंट्स के लिए ही है। मैंने उसी में से दोबारा से अपनी मेहनत करते हुए आप लोगों के लिए बनाया है, एंड ये पीडीएफ सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री ही है। तो अब क्योंकि वो पीडीएफ तो पेड बैच था, तो वो पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा सकते, बट ये मैंने दोबारा से बनाई है, तो ये अब अपन प्रोवाइड करा सकते हैं, दैट्स इट। अब इसमें अपन वन बाय वन चलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस लूसेंट से जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी मैं आपकी करवा दूंगा, ठीक है। अब कोई भी अगर इश्यू आता है तो अगेन आई हैव टोल्ड यू, यू हैव माई नंबर, एंड मुझे कॉल करनी है, मैसेज नहीं करना, मैसेज मैं देख नहीं पाऊंगा, कॉल ही करनी है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। एक थोड़ा सा मतलब नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, सारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, एंड आई डोंट इवन नो, बट आई मतलब वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर। ऐसे ही चीजें नई नई इवॉल्व होती हैं, बिकॉज द रीजन इज हम इसको एक नए उस पर लेके जाना चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें विदाउट इवन सिंगल परसेंटेज ऑफ डिस्टर्बेंसेस। सो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास एंशियंट इंडिया की, आज अपन स्टार्ट करेंगे। मेरा टारगेट है 2 से 2.5 घंटे में आपका पूरा का पूरा एंशियंट इंडिया खत्म कराने का, ठीक है। आई विल से कि आराम से कवर अप हो जाएगा। चलो अब हम शुरू करते हैं इसको। लिखने लिखने का कुछ नहीं है, सारे आंसर मैंने ऑलरेडी इसी में ही लिख दिए हैं। देखो, अब यहां से जो फैक्चुअल क्वेश्चन अपने बनेंगे, डिटेल में भी बनेंगे, डिटेल आपको जो फोकस करने की आवश्यकता है वो आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन आईवीसी है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। सारे के सारे जो हमारे इसमें आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आ गए हैं, एनसीईआरटी भी आ गया है, आपकी लूसेंट भी कवर हो गई है, और जो मेरे एंशियंट के नोट्स थे वो भी सारे के सारे अपने कवर अप हो चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, भरूच स्तूप ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये अपना पूछा जा सकता है कि भरूच स्तूप आपका कहाँ मिलता है। तो भरूच स्तूप अपना कहाँ है, मध्य प्रदेश, और कौन सी डायनेस्टी से संबंधित है, तो ये हमारा सुंगा डायनेस्टी। तो भरूच एमपी ये सबको पता है, सुंगा डायनेस्टी आप याद रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है बोरोदूर स्तूप। देखो, बोरोदूर बहुत बहुत दूर, अपन ने ऐसे ही याद किया था, तो बहुत दूर कहां पे है, जावा, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया में है, और यही आपका वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट जो है वो स्तूपा है। अब जैसे स्तूपा की स्ट्रक्चर और जो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे के सारे अभी इसी में ही समझा देता हूँ। जैसे ये आपको पता ही है, जैसे ऐसे आपका स्तूपा होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ ऐसे आपका कवरअप रहेगा, यहाँ पे आपका एंट्रेंस गेट होता है, उस पर 5
पिलर्स रहते हैं प्लस ये जो चारों तरफ घूमने का है इसको अपन बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। और ये जो हमारे हैं पांच पिलर्स ये होते हैं आपके तोरण, ठीक है। ये जो पांच पिलर हैं ये बुद्ध की जो लाइफ है उसके पांच चैप्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें ये जो बबल होता है, ये बबल का मतलब होता है कि लाइफ इज इम्परमानेंट, ये कभी भी जा सकती है। ये बुद्धा की सारी टीचिंग्स और उसी की लाइफ से ही संबंधित है, ठीक है। तो ये अपने को बताना चाहिए। अब इसमें आपको बताया कि फाइव इवेंट्स कौन कौन से थे। उसने चार लोगों को देखा था जिसमें से एक बीमार था, एक बूढ़ा था और एक मर गया था और एक खुश था। तो उनको देख के बुद्धा ने डिसाइड किया कि लेट अस अब देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो सॉरी विल रिज्यूम इट अगेन, एक मिनट। तो इसमें सारा का सारा जो पांच इवेंट्स थे अपने को उन पे फोकस कर रहा है। पहला तो जो उसकी बर्थ हुई थी, वो बर्थ होने के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट इवेंट है कि भाई आपका जो डिपार्चर हुआ है, ठीक है। डिपार्चर होने के बाद जो उनका एनलाइटनमेंट हुआ, एनलाइटनमेंट होने के बाद आपका फर्स्ट सर्मन जो दिया गया, फर्स्ट सर्मन देने के बाद जो उनकी डेथ हुई जिसको महापरिनिर्वाणा भी बोला जाता है। तो ये जो पांच इवेंट है इनसे आपके अलग अलग सिंबल्स भी एसोसिएटेड है, वो भी अपन देखेंगे। तो ये हमारे सारे के सारे पांच इवेंट हो जाते हैं, ठीक है। वन सेकेंड, हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस कभी कभी आ जाती है एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ऐसे ही चलता है, ठीक है। सो लेट अस अगेन, चलिए अब हमारा ये तो आ गया है, पांच इवेंट अपने पांच हो गए हैं, बर्थ हो गया है, बर्थ के बाद डिपार्चर, डिपार्चर को बोलते हैं विनिष्कर्मा, महाविनिष्कर्मा, ठीक है, महाविनिष्कर्मा। निर्वाणा तो हो जाती है स्टेट ऑफ ब्लिस, ठीक है। एनलाइटनमेंट जो है वो आपका निर्वाणा रहेगा, स्टेट ऑफ ब्लिस रहेगा। मैक्सिमम जो फोकस आपको करना है वो समझने पे करना है। ये पीडीएफ आपको मिल गई है, जो नए स्टूडेंट है वो बाद में इस पीडीएफ से देख सकते हैं, बट सुनने पे करना है, बस इसको अपने दिमाग में डालते हुए रखो, ठीक है। फोकस मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ सुनने में। अब देखो सरमन हो गया, एस फॉर सरमन, एस फॉर सारनाथ। पहला सरमन कहां पे दिया गया था, सरमन सारनाथ। डेथ आपकी कहां पे हुई थी, इनकी खुशी खुशी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये सारे वैसे क्वेश्चन आगे आ जाएंगे, खुशी खुशी डेथ हुई थी। अपन ट्रिक्स यहां पे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, खुशी खुशी, खुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, इन्होंने पोर्क खा लिया था, डायरिया से डेथ हो गई थी। अकबर भी आपके एक ऐसे रूरल थे जिनकी डायरिया से डेथ हुई थी। देन हमारा था चैत्य और विहार, जो दो इंपॉर्टेंट है। चैत्य में तो चित आपका अच्छा हो जाता है क्योंकि आप प्रेयर करते हैं। विहार क्या है, विहार करते करते यानी घूमते घूमते मेरे को रेस्ट की आवश्यकता है, तो विहार में अपना क्या रहेगा, रेस्टिंग प्लेस। फिर हमारी एक टर्म आती है प्रतिमोक्ष, ये बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। यहाँ पे जो आपके सारे के सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते थे वो क्राइम करते थे, 64 टाइप्स ऑफ क्राइम जो लिखे गए थे कि भाई ये आपको नहीं करना है, सॉरी करते नहीं थे, ये मना किए गए थे 64 टाइप ऑफ क्राइम। देखो प्रतिमोक्ष, मोक्ष से पहले आपको ये क्राइम नहीं करने हैं तभी आपको मोक्ष मिलेगा। सो प्रतिमोक्ष। अब देखिए अब तीन आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो विनय पिटिका, सुत्त पिटिका और एक है अभिधम पिटिका। तो विनय पिटिका जो है, एक तो इनके राइटर पता होना चाहिए और इसमें क्या चीजें डिस्कस करी गई हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए। विनय पिटिका, विनय से हमने बोला कि भाई विनय अपना कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करके रखो, ये किसने लिखी, उपाली ने। फिर आपका आता है सुत्त पिटिका, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, बुद्ध की टीचिंग्स। इस पे कौन बात करेगा, जो बुद्ध के सबसे पास है यानी आनंदा, ठीक है। वी यू, यू वी, यू वी एक ट्रिक हमारी ज्योग्राफी की भी है, यूरेनस एंड वीनस, जो आपके वेस्ट अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट ईस्ट, बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं यू और वी, ये आपके कैसे घूमते हैं उल्टा, तो इनका स्पिन उल्टा है। यूवी ट्रिक वहां पे भी रहेगी। और विनय पिटिका में उपाली आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, सुत बुद्ध ये आ गया। महायाना बुद्धिज्म वर्सेस अपना हीनयाना बुद्धिज्म है, उसका आपको पता होना चाहिए कि हीनयाना बुद्धिज्म पहले वाले बुद्धिज्म को बोला जाता है, जिसमें कि हमारा जो जैसे अगर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो आपकी प्राकृत लैंग्वेज है, और महायाना में आपकी कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज। यहाँ पे उसको सिंबल्स की फॉर्म में प्रेयर किया जाता था और यहाँ पे उसको ह्यूमन फॉर्म में प्रेयर किया जाता था। ये हमारा सुंगा डायनेस्टी से संबंधित है, और कुशाना डायनेस्टी वहां से ही पहली बार किसी आदमी को जब पहली बार किसी आदमी को जो ह्यूमन फॉर्म में आपने वर्शिप किया था वो कौन था, आपका बुद्धा, ठीक है। और बुद्धा को जो आपका कौन सा अवतार माना जाता है, नाइन्थ अवतार ऑफ विष्णु, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया है महायाना हीनयाना आपका हो गया। मार्टिन लूथर किंग बुद्धिज्म का किसको बोला जाता है, आचार्य नागार्जुना को, क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म को डिवाइड कर दिया था, एंड ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमारा आता है नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी किसने बनाई थी, देखो कुणाल, कुणाल, कुणाल हमारा कहां था, फतेहाबाद में। कुणाल हमारी क्या है, एक साइट है, ठीक है। तो कुणाल, कुणाल कुमारगुप्ता, कुमारगुप्ता इज नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर हमारे आते हैं विक्रमशिला, जगदला, उदंतपुरा यूनिवर्सिटी, ये आपके किसने बनाई है, धर्मपाल ने। तो धर्मपाल और कुमारगुप्ता ये ध्यान रखने हैं, ये सारी की सारी आपकी पूछी जा सकती हैं। बुद्धा कौन सा अवतार था, नाइन्थ ही अपन देख चुके हैं, गोल गुंबज। वन सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम,
एक मिनट, लाइट का थोड़ा सा ज्यादा इश्यू हो रहा है आजकल, ठीक है, जस्ट प्लीज वेट फॉर 1-2 मिनट्स. अब तो मैं भूल गया हूँ क्या पढ़ा रहे थे. ओके, आई होप ये डिस्टर्बेंस दोबारा ना हो. जितनी स्पीड से अपन चल रहे हैं उतना ही फिर दोबारा से कंपनसेट कर रही है ये लाइट, ठीक है. हरियाणा है, हरियाणा कब इलेक्ट्रीफाई हुआ था ये भी आपको बताना चाहिए, 1970. और हरियाणा में लो पुरुष किसको बोला जाता है, चौधरी बंसीलाल को. क्यों बोला जाता है, क्योंकि ही वॉज द पर्सन बिहाइंड द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हरियाणा, ठीक है. तो ये हमारा हो गया मैराथन, ठीक है. नाउ लेट अस रिज्यूम अगेन. देखो ये अपना हो गया सारा का सारा, ठीक है. ये गोल गुंबद, गोल गुंबद सेकंड लार्जेस्ट डोम हमारा, फर्स्ट कौन सा आता है, वेटिकन सिटी वाला, ठीक है. और किसने कहां पे है, ये हैदराबाद है, ठीक है. तो ये अपने को ध्यान रखना है. देन हमारा नेक्स्ट आता है कि जो अर्लीस्ट होमिनिड यानी ह्यूमन फॉर्म में जो आपके मिलते हैं वो कौन से मिले थे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस. तो ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखना है. देखो ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वो बोला जाता है वो आपका साउथ अफ्रीका, बट ये अपना कौन सा है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है. ये थोड़ा सा ऐसे करके ध्यान रखेंगे. प्लिस्टोसीन एज जो है हमारी वो 5 लाख BC से 10,000 BC तक है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे. फिर जैसे आदमी के जो इवोल्यूशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी ओपोजेबल थंब और जो स्ट्रेट अपनी स्पाइनल कॉर्ड हुई एंड बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर अपन ने चलना शुरू किया. ये हमारा कहां से शुरू हुआ है, मिडिल प्लिस्टोसीन एज से. यहां से आपका बायपेडलिज्म एंड डायरेक्ट स्पाइनल कोड नहीं है, ये स्पाइनल कोड है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है. डायरेक्ट स्पाइनल कोड. भीमबेटका केव्स. अब देखो केव्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है. जो इंपॉर्टेंट केव्स हैं, पहली चीज तो हमारी जैसे जो एंशियंट केव्स हैं वो सारे के सारे आपको ध्यान रखने. प्लस सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो किस धर्म से संबंधित है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. जो नहीं है वो तो चलेगा, बट जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित है वो आपको पता होना चाहिए. पहली चीज यहाँ पे क्या है, भीमबेटका केव अपने को बताया है, मध्य प्रदेश में, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, नर्मदा वैली के उसमें पाया जाता है, ये ध्यान रखना है. देन सेकंड आपका बोरा केव्स, भीम और बोरा, ठीक है. बोरा कहाँ है, बोरा भर के लेके जा रहा है आंध्र प्रदेश में, तो भीमबेटका एमपी और उसके जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश में बोरा केव्स है. उसके बाद जैसे आपके आते हैं नियोलिथिक, माइक्रो मेसोलिथिक साइट्स एंड पेलियोलिथिक साइट्स. पेलियो पुरानी वाली हो जाती है, मेसो बीच वाली होती है, नियो मींस जिसमें आयरन आपका चलता है. अब एम फॉर मेसोलिथिक, एम फॉर माइक्रोलिथ्स, तो एम एम यहाँ पे ट्रिक क्या रहेगी, एम एम, ठीक है, माइक्रोलिथ्स एंड मेसोलिथ्स, तो ये हमारे रहेंगे, ठीक है. एक मिनट पेन लगा लेता हूँ. तो ये हमारा एम एम से आपको याद रखना है कि भाई माइक्रोलिथ. अब माइक्रोलिथ क्या है, माइक्रो देखो आप ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं तो आपको पता होगा ये बेसिक बेसिक चीजें. हमारा फोकस है कि जो एग्जाम में डायरेक्टली चीजें पूछी जाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी चीजें नहीं समझा सकता हूं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे. बस अपना ये ध्यान रखना है एम एम. लिथ मतलब क्या होता है, स्टोन, स्मॉल स्टोन मिलते थे मेसोलिथिक में. मेसोलिथिक में आपके जो ग्रेवयार्ड्स होते हैं उस पर भी बड़े बड़े स्टोन यहाँ पे लगाए जाते थे, ये भी ध्यान रखना है. फिर नियोलिथिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ था, अभी तक अपन फूड कलेक्ट कर करके खाते थे, बट आप यहां से नियोलिथिक से आप फूड गैदरिंग से एक ग्रोवर बन गए थे. एग्रीकल्चर में आपका चेंज हुआ है, प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमारा चेंज हुआ नियोलिथिक में. फिर कुछ साइट्स आपकी इंपॉर्टेंट हैं, जो नियोलिथिक साइट्स हो सकती हैं, पेलियोलिथिक हो सकती हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, प्लस उनकी लोकेशन पता होना चाहिए. जैसे बुरजोम है, बुरजोम जम्मू एंड कश्मीर की है, और एक और साइट है गुफकरल, ठीक है, गुफकरल. तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपका कहां पे आता है, जे एंड के में ही आता है. फिर हमारे जैसे बलूचिस्तान में 4 विलेज मिले थे, तो ये आपको ध्यान रखने हैं. ये हमने कैसे याद किए थे, कुली, कुत्ता, नल और जोब, ठीक है, जोब चाहिए या कैसे भी करके, कुली, कुत्ता, नल एंड जोब, ये हमारे 4 विलेजेस हैं. प्लस अब हमें ध्यान रखना है कि जो आपकी जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन है उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंशन है वो कैसा रहेगा. देखो ईस्ट में अपन ने क्या किया था, ईस्ट में आपका अल्लाह है यानी आलमगीरपुर, ठीक है, ईस्ट में अल्लाह है, ईस्ट में अल्लाह है. फिर हमारा वेस्ट में क्या है, सुक्ता जेंदोर, तो सुक्ता जेंदोर आपका वेस्ट में है. और ऊपर नॉर्थ में आपका क्या है, मांड, यानी जेएनके में आपका क्या आता है, मांड. और फिर अपना यहाँ पे साउथ, साउथ में है दीमाबाद. ये चारों के चारों लोकेशंस आपको पता होना चाहिए, प्लस ये लोकेशंस जो 4 विलेजेस अपन ने बताए वो भी आपको पता होना चाहिए. अब हड़प्पा, हड़प्पा अपन ने क्या किया था, दयाकर राम, ठीक है, ऐसा दयाराम सानी, दयाकर राम और रवि हार गया, दयाकर राम रवि हार गया. तो ये हमारी ट्रिक थी कि भाई देवराम साहनी या दयाराम साहनी, कैसे भी आई थिंक दयाराम साहनी है, तो दयाराम साहनी, रवि रिवर और हड़प्पा. हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट जो आपकी डिस्कवर करी गई थी, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है. इसमें प्री हड़प्पा, हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन भी ऐसे फेज चलते हैं.
फिर एक आपका आता है कि सिटाडल क्या होता है, जो आपकी सारा का सारा जो फोर्टिफिकेशन था बाहर से जो आपने फोर्टिफाई कर रखा है उसको बोला जाता है सिटाडल, ठीक है, सी फॉर सिटाडल। और एक अपना आता है सी फॉर चानुदारो, चानुदारो ये वैसे आगे आ जाएगा, तो सी से सी नहीं है, यानी चानुदारो ही एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आपका सिटाडल नहीं मिलता, बाकी सारी लोकेशन पे आपकी सिटाडल यानी फोर्टिफाइड वॉल आपकी मिलती है। अब अपना आता है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो मूवी भी आई थी, इसका एक तो मीनिंग पता होना चाहिए, माउंट ऑफ डेड, जितनी भी ग्रेट चीजें हैं, ग्रेट जहां पे भी लगा होगा ग्रेट बाद ग्रेट करके, तो वो सारे के सारे आपके कहां आएंगे, मोहनजोदारो में। बट अगर आपका आता है कि सिक्स ग्रेनरीज, ये काफी फेमस रहता है, सिक्स ग्रेनरीज हमारी हड़प्पा की है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये अपना जैसे माउंट ऑफ डेड इसको बोला जाता है ग्रेट ग्रेनरी, पशुपति सील भी जो हमारी है वो कहां पे मिलती है, पशुपति सील जिसपे प्रोटो शिवा उसकी फॉर्म में रहते हैं, पशुपति सील हमारी मोहनजोदारो से। स्टेलाइट, स्टेलाइट आपका यूज किया जाता था, दो तीन टर्म्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी बार बार आती हैं, स्टेलाइट है, चर्ट है, ठीक है, और एक फियांसे है। तो फियांसे ये भी एक क्ले जैसा होता है, इसको यूज किया जाता है टू मेक बीड्स एंड बैंगल्स, ठीक है। फिर हमारा जो चर्ट होता है, चर्ट को भी यूज किया जाता है यूनिफॉर्म जो वेट्स आपके होते हैं उनको बनाने के लिए, ये ध्यान रखना है। फिर एज फॉर स्टेलाइट, एज फॉर सील्स, सील्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि भाई रेक्टेंगुलर सील्स भी थी, सिलेंड्रिकल सील्स भी थी, हर टाइप की थी। फिर अब चलो ये तो हो गया, चानुदारो अपन ने देख लिया कि विदाउट सिटाडल एक ही साइट है। कालीबंगन जो आपका राजस्थान में है, देखो कालीबंगन, अब हमने एक अपने इमेजिनेशन बनाई थी कि एक आपका खेत है, खेत में कालीबंगन जो डांस होता है वो डांस कर रही है, उसने क्या पहन रखे हैं, उसने बैंगल्स पहन रखे हैं, प्लस साइड में से एक घग्गर रिवर जा रही है और एक फायर एल्टर है, ठीक है, आपकी आग भी लगी हुई है, फायर एल्टर है, घग्गर रिवर है, और लिस्ट बरिया नहीं है, ये क्या है, बरियल, लिस्ट बरियल आपका है, ठीक है। तो ऐसे आपके बरियल साथ में होते हैं ऐसे ही लिस्ट के फॉर्म में, तो ये हमारा लिस्ट बरियल हो जाता है कालीबंगन। तो कालीबंगन में आप ऐसे याद रखेंगे इसको डायग्राम के फॉर्म में, ये यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे घग्गर रिवर जा रही है, और ये किसमें है आपका, राजस्थान, ठीक है, घग्गर रिवर सारा ध्यान रखना है। फिर बनवाली मैंने आपका हरियाणा में भी याद करवाया था, बनवाली या नहीं बनवाली, तो फिर अपन ने क्या देखा था, कुणाल, फतेहाबाद, बनवाली, ये आपका हरियाणा में रहेगा, सरस्वती रिवर और डॉक्टर बस्ते, बस्ते तो नहीं है, आई थिंक डॉक्टर बीस्ट, ठीक है, डॉक्टर बीस्ट इसमें है हमारे। तो ये हमारा हो गया है ये, ठीक है। अब हमारा देखो मैक्सिमम साइट्स आपकी कहां मिलते हैं, साइट्स नहीं है, ये है साइट्स, मैक्सिमम साइट्स जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं वो आपकी मिलती हैं गुजरात में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एज अ स्टेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो डॉकयार्ड है, ठीक है, लोथल, ये आपका सवाल पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस एक और जो सुरकोटरा, गुजरात में दो चीजें याद रखनी है, लोथल, सुरकोटरा, रंगपुर जो आपका लास्ट ईयर ऑलरेडी सवाल आ चुका है, तो आपको लोथल याद रखना है, सुरकोटरा याद रखना है, राइस कल्टीवेशन रंगपुर मैंने डाल दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर सोसाइटी की बात करें कि भाई ये किस टाइप की सोसाइटी, तो इट वॉज अ मैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी यहाँ पे फीमेल मतलब हायर पोजिशन पे रहती थी। उसके बाद जो हमारा वैदिक पीरियड में आता है, दैट इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, स्पेशली लेटर वैदिक से जो हमारे चेंजेस हैं वो पैट्रियार्की की तरफ हो जाते हैं, फीमेल्स की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है अर्न बरियल प्रैक्टिस। अर्न क्या होता है, अर्न हमारा होता है जैसे एक पोर्ट होता है, पोर्ट में आपकी राख वगैरह डाल दी जाती है, तो ये हमारी जो प्रैक्टिस है ये भी कहां है, कालीबंगन। तो कालीबंगन में अपना लिस्ट बरियल भी है, अर्न बरियल है, ये भी ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोफिन, कोफिन बरियल, यानी कोफिन पहना के जो बरियल किया जाता है वो हमारा कहां है, जहां से आपकी सिविलाइजेशन डिस्कवर करेगी थी, यानी हड़प्पा। तो कोफिन बरियल हड़प्पा, ठीक है, हार गया था तो कोफिन, हारा तो कोफिन पहना दिया, ठीक है। अर्न बरियल ये हम किसे याद रखेंगे, सारा का सारा इमेजिनेशन बना के कालीबंगन का हमारा एक इमेजिनेशन रहेगा, प्लस कोफिन बरियल का अपना हड़प्पा रहेगा, ये हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखो यहाँ पे एक ग्रीक में टर्म यूज करी जाती थी सेंडेन, सेंडेन डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि किसके लिए यूज की जाती थी, तो ये हमारा रहता हाई क्वालिटी कॉटन, क्योंकि हमारे यहाँ पे आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन बहुत मिलता था, वो एक्सपोर्ट भी किया जाता था, तो सेंडन इज हाई क्वालिटी कॉटन। फिर हम बहुत सारा मटेरियल जो है वो बाहर से मंगाते भी थे, तो अब यहाँ पे इनको कैसे याद रखना, देखो तो एक तो है हमारा गोल्ड, देखो गोल्ड हम मंगाते थे, गोल्ड जैसा है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हमारे बहुत ज्यादा ट्रेड लिंक्स थे, तो वहां से अपना चलता है सोना। एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सुमेरिया, ठीक है, एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सुमेरिया, तो ये तो अपना सिंपल हो गया, एस फॉर गोल्ड, सिल्वर, परफ्यूम। देखो परफ्यूम ग्रीस वाले लोग बहुत यूज करते थे, वहां पे बहुत ज्यादा फेमस भी है, बहुत सारे ग्रीक के आपने जो ये क्या बोलते हैं आपके ड्रामास आते हैं बहुत सारे वो भी रहते हैं, तो ये अपन ने देखे होंगे, तो ये हमारा कहां रहेगा, परफ्यूम, परफ्यूम ग्रीस, या पीजी से भी ध्यान रख सकते हो इसको, ये तीनों के तीनों अपने को पता चल जाएंगे। 16 क्या है, 16 है जो मैट्रिक सिस्टम हमारा यहाँ पे यूज किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, दैट इज 16 नंबर से, 16 और 16 के मल्टीपल में ये हमारा चलता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अगर अपने से पूछा जाए कि पॉलिटिकल सिस्टम आपका कैसा था, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओलिगार्की, यहाँ पे कोई किंगडम नहीं था, ओलिगार्की, ओलिगो मीन्स लेस, लेस मीन्स चार पांच छह हमारे आदमी आते हैं वो मिलते हैं, वो आपके आके यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम बनाते हैं और पॉलिटिको
कंट्रोल करते हैं, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का चल रहा है अभी, हड़प्पा अपन क्रोनोलॉजिकली ही चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना है। फिर जो हमारी शील मिली थी उसपे कौन सी थी, पशुपति, जिसमें मैंने बताया प्रोटो शिवा, तो यानी ही वॉज द ओनली मेल गॉड, ठीक है, ओनली मेल गॉड हमारा कौन सा था, ऐसे भी सवाल आ सकता है, ओनली मेल गॉड हु वॉज दैट, पशुपति। फिर ये लोग जैसे हमारा जो मेसोपोटामियम है वहां से काफी ट्रेड चलता था गोल्ड, तो वहां से जो लिंक था, वहां का एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था जो आधा तो ह्यूमन की फॉर्म में था और आधा आपका शेर की फॉर्म में था, तो उसको ये वर्शिप करते थे, जिसको क्या बोलते हैं गिलगमिश। किसी ने अगर आपका जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत एक खोज, हिंदी में भी एक नाटक आता था, उसमें इसका बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन किया हुआ है, गिलगमिश भी दिखाया हुआ है, तो गिलगमिश याद रखेंगे, गिलगमिश, ठीक है, गिलगिश, गिलगिली गिलगिली, ठीक है, जैसे अपने को छिपकली गिलगिली गिलगिली लगती है, तो वैसे ही गिलगिली गिलगिली, माइथोलॉजिकल हाफ मेल, MALE, ठीक है, सामने हाफ लॉयन, लाइन नहीं है लॉयन, ठीक है, ये देखने के बाद भी कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस, तो मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेंगी, बट मिस्टेक्स से कभी नहीं घबराना है, किसी भी चीज से लाइफ में घबराना नहीं है। आज मैं आपको थोड़ा सा बस एक मिनट के लिए बता देता हूं कि जैसे अपनी क्लास शुरू होने वाली थी तो आई वॉज लिटल बिट, थोड़ा सा होता है ना कि स्केयर, कि भाई पता नहीं फर्स्ट टाइम अपन बिना इसके कमेंट्स के और ऐसे क्लास ले रहे हैं, हाउ द क्लास विल बी गोइंग, वी डोंट नो अबाउट इट, बट एक सॉल्यूशन है हमारे पास, आप फोन करके तुरंत बता सकते हैं, बट इसका फायदा और नुकसान वो तो अपने को क्लास के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, बट यस आई वॉज लिटिल बिट, मतलब थोड़ा सा डर था कि पता नहीं क्लास में क्या होगा, सो दैट्स इट, इट इज ऑल नेचुरल, ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया। देखो अब जैसे सील्स, सील्स जो है, ये सेल्स नहीं है, ये सील्स है, ठीक है, सील्स में जो सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेशन आपका मिलता है, एक तो पता होना चाहिए सबसे कॉमन क्या है और एक पता होना चाहिए कौन सी रिप्रेजेंटेशन आपकी नहीं मिलती है, तो सबसे कॉमन कौन सा है, अपना हम्पलेस बुल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फिर जो नहीं मिलते हैं वो हमारा है काऊ है, लॉयन है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, और फिर देखो फिर आपके जैसे जो हमारी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के बारे में पूछा जाए तो कौन सी थी, ये बस्टोफेडोन स्टाइल पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, बस्टोफेडोन क्या होती है, ऐसे चलेगी राइट टू लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, ऐसे, ठीक है, अपन नॉर्मली क्या करते हैं, हिंदी को ऐसे लिखते हैं, उर्दू को कैसे करते हैं, उर्दू को ऐसे लिखते हैं, बट बस्टोफेडोन ऐसे चलता है, ठीक है, तो पिक्टोग्राफिक है, डेसिपर अभी तक नहीं करी गई है, बट द ओनली पर्सन हु इज रिलेटेड आई माधवन है, आई माधवन अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप ऑप्शन में ये टिक कर सकते हैं कि भाई आई माधवन ने थोड़ा सा इसको ज्यादा ट्राई किया है, तो उनका नाम इनसे बोला जाता है। अब आर्यन आपके आए थे, आर्यन ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि आर्यन आपकी क्या है, क्या ये लिंग्विस्टिक टर्म है, यस इट इज अ लिंग्विस्टिक टर्म, कौन सी लैंग्वेज से ये संबंधित रखती है, तो ये हमारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से। फिर आपके दो तीन जो साइंसेस हैं, साइंसेस के सवाल भी पूछे जाते हैं, फाइलोलॉजी इंडोलॉजी, तो फाइलोलॉजी पहली बात तो क्या होता है, फाइलो, ठीक है, लो एल 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 लैंग्वेज, तो लैंग्वेज कंपैरेटिव लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से कंपेयर करते हुए जो हम स्टडी करते हैं दैट इज फाइलोलॉजी। इंडोलॉजी नाम ही आ गया इंडिया, यानी जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है, यानी इंडो यूरोपियन जो आपकी लैंग्वेजेस हैं उनमें जो हमारी स्टडी रहती है दैट इज इंडोलॉजी। फिर हमारा एक ईरान का टेक्स्ट है जैन अवस्था, तो आपको बताना चाहिए इसमें जो हमारे गॉड मेंशन थे वो थे अग्नि वरुण और इंद्रा, जैन अवस्था, ये भी आपको बताना चाहिए, ये आपके कौन से रिलीजन से संबंधित रखता है, ज़ोरास्ट्रियन, ठीक है, वैसे ये मैंने आगे डाल रखा है लास्ट में, बट आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, जैन अवस्था याद रखना है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनसीईआरटी में इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आपका ये पूछा जा सकता है, देखो इंडिया से बाहर की दो चार ही इंस्क्रिप्शंस हैं जो आपकी पूछी जा सकती हैं, तो पहला अपना क्या आता है, कैसलाइट इंस्क्रिप्शन, कैसलाइट हमारी कहां पे मिलती है, ईरान में, ठीक है। अब हमारे जैसे बहुत सारी रिवर्स थी, अब उन रिवर्स के हमारे पुराने नाम थे कि भाई इसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो देखो झेल, ठीक है, झेल रहे हैं, झेल किसको रहे हैं, विति को, ठीक है, झेल रहे हैं विति को, रवि रवि पुरुष है, ठीक है, झेल रहे हैं विति को, रवि पुरुष है हमारा, और आस्क आस्क चिन्ना, ठीक है, एसी एसी चिनाब, ठीक है, आस्क चिन्ना, छोटे से पूछो, आस्क चिन्ना, अश्किनी अश्किनी चिनाब, रवि क्या है, पुरुष है, जेल किसको रहे हैं, विति को, तो ऐसे अपने को याद रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो मैंने दो तीन डाल दी है, सारी की सारी याद नहीं कर सकते, ना ही उसकी आवश्यकता है, एग्जाम में जितना ध्यान रखना है एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए कि ये अगर आता है तो मैं गलत नहीं करूंगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर जैसे मंजूनाथ, ये टर्म किसके लिए यूज की जाती थी, ये आपके हिमालय के लिए यूज करी जाती थी, ये ध्यान रखना है। सोम, यहां से जो ड्रिंक मिलती थी जिसको पिया जाता था तो वो हमारी जाती सोम। फिर इंडिया के लिए जो टर्म यूज करी जाती थी दैट इज व्हाट, जम्बूद्वीप। सवाल आएगा कि जम्बूद्वीप किसके लिए है, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, इंडिया के लिए, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस बैटल है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है, यहाँ पे जैसे वो कोरू भरत सारे के सारे जो क्लैंस थी उन्होंने आपस में लड़ा था, तो बैटल ऑफ 10 किंग्स से बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला तो यही आता है कि कौन सी रिवर के किनारे ये लगा गया था, तो ये हमारा है रवि,
ऑप्शन में पुरुषिनी भी हो सकता है क्योंकि अभी अपन ने देखा रवि इज पुरुषिनी, तो ये हो सकता है। प्लस इसमें कौन सा किंग आपका जीता था, तो ये हमारा कौन सा रहेगा, सुडास। ठीक है, ये हमारे क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये अभी अपन ने क्लियर कर लिया है। फिर आपके जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो हमारे रहते हैं टाइटल्स के क्वेश्चन। टाइटल में हमारा क्या रहेगा, जैसे ग्रामीणी, ग्रामीणी क्या होता है, ग्राम, ग्राम यानी गांव, गांव का जो हेड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रामीणी। अब देखो गांव है, गांव से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विषपति। यानी जो आप आ रहे ग्रुप ऑफ विलेजेस का जो हेड होगा, ठीक है, ग्रामीणी याद रखना। टाइटल से सवाल आएगा ही आएगा, एक सवाल बनेगा, बट अपने को सारे याद करने पड़ेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री में आपके ज्यादा टाइटल्स हैं, एंशियंट में थोड़े से कम है, तो उसी हिसाब से अपन लेके चलेंगे। ठीक है, फिर देखो पुरोहित, पुरोहित अपने को पता ही है, पुरोहित क्या करता है, पूजा पाठ करता है, तो पूजा पाठ कौन करता है, प्रीस्ट, तो ये प्रीस्ट के लिए है। सेनानी, सेना को जो देखता है वो हमारा कौन हो जाता है, सेनानी। यानी ये जो टाइटल है ये किसके लिए यूज किया जाता था, चीफ कमांडर के लिए। फिर आपके दो टाइप के टैक्सेस आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, भाग और बलि। देखो भाग क्या होता है, भाग मतलब डिवाइड कर दिया, मेरी कोई प्रोडक्शन थी उसमें से कुछ भाग मैंने आपको दे दिया, तो ये हो गया भाग टाइप का टैक्स। बलि क्या होता है, बलि इज वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है, जो हम अपनी इच्छा से देते हैं, बलि अपनी इच्छा से दी जाती है, बट दिस इज कंपल्सरी, भाग इज कंपल्सरी, ये आपको देना ही देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हमारा जैसे सभा और समिति, इनके पास दो होती थी जिनमें एल्डर्स भी होते थे। एक सवाल यह आया था कि किसमें वुमेन है किसमें नहीं है, तो इसमें अपन ने रिसर्च करी थी और पाया था कि दोनों ही, दोनों में वुमेन आपकी रहती है, सभा में भी समिति में भी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सभा आपकी है, इट इज असेंबली ऑफ जो हमारे बड़े लोग हैं, तो सभा और समिति दो टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती थी एंशियंट इंडिया में, ये ध्यान रखेंगे। देन अभी अपन आर्यन में आ रहे हैं, तो आर्यन में मैंने क्या बताया था, लेटर वैदिक और आर्यन वाला जो फेज रहता है, वहां पे आते आते अब जो हमारा मेन है आर्यन पीरियड में, आपकी सोसाइटी मैट्रियार्कल से पैट्रियार्कल हो चुकी है और जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टाइटल आता है गृहपति, गृह मतलब घर होता है, पति मतलब घर का हेड। देखो सेक्सुअल टर्म, मतलब थोड़ा सा पैट्रियार्कल माइंडसेट यहां पे भी दिख रहा है, बट आपको ध्यान रखना है कि गृहपति इज व्हाट, हेड ऑफ द फैमिली। अब वो भी हो सकता है पर अपने को ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि जो आपका वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कितने वर्ण थे, किस पे ये बेस था, तो इस टाइप से चार हमारे वर्ण होते हैं, ये अपने को पता ही है। ठीक है, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, फिर आपके शूद्र होते हैं, फिर जो सबसे ही अनटचेबल जो सबसे लास्ट में होते हैं। अब अपने को ध्यान क्या रखना है कि ये बेस किस पे था, दो चीजें थी, फर्स्ट कॉम्प्लेक्शन, एक भाई आदमी कैसे कलर का है, किस बेसिस पे है, तो दो टाइप के कलर के बेसिस पे आपने कॉम्प्लेक्शन में कर दिया। सेकंड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज ऑक्यूपेशन, तो पहले आपको ध्यान रखना है कि जो उससे पहले वर्ण सिस्टम, लेटर वैदिक से पहले जो वर्ण सिस्टम था वो आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड ज्यादा था, बट लेटर वैदिक बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल चेंजेस आपका क्या हुआ, हमने उसको बर्थ बेस्ड बना दिया। बर्थ बेस्ड मतलब जो आज हमारा चला आ रहा है कास्ट सिस्टम, तो वर्ण सिस्टम चेंजेस इनटू कास्ट सिस्टम लेटर ऑन, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, पहले ऑक्यूपेशन बेस्ड ही होता था। अब ये सवाल बार बार आता है, पुरुषसूक्तहाइम, जो वर्ण सिस्टम है उसका ओरिजिन क्या बोला जाता है, पुरुषसूक्तहाइम से। इसमें क्या बताया गया है कि अलग अलग पार्ट ऑफ ब्रह्मा से आपके अलग अलग वर्ण निकले, जैसे सर से आपके ब्राह्मण निकले, छाती से आपके क्षत्रिय निकले, थाइस जो है वहां से वैश्य निकले हैं, और जो पैर है वहां से आपके क्या निकले, शूद्रज। तो ये है हमारा पुरुषसूक्तहाइम, ये आपका क्या बताता है, सोर्स ऑफ वर्ण सिस्टम। अब अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन की सारी पोजीशन बहुत अच्छी थी, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, विडो रीमैरिज होती थी, ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा हो जाता है वुमेन पोजीशन, आपको बस एक पीरियड के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर एक आधी स्टेटमेंट आपको मिल सकती है, दैट्स इट। ठीक है, फिर देखो ब्रदरन क्या उपनिषद, ब्रदरन क्या, अपन ने ऐसा याद किया ब्रदरन क्या, ब्रदरन का मतलब एकदम से सब कुछ गड़बड़ा गया। गड़बड़ा क्यों गया, क्योंकि वो जो सोल है वो माइग्रेट हो रही है, यानी ब्रदरन का उपनिषद जो है वो बात करता है, मतलब ऐसे सोल, माइग्रेशन ऑफ सोल। ठीक है, तो ये है हमारा ब्रदरन का उपनिषद, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल्स। और इसने अपना यज्ञ वाल्य, वाल्य का ये आपका इससे संबंधित है। देन ये यज्ञ वाल्य का जो है इन्होंने ये लिखा था। ठीक है, अब ये किसके थे, कोर्ट ऑफ जनक, किसके कोर्ट में थे, ये कोर्ट ऑफ जनक। फिर इस उपनिषद को आपका ट्रांसलेट किया गया था टी एस एलियोट ने, वेस्टलैंड, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये चीजें याद रखनी है, ब्रदरन का ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यज्ञ वाल्य का किसके कोर्ट से संबंधित है, यज्ञ वाल्य का जनक के कोर्ट से, किसने ट्रांसलेट किया, टी एस एलियोट ने, नाम क्या था, वेस्टलैंड। तो ये सारे के सारे हमारे हो जाएंगे। फिर आपकी दो टर्म आती है दास एंड दस्यु। दास जो होते हैं, दास क्या होता है, स्लेव, यानी स्लेव, जो आपका दास है वो दास, बट दस्यु क्या होता है, नॉन आर्यन। ठीक है, इंडिपेंडेंट, ये स्लेव नहीं है दस्यु और दास। अब ऐसे आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई दास पूछा है या दस्यु। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाला जो हमारा आपका रहेगा उसको आप रेफर करेंगे। ठीक है, हो सकता है इंग्लिश में उतना क्लियरली वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, तो आपको हिंदी मीडियम का पेपर रेफर करके देख लेना है कि भाई वहां पे दास लिखा हुआ है या दस्यु लिखा हुआ है।
फिर आपके जैसे राइस और वीट है, इनके लिए अलग अलग टर्म्स यूज करी जाती थी। राइस के लिए व्रीही रही रीही री 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 री, ठीक है, री राइस री राइस, तो आर आई 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 आर आई आर आई यहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है, आर आई राइस आर आई राइस। अब जैसे वीट है, वीट के लिए यूज किया जाता है तो गोधम्मा, ठीक है, धम्मा गोधुमा, गोधुमा इज वीट। तो ये दो एटलीस्ट आप ध्यान रखेंगे। फिर हमारे आते हैं जैसे गोल्ड कॉइन, देखे हाँ, उस टाइम पे वैसे तो बार्टर सिस्टम होता था, कॉइन इतने नहीं चलते थे, बट फिर भी आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला, गोल्ड कॉइन को क्या बोला जाता था, निशिका, ठीक है, निशिका गोल्ड, ठीक है, निशिका इज गोल्ड, सिल्वर इज सतमाना, एस और निशिका, ठीक है, निशा सत गोल्ड सिल्वर, तो निशिका इज गोल्ड निशिका, ठीक है, कैसे करके याद कर लो, निशिका इज अ नेम, किसी भी अपने दोस्त से अटैच कर सकते हो, या एक लड़की है निशिका, शी इज गोल्ड, ठीक है, बट सतमाना, ठीक है, सतमाना वो सिल्वर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का कैसा है कि भाई इन दोनों का चक्कर चल रहा है, ऐसे ही अपन इस टाइप की ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, सतमाना निशिका गोल्ड सिल्वर। तो थोड़ा सा अपन हायर प्रेफरेंस यहाँ पे किसको देंगे, फीमेल को, तो शी इज गोल्ड और सतमाना क्या है आपका, सिल्वर। अब ऋग्वेदिक पीरियड में अगर आपका पूछा जाए रिलीजन किस टाइप का था, तो हमारा मोनोथिस्टिक रिलीजन था, यानी हम एक ही भगवान पे ज्यादा फोकस करते थे, उसी की ही ज्यादा पूजा करी जाती थी। फिर हमारा जैसे उस टाइम पे इंदिरा है, इंदिरा को किस टाइटल से दिया जाता था, पुरंदर, पुरंदर का मतलब, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। पुरंदर क्या होता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, आपके जो किले हैं, किलों को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है, इंदिरा, ठीक है। और मैक्सिमम श्लोक अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में किस भगवान के लिए है, तो वो हमारा कौन हो जाएगा, इंदिरा। मैक्सिमम मेंशनड अगर रिवर आपसे पूछा जाए तो आपकी कौन हो जाएगी, सिंधु, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर हमारा अग्निहोत्री भी आ सकता है, तो ये हमारा जैसे पुरोहित आया था, पुरोहित और अग्निहोत्री ये दोनों सेम है, प्रीस्ट के लिए ही यूज करे जाते हैं। फिर हमारे कुछ गॉड्स हैं, जैसे गॉड ऑफ हर्ब एंड मेडिसिन, दवाई दे रहा है अश्विनी, दवाई दे रहा है अश्विनी, बट नरिशमेंट, नरिशमेंट, ठीक है, सोम, सोमा, सोम इज फॉर मून। आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई सोम, सोम अपन ने देखा था, ड्रिंक, ड्रिंक लेते ही नरिशमेंट आ गया, ठीक है, एक ड्रिंक ली और नरिशमेंट आ गया। तो ऐसे अपने को ध्यान रख लेना है कि सोमा इज गॉड ऑफ नरिशमेंट। देखो हल्का सा कंफ्यूजन है, हल्का सा कंफ्यूजन मतलब, क्योंकि थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग है इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो दवाई दे रहा है अश्विनी, बट ड्रिंक लेते ही मजा आ गया, नरिशमेंट आ गया। तो ड्रिंक, ड्रिंक कौन सी है, सोम, तो सोम इज विद नरिशमेंट, अश्विनी इज विद हर्ब एंड मेडिसिन। फिर आपका पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वो कंपोज किसने किया था, विश्वामित्र, तो ये किसके लिए किया गया था, एस ओ एन नहीं है, यहां पे क्या आएगा, सन, तो इसको करेक्ट करेंगे, ये हमारा क्या रहेगा, सन, ठीक है, इसमें आदित्य, आदित्य, तो ये आपको ध्यान रखना है, आदित्य गायत्री मंत्र, ये ध्यान रखना है। सरस्वती, उषा और अदिति, तीन हमारी ये फीमेल गोडेसेस हैं जो ऋग्वेद में मेंशन है, कौन कौन सी, सरस्वती, उषा और अदिति। यहाँ पे अगर एक को चूज करना पड़ेगा तो अपन किसको चूज करेंगे, सरस्वती को। थोड़ा सा बस हल्का फुल्का ध्यान रख लेना, बाकी सरस्वती, उषा एंड अदिति आर द फीमेल गोडेसेस ऑफ ऋग्वेदा। अब हमारा आ सकता है जैसे नॉन आर्यन गॉड, अब जो हमारा शिवजी था, शिवजी ही, उसका नाम क्या था, रुद्रा, तो रुद्रा है आपका नॉन आर्यन गॉड, आर्यन से भी आ रहे नॉन आर्यन पे। अब लेटर वैदिक पीरियड अगर आपसे पूछा जाए, वैदिक के बाद वाला जो हमारा पीरियड है वो कहां से शुरू होता है, 1000 बीसी से 600 बीसी। अब यहां पे मेन सेंटर ऑफ आर्यन सेटलमेंट, पहले आपका जो सप्त सिंधु रीजन में था वो अभी शिफ्ट होके गंगा वाले रीजन की तरफ जा रहा है, यानी सिंधु से अब हम गंगा यमुना दोआब की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो महाभारत को लेके काफी कंफ्यूजन होता है, एक जो 956 के आसपास, बस ध्यान रखना कि महाभारत कब लड़ी गई थी, 956 बीसी, और कहां लड़ी गई थी, कुरुक्षेत्र, याद रखना है। कुरुक्षेत्र किसकी कैपिटल थी, हस्तिनापुर की कैपिटल थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, तो ये आपका महाभारत हो गया। भगदुका और बलि साधक, तो ये हमारे हैं टाइटल, ठीक है। अब आपके दो तीन टाइटल आएंगे, भाग दुख, ठीक है, भागा, भाग अपन ने क्या देखा था, टैक्स, भाग, भाग टैक्स था, बलि भी टैक्स था, बट ये वॉलंटरी था, यानी भाग, भाग को जो कलेक्ट कर रहा है, यानी चीफ टैक्स कलेक्टर, वो हो गया, सिंपल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही बलि साधक, यानी जो बलि कलेक्ट, यानी वॉलंटरी ऑफरिंग्स को जो कलेक्ट करेगा वो आपका बलि साधक हो जाएगा। सिर्फ ऐसी चीजों पे फोकस करके ही अपने को आंसर निकालना है, ऐसे ही याद रखना है। अक्षवेदा, अक्षवेदा कौन हो जाता है, जो गैम्बलिंग हाउस अपना है अक्षय, अक्षय क्या कर रहा है, अक्षय गैम्बलिंग करता है, तो अक्षवेदा, अक्षवेदा, ठीक है, अक्षवेदा क्या हो गया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ द गैम्बलिंग हाउस, ठीक है। देखो इससे पहले जैसे जो फोर्थ वर्णा जो है,
आपका जैसे तीन वर्ण थे, चौथा जो वर्ण था शुद्रा, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता था। बट लेटर वैदिक पीरियड में जब इकोनॉमी में उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, उसके बाद इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। फिर हमारा आता है द्विजा सिस्टम। द्विजा सिस्टम क्या होता है? ट्वाइस बोर्न। ऐसा बोला जाता है कि ऊपर के जो तीन वर्ण है वो ट्वाइस बोर्न होता है, जैसे सेक्रेड सेरेमनी करी जाती है, थ्रेड सेरेमनी, ये सब आपका होता है। तो द्विजा सिस्टम भी ध्यान रखना है, जो ऊपर के सिर्फ तीन वर्ण सिस्टम है उन्हीं के लिए हमारा द्विजा सिस्टम है, और ये जो है ये इनके लिए नहीं होता, फोर्थ के लिए नहीं होता। इसलिए ऐसा भी बोला जाता है कि अगर अपन बात करें मोक्ष की, मोक्ष जो द्विजा सिस्टम में नहीं जा सकता उसका मोक्ष भी नहीं मिल सकता, यानी फोर्थ जो वर्ण हमारा है शुद्र वाला, उसको आपका मोक्ष भी नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखना है। फिर आपके जो चार आश्रम होते हैं, पहला होता है ब्रह्मचार्य आश्रम, 25-25 साल के चार डिविजन्स करे जाते हैं। पहला अपना हो गया ब्रह्मचार्य, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करोगे। फिर गृहस्थ आश्रम, जिसमें आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद आप वन में चले जाएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे। फॉरेस्ट में जाने के बाद अपना लास्ट में आता है सन्यासी, ठीक है, लास्ट में हमारा आएगा सन्यासी। तो ये चार आश्रम ऐसा भी याद होना चाहिए। अपने सवाल आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन आश्रम अमंग द फोर, तो ऐसा हो सकता है वर्ण आश्रम धर्म, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में बात करी गई थी, वो किसमें करी गई थी? ज्वाला उपनिषद, ठीक है, ज्वाला, ज्वाला में वर्ण आश्रम धर्म, ठीक है। ब्रदरन क्या, अभी तक अपने कौन से आए हैं? ब्रदरन क्या उपनिषद, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, टी एस एलियट्स, वेस्टलैंड, ठीक है, वो अपने को ध्यान रखना है। अभी ये हमारा कौन सा आ रहा है? ज्वाला। ज्वाला जो निकल रही है उसमें क्या है? वर्ण आश्रम धर्म फर्स्ट टाइम मेंशन है। इस टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं, पहली बार ये चीज कहां मेंशन है, ये कहां मेंशन है, ये कहां मेंशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये मैंने बताई दिया है, इनको मोक्ष नहीं मिल सकता क्योंकि ये आपके आश्रम धर्म से आपके एग्जम्प्टेड होते हैं, इसलिए इनको नहीं मिलेगा। ऐसे ही द्विजा सिस्टम, द्विजा सिस्टम ट्वाइस बोर्न होते हैं, और आपके टॉप थ्री यानी हमारे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और वैश्य को ही द्विजा सिस्टम में माना जाता है, दैट्स इट, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इनमें शादियां करी जाती है, बहुत टाइप की शादियां होती है, बट आपको दो एटलीस्ट ध्यान रखें। देखो ब्रह्म शादी और ये सब, वो सब अपने को कुछ नहीं पता, बस अपने को ध्यान रखना है कि अनुलोम और प्रतिलोम। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इसमें एक में अपर कास्ट मेल होगा, लोअर कास्ट फीमेल होगी, एक में अपर कास्ट फीमेल होगी, लोअर कास्ट मेल होगी। तो अनुलोम देखो छोटा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब मैनेजेबल है, बट प्रतिलोम ये उससे भी गड़बड़ है। तो उससे भी गड़बड़ी मतलब यानी अपर कास्ट मेल, जो बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्टेबल होता है आज की भी सोसाइटी में। अगर अपन बात करें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि अपर कास्ट फीमेल हो और लोअर कास्ट मेल हो, बट अपर कास्ट मेल और लोअर कास्ट फीमेल चल जाता है फिर भी, यानी अनुलोम थोड़ा सा चल जाता है, प्रतिलोम बिल्कुल नहीं चलेगा। इनसे जो बच्चे होते हैं, देखो इनको तो बोलते हैं वृत्त, वृत्त मतलब गिरे हुए, ठीक है, और ये आपके होते हैं चंडाल, चंडाल मतलब उससे भी गए, तो बिल्कुल ही चंडाल राक्षस टाइप, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये टर्म्स उनके लिए यूज करी जाती थी, बस आपको ध्यान रखना है। अनुलोम पूछा जा सकता है, प्रतिलोम, वृत्त पूछा जा सकता है, चंडाला पूछा जा सकता है। सीधा सीधा आपके ऑप्शन रहेंगे कि भाई चंडाला क्या है, यस दीज आर द चंडालास जो आपके बच्चे इन शादियों से निकलेंगे, ठीक है। फिर हमारी टर्म आती है अंतजय। अंतजय क्या होते हैं? जो अंतजय, अंत मतलब अंत, विलेज का अंत हो रहा है, अंत के बाद वो लोग रह रहे हैं, यानी लिविंग आउटसाइड द विलेजेस, अंतजय, अंत के बाद, विलेज के अंत के बाद वो लोग रह रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अंतजय। फिर आपका था किरात। किरात ये आपने सुना भी होगा कि जैसे बुद्ध की जो बहुत सारी स्टोरी चलती रहती है, उसने किरात को देखा और ये सब वो सब, तो किरात अपने क्या होता है? अनसिविलाइज्ड फॉरेस्ट ट्राइब्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, किरात क्या है? आपका अनसिविलाइज्ड फॉरेस्ट ट्राइब, ठीक है। फिर हमारा आता है कृष्ण आया। कृष्ण आया जो टर्म यूज करी जाती है, देखो कृष्ण ब्लैक, ब्लैक से यूज किया जाता है, या कैसे ही करके ध्यान रखेंगे इसको। कृष्ण आया जो है वो टर्म किसके लिए यूज करी जाती है? आयरन के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कृष्ण आया टर्म किसके लिए है? आयरन के लिए। फिर हमारी टर्म आती है श्रेणी और सृष्टि, ठीक है। श्रेणी तो एक एसोसिएशन है, श्रेणी, श्रेणी इज व्हाट? एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन। बट इस मर्चेंट का जो मतलब एसोसिएशन का जो हेड होता है उसको बोलते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊपर, तो श्रेणी है सबको मिला के, बट श्रेणी का जो हेड है दैट इज व्हाट? आपका सृष्टि, ठीक है। बट फिर अपने जैसे अलग अलग वेयर्स होते हैं, वेयर मतलब जो आपका कलर यूज किया जाता है आपके पोटरी पे, तो उस पोटरी में आपको ध्यान रखना है पेंटेड ग्रे वेयर हमारा होता है लेटर वैदिक पीरियड में, ओकरे कलर पोटरी, ठीक है, ये उससे पहले आता है ओकरे कलर पोटरी अपन बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड रेड, ठीक है, ब्लैक एंड रेड आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी बोला जाता है। फिर हमारा आता है पेंटेड ग्रे, ठीक है, और फिर आपका आता है पेंटेड ब्लैक समथिंग, ठीक है। तो ये इस सीक्वेंस में ही चलते हैं, पहले ओकरे कलर आपका आएगा, फिर ब्लैक एंड रेड आएगा, फिर ग्रे आएगा, फिर हमारा ब्लैक आता है, ठीक है। फिर ऋग्वेदा जो है इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट टेक्स्ट। अगर वर्ल्ड लिटरेचर में आपसे पूछा जाए कि पहला टेक्स्ट अपना कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा रहेगा?
ऋग्वेदा, और ये किसमें है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का भी पहला है, ठीक है, एंड इन द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। फिर अगर आपसे पूछा जाए संगीत शास्त्र, संगीत नाम से ही पता चल रहा है, संगीत इज म्यूजिक, तो इंडियन, इंडियन में म्यूजिक का पहला जो टेक्स्ट है दैट इज व्हाट इज संगीत शास्त्र, ठीक है। फिर एक नाम आती है उद्गत्री, उद्गत्री मतलब गाना गा रहा है, गत्री इज गाना, ठीक है, मास्टर ऑफ द वॉइस, रिसाइटेड, ये कौन से होते हैं, सामवेद, ठीक है। आपने जैसे अलग अलग वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ये अपने सारे के सारे चलते रहते हैं, तो सामवेद जो म्यूजिक के रहता है तो उसमें जो मास्टर ऑफ वॉइस होता है उसको क्या बोलते हैं, ये टाइटल दिया जाता है, उद्गत्री। अब जो हमारे यजुर्वेदा होता है, यजुर्वेदा में किसका मेंशन है ये आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर रिचुअल्स एंड सेरेमनी, और इनको जो रिसाइट करता है वो कौन है, अद्धवर्यु, अद्धवर्यु उद्गत्री। देखो सामवेद में जो है वह है उद्गत्री, गत्री गत्री गाने वाला, गाना वाला, म्यूजिक गाने वाला, यानी आपका सामवेद वाला, ठीक है। यजुर, यजुर में रिचुअल्स है, ठीक है, और जो हमारे ऋग्वेद है उसमें हाइम्स है, हाइम्स, रिचुअल्स, ठीक है, और ये फिर सामवेद, ठीक है। फिर हमारा आता है अथर्व वेद, अथर्वा, ठीक है, अथर्व वेदा, ये अननोन आर्यंस है, ये सबसे लास्ट में है, इसमें वैसे सबसे ज्यादा बातें करी गई थी, बट इसको पहले वेदा नहीं माना जाता था, लास्ट में था, तो ये ऐसे भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे विचक्राफ्ट, इविल स्पिरिट्स, इनकी ज्यादा बातें करी जाती हैं, इसी के अंदर आपके अलग अलग जो काम की चीजें आती हैं वो क्या क्या आती है, देखो इसमें जैसे आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेदा अपना क्या होता है, अपन ये तो अपने को पता ही है, आयुर्वेदा मेडिसिन की बहुत सारी बात करी जाती है, तो आयुर्वेदा इज अ साइंस डीलिंग विद मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन। देखो फिर है गणित शास्त्र, आपसे पूछा जा सकता है गणित शास्त्र क्या है, गणित अपने को पता ही है क्या बोलते हैं अपन, गणित इज मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स का हो जाता है। फिर है रेखा गणित, रेखा गणित क्या होता है, ये होती है रेखा, ठीक है, रेखाओं का गणित यानी ज्योमेट्री, तो रेखा गणित इज रिलेटेड विद व्हाट, ज्योमेट्री। फिर अरंक्यास, ठीक है, दो टर्म याद रखनी है ऋग्वेदास और इनसे संबंधित, अरंक्यास एंड उपनिषद, ठीक है। अरंक्यास क्या होते हैं, फॉरेस्ट लाइफ में यानी वनप्रस्थ आश्रम में जो आपने लिखे थे टेक्स्ट जो लिखे थे उनको अपन क्या बोलते हैं, अरंक्यास। बट जो हमारे उपनिषद होते हैं तो उपनिषद की आपको मीनिंग पता होना चाहिए, कम सिट नियर मी, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, उपनिषद। अब उपनिषद में कुछ उपनिषद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें किसके बारे में बात करी गई थी वो अभी अपन लर्न करेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस उपनिषद में किसके बारे में बात करी गई थी। उपनिषद का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है तो ये भी ध्यान रखना है, प्लस अब किसमें क्या बात करी गई है वो भी अपन देख लेते हैं। देखो कथो, कथो उपनिषद, नचिकेत और यम, एक तो ये ध्यान रखना है, कथा सुना रहा है कौन, सुना रहा है कथा, ठीक है, नचिकेत और यम, यम और नचिकेत के बीच के जो डायलॉग है वो किसमें है, कथा, तो यम आपकी कथा सुना रहा है किसको, नचिकेता को, कि भाई चल नचिकेता टाइम आ गया है, तो कथोपनिषद इज अबाउट नचिकेता एंड यम। ईशो, ठीक है, ईशा, ईशा मसीह सबसे पहले आया था, उसी ने सारे ब्रह्मांड का क्रिएशन किया, तो ईशो, ईशा मसीह, ईशा मसीह ने क्या किया, ब्रह्मांड का क्रिएशन किया, तो ईशो इज ईशा मसीह एंड क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यानी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की जो बात करी गई है वो है ईशो उपनिषद। सत्यमेव जयते आपका बार बार पूछा जाता है, मुंडका उपनिषद, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेवरेट है यूपीएससी का भी, स्टेट पीसीएस का भी, कि भाई सत्यमेव जयते किसमें आता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, मुंडका उपनिषद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईशो इज ईशो, ईशो फर्स्ट क्रिएशन, कथा कौन सुना रहा है, यम सुना रहा है कथा किसको, नचिकेता को, ठीक है, नचिकेत मोर, नचिकेत मोर भी ध्यान रखना है, इकोनॉमी में आएगा, नचिकेत मोर कमेटी फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमारा आ रहा है देखो कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा चांद सा है, ठीक है, चांद सा कृष्णा है, तो कृष्णा के चाइल्डहुड के बारे में है चांदोग्य उपनिषद, ठीक है, तो कृष्णा के बारे में कौन सा है अपना, चांदोग्य उपनिषद, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा चांदोग्य। तो कृष्णा क्या है, कृष्णा है चांद सा। अब पार्वती, ठीक है, तो पार्वती है केणो, केणो उपनिषद, ठीक है, शिवा, अब पार्वती और शिवा दोनों को याद कर लेते हैं, शिवा में एस है, सारे के सारे एस आ जाते हैं शिवा में, एस क्या है, श्वेता स्वस्त्रो उपनिषद, ठीक है, श्वेता स्वस्त्रो उपनिषद, श्वेता स्वस्त्रो उपनिषद, एक तो हो गया एस 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 शिवा, पार्वती, ठीक है, पार्वती, ठीक है, पार केनो, तो पार क केनो, पार केनो, पार केनो, ठीक है, पार केनो, पार वती पारकेनो, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, पार्वती पारकेनो, केनो पार, ठीक है, ऐसे कैसे भी करके ध्यान रख लो। फिर आपका एक पार्कर प्रोब, वो भी मैंने याद किया था, करवाया था, पीटर पार्कर, पीटर पार्कर कहां है, सन की तरफ जा रहा है, तो साइंस एंड टेक में आपका अगर पूछा जाए कि भाई पार्कर प्रोब कहां है, तो वो आपको क्या ध्यान रखना है, सन की प्रोब के लिए हमारा कौन सा है, पार्कर प्रोब, बट पार्वती के लिए कौन सा है, पारकेनो, ठीक है, पारकेनो एक टर्म याद रखनी है, पार्वती, तो कैसे ना कैसे सवाल आएगा तो अपने को याद आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे देखो वेदांगाज आते हैं,
तो निरुक्ता, निरुक्ता है एटिमोलॉजी, यानी जो ओरिजिन है किसी शब्द का, जो ओरिजिन होता है वो है आपका निरुक्ता में, ठीक है, निरुक्ता वेदांग। तो ये निरुक्ता, निरुक बस कैसे करके कुछ 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 तो याद रखना पड़ेगा, बिना ट्रिक के भी ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। कल्प, कल्प वेदांगा, ठीक है। कल्प इज अगेन रिचुअल्स, तो रिचुअल होते हैं आपके कल्प वेदांगा, ठीक है। तो कल्प इज कल्प, कल्प कर रहे हैं तो रिचुअल्स कर रहे हैं, रिचुअल से संबंधित। फिर हमारा आता है व्याकरण, व्याकरण अपने को बताइए ये किसके बारे में बात करेगा, सवाल ऐसा आएगा, निरुक्त वेदांगा में किसके बारे में बात करी गई है, एटिमोलॉजी, कल्प वेदांगा में किसके बारे में बात करी गई है, रिचुअल्स, ठीक है। तो कल्प ऋचु, ऋतु, ठीक है, कल्प ऋतु, कल्प ऋतु, कल्प ऋतु, रिचुअल, ठीक है, रिचुअल, कल्प रिचुअल, ठीक है। व्याकरण अपना ग्रामर हो ही गया। अब देखो शिक्षा वेदांगा, ये है फोनेटिक्स, जो अपनी आवाज निकलती है। निरुक्ता तो है ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, यानी एटिमोलॉजी, और ये हमारा क्या है, जहां से आपकी आवाज निकलती है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है शर्मनाज, ये सारा का सारा डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हु आर शर्मनाज, शर्मनाज कौन थे, तो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के दौरान जो हमारे ग्रुप ऑफ थिंकर्स थे उनको हम क्या बोलते हैं, शर्मनाज, ये ध्यान रखना है। संख्या शास्त्र, देखो अब आपके आएंगे छह, छह के छह दी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इनको अपन ने कैसे याद किया था, उसी ट्रिक से अभी अपन चलते हैं। देखो संख्या, संख्या मैंने क्या बताया था, संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा किसकी है, संख्या ज्यादा है बंदरों की, ठीक है। बंदरों को अपन क्या बोलते हैं, कपिल, बंदर का दूसरा नाम क्या है, कपिल। तो संख्या शास्त्र, ये जो छह फिलोसफीज है हमारी हिंदू फिलोसफी के छह भाग है, ठीक है, छह के छह आपको याद होने चाहिए। तो ये हमारे कौन से, देखो संख्या, संख्या किसकी ज्यादा है, कपिल की। योगा, योगा हमारा कौन कराता है, रामदेव, रामदेव किससे संबंधित है, पतंजलि, तो योगा हमारा क्या हो जाएगा, पतंजलि। फिर आता है आपका उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, देखो पूर्व में हमने क्या देखा था, पूर्व में जाम रखा हुआ है, उत्तर में क्या है, बद्रयान, ठीक है, उत्तर में बद्र, बद्र अच्छा नहीं है बट पूर्व में अच्छा है, अच्छा क्या है, जाम, जाम बहुत अच्छा है, ठीक है, जाम इज अच्छा। तो पूर्व मीमांसा इज जैमिनी, जामिनी, जामिनी, तो ये हमारा किससे हो जाएगा, जामिनी। बट अगर आप उत्तर में देखोगे तो ये हमारा कौन हो जाएगा, बद्रयान। न्याय, न्याय हमने कैसे याद किया था, न्याय कौन करा रहा है, गौतम बुद्ध, तो न्याय फिलोसफी इज रिलेटेड विद गौतमा। अब देखो वैशेषिका, वैशेषिका मैंने क्या बताया था, वैशेषिका क्या सीखा, सीखा कि सब कुछ कणों से बना हुआ है, हर यूनिवर्स का एक 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 पार्टिकल किससे बना हुआ है, कणों से बना हुआ है। कण हमारे क्या होता है, कण 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 कन्नड़, तो वैशेषिका फिलोसफी किसकी है, कण 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 कन्नड़, ठीक है, तो वैशेषिका किसकी होगी, कन्नड़ की। फिर हमारा आता है महावंशा, ये अब महावंशा किसने लिखी थी आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, महामन्ना, ठीक है। अब हमारे कुछ कुछ आ रहे हैं उनको अपन देख लेते हैं, राइटर्स भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के हिसाब से। तो यहां पे देखो महावंशा किसने लिखी, महामन्ना, गौतम बुद्ध, इनका नाम क्या था बचपन का, सिद्धार्थ नाम था, कहां पे जन्म हुआ, लुम्बिनी बिहार, नेपाल में इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 563 BC। अब आपसे पूछा जा सकता है इनके घोड़े का क्या नाम था, कंटक, तो कंटक आपको याद रखना है। पर इनके जो इनके चैरियट थे, ड्राइवर जो थे, उनका नाम क्या था, चेन्ना, चेन्ना और कंटक, दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। सिद्धार्थ नाम याद रखना है, लुम्बिनी में पैदा हुए थे, 563 में पैदा हुए थे। इनके जो दो गुरु थे, दोनों गुरु का नाम याद रखना है, अल्लारा कामा एंड रुद्रक, ये इनके दो गुरु थे, और भी हैं बस इनका नाम ध्यान रख लो, ठीक है। फिर महाभिनिष्कर्मा, ये मैंने क्या बताया था, जो ग्रेट डिपार्चर था, जब वो अपना घर को छोड़ के गए थे, दैट इज महाभिनिष्कर्मा। सवाल क्या आएगा, महाभिनिष्कर्मा क्या है, महाभिनिष्कर्मा इज ग्रेट डिपार्चर ऑफ बुद्धा, ठीक है। अब ये डिपार्चर हुआ था तो कौन से दिन, 48 दिनों तक इन्होंने आपकी पूजा करी थी, 49th डे इनको वो मिल गया था एनलाइटनमेंट। अब इस एनलाइटनमेंट को किसी ने तो विटनेस किया होगा, वो कौन था जिसने विटनेस किया था, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, तो वो हमारी कौन थी, पृथ्वी, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर पहला जो डिसाइपल, यहाँ पे देखो दो हैं, श्रीपुत्ता एंड महाकश्यप है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप टिक करके आएंगे, श्रीपुत्ता एंड महाकश्यप दोनों ही ऑप्शन में हो सकते हैं, कंफ्यूजन रहता है इसमें पहला डिसाइपल कौन था कौन था, बट फिर भी अगर थोड़ा सा अपने को अगर जाना पड़े तो श्रीपुत्ता पे अपन जाएंगे कि भाई अगर इन दोनों में से भी चूज करने को, वैसे आएगा नहीं, दोनों में से चूज करना, एक ही आपका देगा, तो ये हमारा हो जाता है, तो महाकश्यप एंड सारिपुत्ता। पहला सरमन, एस फॉर सरमन, एस फॉर सारनाथ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब उनकी डेथ कहां हुई थी, खुशी खुशी मरे थे, तो कहां मरे थे, खुशी नगर में, ठीक है। तो इन्होंने बताया कैसे जाते जाते कि भाई आपके चार नोबल ट्रुथ हैं, ठीक है, कि भाई लाइफ में मिसरी, दुख तो आएंगे ही आएंगे, दुख आएंगे तो उनके पीछे कारण क्या होगा, डिजायर्स, यानी आपकी चाहते, तो डिजायर्स, बट क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है, यस ऑब्वियसली हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ की अपनी क्या ट्रिक है, वीजा एल ई एम सी, ठीक है, वीजा एल ई एम सी। अब ये जो एट फोल्ड पाथ है,
जैसे राइट विजन, इंटेलिजेंस, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, व्हाटएवर, ठीक है, मेमोरी या फिर कुछ 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 कुछ, तो ऐसा कंसेंट्रेशन, तो ये हमारे अलग अलग बनते हैं, इनको एक बार देख लेना। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, एट फोल्ड पाथ आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो फर्क रहता है, देखो बुद्धिज्म बिलीव्ड इन कर्मा, यस, जैनिज्म बिलीव्ड इन कर्मा, यस, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्या बुद्धिज्म बिलीव करता था, यस, जैनिज्म बिलीव करता था, यस। सेकंड चीज, थर्ड चीज, एग्नोस्टिक, अगर आपसे पूछा जाए गॉड के बारे में इनका क्या विचार था, तो एग्नोस्टिक यानी बुद्धा जो था, जब उससे पूछा गया कि भाई गॉड के बारे में क्या ख्याल है, तो ही वॉज साइलेंट, उसको कोई मतलब नहीं था, तो ना तो उसने हाँ भरी ना ही मना किया। बट जो आपके वो है, वो क्या कहते हैं, गॉड है बट वो जिन्ना से भी नीचे है, वो उसकी मतलब उसको नीचे ही रखते हैं, प्लस वो ये कहते हैं कि भगवान की जरूरत ही नहीं है, और जो आपका यूनिवर्स है वो जो क्रिएट हुआ है ऑन इट्स ओन, यूनिवर्स, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है जैनिज्म, ठीक है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म इन दोनों के डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। फिर जो बुद्धिस्ट आपके मॉन्क्स होते थे, उनको आपका जो वो पहनाया जाता था, ठीक है, वुलन क्लोथ्स वगैरह होते थे, वो उनको सीनने के लिए भी अपने पास वो रखते थे, सुई धागा भी रखते थे, पर इनको दिन की एक ही मील अलाउ होती थी, अगर ये ज्यादा लेके आते थे तो इनको शेयर करना होता था, तो ये अपना हो जाता है, ठीक है। फिर भिक्षु जो है, देखो दो टर्म आएंगे, भिक्षु और उपासक, ठीक है, उपासक तो जो है उपासना कर रहा है कि हाँ जी ठीक है मैं आपकी उपासना कर रहा हूं, यानी आई एम योर फॉलोअर, तो उपासक क्या हो जाता है, हमारा फॉलोअर, ठीक है। भिक्षु, बट भिक्षु इज लाइफ टाइम मेंबर, वो तो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ के आ चुका है, ठीक है। तो हमारे जो इसमें तीन आते हैं, ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ठीक है, तो ये आपके तीन चलते हैं, तो एक और है वो मैं अभी भूल गया हूं, बुद्धम, संगम और एक और, ठीक है, तो ये आपके आएंगे, देन ये देख लेना अभी कोई वो नहीं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हमारे जैसे भिक्षु लाइफ टाइम मेंबर, उपासक इज अ फॉलोअर। अब हमारे चार जो आपको ध्यान रखने हैं, ये हमारा सवाल आता है प्लेसेस और पैटर्नाइज्ड बाय, इसकी हमारी ट्रिक क्या थी, राज वैशाली को पटाके कहां लेके गया, कश्मीर, कश्मीर में क्या है, कुंदलवन, ठीक है, राजगीर, पहला राज, वैशाली, पटाके, पाटलिपुत्र, कुंदलवन या कुंदल ग्राम यानी कश्मीर। फिर हमारी जो जिन्होंने पैटर्नाइज किया उसकी ट्रिक क्या थी, एक के एक के, एक एक क्या है, ए फॉर अजात शत्रु, के इज काला अशोका, फिर ए इज अशोका और लास्ट इज एक के एक के, ठीक है, काला अशोका, अजात शत्रु, काला अशोका एंड अशोका एंड लास्ट इज कनिष्का, ये गलत हो गया, ठीक है, कनिष्का, तो प्रवेश का कि नहीं कनिष्का, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है महायाना एंड हिनयाना बुद्धिज्म, देखो अब हमारा जो दो है, जैसे आपकी 1, 2, 3, 4, सेकंड और फोर्थ, यहां पे तो हुए हैं इनके डिविजन, फोर्थ में तो बिल्कुल ही अलग हो गए थे, सेकंड में आपके दो सेक्ट बने थे, यहां पे तो आपके जो कंप्लीट यानी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है महायाना एंड हिनयाना, आपसे सवाल पूछा जाएगा किस में बने, तो फोर्थ में, ठीक है, सेकंड और फोर्थ में डिविजन हुए, बट बुक्स जो लिखी गई वो यहां पे है, अभिधम पिट्टिका लिखी गई थी थर्ड में, और जो सुत्त पिट्टिका और विनय पिट्टिका हमारी है वो हमारी लिखी गई थी फर्स्ट में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखो अभिधम पिट्टिका, अभिधम पिट्टिका किसने लिखी, तिशा, ठीक है, तिशा ने लिखी थी, और किसी में लिखी थी, थर्ड, टी 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 टी, तिशा और थर्ड, ठीक है, थर्ड में तिशा ने कौन सी लिखी, अभिधम पिट्टिका। बुक जो दो, विनय पिट्टिका सुत्त पिट्टिका कौन सी काउंसिल में लिखी गई, फर्स्ट काउंसिल में, सेकंड में दो सेक्ट बने, फोर्थ में तो बिल्कुल ही दो रिलीजन मतलब अलग ही बन गए ऐसे काइंड ऑफ, ठीक है। देखो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, यहां पे जो दो बने थे वो क्या थे, महासंगिका और तेरावंदिन्स। एक सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, तेरावंदिन्स क्या है, ठीक है, तेरावंदिन है पुराने जो बुद्धिज्म की फिलोसफी को सपोर्ट करते थे, तो तेरा इज ओल्ड, ठीक है, तेरावंदिन्स पुराने बुद्धिज्म। बट अगर आपसे पूछा जाए कि महासंगिका क्या है, महासंगिका अगेन न्यू, बड़ा बनाना है, चेंज करना है, तो ये आपका चेंज चाहते थे, तो सेकंड में आपके दो हो गए, महासंगिका और तेरावंदिन्स। सवाल ये भी आ सकता है कि तेरावंदिन्स किस रिलीजन से संबंधित है, बुद्धिज्म, ये सेक्ट किससे संबंधित है, ऐसा सवाल यूपीएससी में भी आते हैं, यहां पर भी आपका पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो वैसे यूपीएससी में तो कितना ही पढ़ लो, हमेशा वो जो लेके आते हैं नया ही लेके आते हैं हर बार, ठीक है, बट अपन एचसीएस में हमेशा ट्राई करेंगे, ठीक है। अब आपका आ रहा है महायाना बुद्धिज्म, ठीक है, महायाना बुद्धिज्म, इसकी लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, संस्कृत, जबकि जो हिनयाना है उसकी लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, प्राकृत, दैट्स इट, ठीक है। अब बुद्धिज्म को अलग अलग जगह पे फैलाया गया था, सेंट्रल एशिया, अगर आपसे पूछा जाए तो सेंट्रल एशिया में किसने करा था, कनिष्का, ठीक है, कनिष्का ध्यान रखना है, कनिष्का इज सेंट्रल एशिया, जिन्होंने गांधारा और उससे संबंधित है कुशाना, ठीक है। फिर हमारा आता है मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो किस किस का है,
मिलिंद पन्हों में किसकी बात करेंगे? देखो मिलिंद, मिलिंद इज मेंडर, ठीक है, मेंडर एंड नागसेना, इन दोनों के बीच के डायलॉग आपके हैं मिलिंद पन्हों में, ठीक है। फिर हमारा आता है एक तो सवाल पूछा जाएगा हर्षा, हर्षा कौन से टाइम पीरियड में थे? तो ये आपके 606 एडी में थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 647 आई थिंक यहां तक ही है, 606 में ही इनका हर्षा ईरा भी स्टार्ट होता है। फिर शैंग, शैंग इज गाना, गाना तो मैंने ऐसे याद रखा है, हर्षा गाना गाता था इज शैंग, तो हुएन शैंग, शैंग इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, इन्होंने ही इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया था, ये ध्यान रखेंगे। अब आपसे सवाल पूछा जाता था कि सबसे पुराना स्तूप कहाँ है, तो सांची स्तूप, सांची किसने बनाया? अशोका ने, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, अशोका, ठीक है। फिर हमारा आता है सबसे बड़ा, तो आपने क्या देखा था, बोरोबुदुर जावा इंडोनेशिया इज सबसे बड़ा हमारा यही स्तूप रहेगा। फिर मथुरा, देखो तीन आपके स्कूल हैं, मथुरा स्कूल, गांधारा स्कूल एंड अमरावती स्कूल। मथुरा स्कूल में तो सिंपल, ठीक है, जैसे ये किसने बनाया, सुकु, ऐसे अपन ने याद किया था, सुकु, सुकु कुषाण डायनेस्टी से कनिष्का, ठीक है, सुंगा, सुंगा डायनेस्टी, तो ये कनिष्का आपका है गांधारा से संबंधित, मथुरा इज सुंगा डायनेस्टी। फिर हमारा आता है अमरावती, अमरावती आपका आता है साउथ में, यहाँ पे कौन सा, अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, एक तो ये कौन सी डायनेस्टी से संबंधित है, दूसरा आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि भाई ये जो है, जैसे मान लो मथुरा, इसमें कौन सा सैंडस्टोन यूज किया गया था, तो मथुरा में था रेड, जी फॉर गांधारा, जी फॉर ग्रे, ग्रे सैंडस्टोन, जबकि अमरावती, अमरावती यहाँ पे व्हाइट मार्बल, ठीक है, व्हाइट मार्बल, यहाँ पे नैरेटिव आर्ट थी, नैरेटिव, नैरेटिव मतलब वहां पे आपने स्टोरीज की फॉर्म में बता रखा है, तो उस फॉर्म में आपकी आर्ट थी नैरेटिव। बट अगर अपन यहाँ पे देखेंगे गांधारा एंड मथुरा, यहाँ पे हमारा ह्यूमन फॉर्म में इसको डिपिक्ट किया गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका सवाल मेंस में भी आता है बार बार, गांधारा और उसके जैसे ऋतिक से अपन याद करते हैं, उसके कर्ली हेयर्स हैं, बड़े बड़े कांस हैं, तो ये हमारे किसमें हो जाते हैं, गांधारा आर्ट, और ये अपना हो गया मथुरा। अब हमारे आते हैं सिंबल्स, देखो अब जो बुद्धा की बर्थ हुई थी, बर्थ से रिलेटेड हमारा सिंबल कौन सा है, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट आपका आया था, उसमें दो चार चीजें आ रही थी, ठीक है, तो बर्थ एलिफेंट तो आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हॉर्स घोड़े पे गया था, तो घोड़े पे क्या किया इन्होंने, डिपार्चर। पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ के नीचे बैठा है तो एनलाइटनमेंट, ठीक है, एनलाइटनमेंट। व्हील, व्हील जो आपका है चक्र, ठीक है, चक्र हमारा जैसे एम्बलम में भी है, ठीक है, जो भारत का एम्बलम है प्लस फ्लैग में भी है, ये सवाल आपका उसमें था, तो ये ध्यान रखना है। व्हील, चक्र, चक्र घूमने लग गया, ठीक है, समय का चक्र घूमने लग गया, तो सरमन देते ही, जब पहला सरमन दिया गया था तब ऐसा माना जाता है कि व्हील चक्र आपका घूमने लग गया, ये हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे हो गए। एक और जो आपका आता है एम्प्टी सीट, एम्प्टी मतलब खाली, खाली जो सीट थी इनकी, खाली सीट कब थी, जब उनकी डेथ हो गई थी, यानी महापरिनिर्वाणा, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, पाली लैंग्वेज आपकी ये यूज करते थे। फिर हमारा आता है कि आइंस्टीन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो ये हमारे हैं आचार्य नागार्जुना, और इनकी जो फिलोसफी थी वो थी माध्यमिक सिद्धांत, बस इतना याद रखना है। कौन सी फिलोसफी किसकी थी, अभी अपन डिटेल में नहीं जा सकते, अपन सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड पॉइंट करेंगे, अब मैं यहां नहीं ये समझाऊंगा कि ये क्या है वो क्या है, विशिष्ट अद्वितीय क्या है, अद्वितीय क्या है, नहीं, ठीक है। फिर आइंस्टीन हो गया, आइंस्टीन याद रखेंगे, आचार्य नागार्जुना, फिलोसफी, माध्यमिक सिद्धांत, ठीक है। फिर हमारा क्या आ रहा है, देखो अब बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी, अशुघोष, ठीक है, अशुघोष, ये आपको पता ही होगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। अभिधम्म मोक्ष, ये वसुबंधु, ठीक है, ये पहली डिक्शनरी थी ऑन बुद्धिस्ट फिलोसफी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ भी सकते हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अभिधम्म मोक्ष वसुबंधु, ठीक है। जातक कथाएं, आपसे सवाल पूछा जाएगा जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो बुद्ध की लाइफ पे, ठीक है। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा जैनिज्म के बारे में, जैनिज्म आपको पता होना चाहिए कि कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, शुरू के जैसे एक से लेके 22 तक कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, 23 और 24 थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जैनिज्म में एक तो 24 तीर्थंकर, 23वां अपना जो था वो थे पृष्णनाथ, कहां से बिलोंग करते थे, बनारस, और जो 24वें हमारे हैं वो कौन है, वर्धमान महावीर। अब कहां पे हुआ, क्या हुआ, देखो कहां पे, कुंदा, कुंदे लगे हुए थे, कुंदे, ठीक है, तो पैदा कहां हुए थे, कुंदे, ठीक है, कुंदे में पैदा हुए थे, पाव भाजी खा रहे थे, तो पाव पूरी, पावा और पूरी, तो कुंदे लगे हुए थे, वहां पे पैदा हुए कुंदा, ठीक है, कुंदा ग्रामा, बट पावा पूरी, पूरी पूरी खाते हुए मर गए थे, ठीक है, वो कैसे मरे थे, खुशी खुशी मरे थे, ये पावा पूरी में मरे हैं। और घनटिका क्लान इनकी थी और उनकी सांख्या क्लान संबंधित है। अब जैसे जैनिज्म वाले जो थे, ठीक है, महावीर इनके एक दोस्त होते थे, ये दोनों आपस में एक फिलोसफी पे काम कर रहे थे, बट इनमें बाद में डिफरेंसेस हो गए, उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से ये कौन से थे, मक्काली घोषा, तो इन्होंने कौन सा सेक्ट बनाया, आजीविका सेक्ट, ठीक है, आजीविका सेक्ट किसमें कहता है कि कोई इसमें कुछ नहीं है, धरती पे कुछ नहीं है, अपना खाओ पियो मौज करो, दैट्स इट, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है।
फिर जैनिज्म में जो आदमी आपकी सुप्रीम नॉलेज अटेन कर लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैवल्या। कैवल्या क्या होती है? अल्टीमेट सुप्रीम नॉलेज। तो महावीरा ने इसको अटेन किया था किस रिवर पे? रिजुपलिका। रिजुपलिका रिवर पे महावीरा ने सुप्रीम नॉलेज को अटेन कर लिया था। फिर एक टर्म आती है जिन्ना। जिन्ना क्या होता है? कंकरर ऑफ नॉलेज, यानी जिसने कैवल्या को अटेन कर लिया है वो है जिन्ना। कैवल्या क्या है? नॉलेज। जिन्ना क्या है? उसको अटेन करने वाला। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे। फिर आपका पंच अनुव्रत। अब जैनिज्म में कहा गया है कि भाई झूठ नहीं बोलना, चुराना नहीं है, खुद के पजेशन में कुछ नहीं रखना, वायलेंस नहीं करना। ये तो चार चीजें हैं, ये पहले से थी, मतलब 23 तक आते आते ये हो गई थी। बट जो 24वें थे महावीर, उन्होंने एक चीज और ऐड करी, सेलिबेसी, यानी सेक्स भी नहीं करना। तो ये हमारी हो जाती है पांच चीजें। तो फाइव प्रिंसिपल्स जो जैनिज्म के हैं उनको क्या बोलते हैं? पंच अनुव्रता। सवाल आएगा पंच अनुव्रता किससे संबंधित है? जैनिज्म। फिर जो हमारे त्रिरत्नास हैं, जैनिज्म में तीन रत्न माने जाते हैं। इसकी ट्रिक अपनी क्या है? केएफसी। ठीक है, केएफसी का चिकन खाते हैं। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। तो तीनों के तीनों हमारे क्या है? नॉलेज, फेथ, फेथ नहीं फेथ। ठीक है, तो हमारा फेथ बिल्कुल राइट होना चाहिए, कंडक्ट बिल्कुल राइट होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर हमारा आता है फिलोसफी है शायदवाद और अनेकतावाद। देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है, शायदवाद, शायद ऐसा हो सकता है। अनेकतावाद, अनेकता मतलब देयर इज नो सिंगल ट्रुथ, अनेक ट्रुथ है हमारे। तो शायद वाज मे बी वाली फिलोसफी। अनेकतावाद सेम उसी का ही दूसरा फॉर्म हो गया कि भाई अगर मल्टीपल हैं तो अगेन हमारा किस में जाएगा? मे बी वाली फिलोसफी में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ये किसकी दी हुई थी? वर्धमान महावीर। इन्हीं से संबंधित एक और आएगा आपका मोमेंट्रीनेस। ठीक है, मोमेंट्री, सब कुछ मोमेंट्री है, किसी भी क्षण भंगुर, क्षण में सब कुछ खत्म हो सकता है। यस यस। तो इन्होंने देखो गॉड के बारे में मैंने क्या बताया था? गॉड एग्जिस्ट, यस, बट क्या वो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है? नो। यूनिवर्सल लॉ की वजह से आपकी सारी की सारी लाइफ बनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, नॉन वायलेंस से किसी भी हद में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो बुद्धिज्म से एक डिफरेंस यहां पे आ रहा है। बुद्धिज्म क्या कहेगा? माध्यमिक फिलोसफी। माध्यमिक मतलब बीच का रास्ता। ठीक है, बुद्धिज्म बोलता है बीच का रास्ता, बीच का रास्ता हमें अपनाना है। ठीक है, ये बोलेगा आपका बुद्ध। बट ये क्या कहेगा? बिल्कुल भी नहीं, नॉन वायलेंस, कंप्लीट नॉन वायलेंस। ये एक मेजर डिफरेंस है, गॉड का हो गया। बट दोनों के दोनों ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल प्लस कर्मा फिलोसफी में दोनों ही बिलीव करते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इनके जो डिसाइपल्स थे वो थे 11 डिसाइपल्स, प्लस इनको किस नाम से बोला जाता था? गांधारा। गांधारा टर्म आपको ध्यान रखना है, गांधारास बोला जाता था इनके डिसाइपल्स को। कितने डिसाइपल्स हैं ये भी याद रखना है, कितने हैं हमारे? 11। ठीक है, अब देखो चार अपन ने याद करी थी, चार हमारी कौन कौन सी? राज वैशाली, वैशाली को पटाके कश्मीर लेके गया था, तो वो हमारी चार हो जाती है। अब हमारा आता है कि अगर जैन वाले हैं तो जैन में हमारे कौन कौन सी हैं, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि भाई जैन में पहली जो है, देखो पहली तो वही है पाटलिपुत्र, और सेकंड है वल्लभी, ये रही। ठीक है, पाटलिपुत्र और वल्लभी, बस दो ही याद रखेंगे, पाटलिपुत्र और वल्लभी। बुद्धिज्म की जो फिफ्थ और सिक्स है वो भी अपनी अभी आएगी, वो आपकी बर्मा में हुई थी। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स वो रिसेंट है। ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जैन काउंसिल, पाटलिपुत्र, यहाँ पे जैनिज्म डिवाइड हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेत इज व्हाइट, व्हाइट कलर के जो कपड़े पहनते थे श्वेतांबर, दिगंबर इज न्यूड। ठीक है, तो भद्रबाहु जो था दैट इज दिगंबर। तो भद्रबाहु ने जो बनाया था इसमें कौन सा बनाया था? दिगंबर फिलोसफी। तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा आता है, देखो अलग अलग ने अलग अलग चीजें अडॉप्ट करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अडॉप्ट किया था, किसने करवाया? भद्रबाहु ने। ये कहां गया था फिर? चंद्रगिरी, चंद्रगिरी में स्वर्ण बेलगोला, वहां पे जाके इसने सलेखना किया, यानी वो फास्टिंग करी धीरे 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 धीरे, फिर इसकी डेथ हो गई, यानी खाना पीना छोड़ दिया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, चंद्रगिरी गया, स्वर्ण बेलगोला गया, वहां पे एक स्टैच्यू है ऑफ बाहुबली, जिसको किस नाम से? गोमटेश्वरा। ठीक है, सलेखना जो हमारा ये फास्ट है ये परफॉर्म किया गया। तो ये सारे के सारी चीजें चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएटेड है, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फिर हमारा आता है कि रत्नामलिक या फिर कविराज मार्ग, ये किसने लिखी? अमोघ वर्षा। ठीक है, रत्नामलिक एंड कविराज मार्ग, ये हमारे किससे हो जाती है? अमोघ वर्षा। फिर आपका आएगा देखो केव आर्किटेक्चर। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दोनों में से पहले जो है आपका केव आर्किटेक्चर किस में आता है, तो ये हमारा कौन सा होता है? जैनिज्म। अब कुछ लोकेशंस देख लेते हैं, बादामी। ठीक है, बादामी आपके साउथ में आता है, बादामी केव्स कहां मिलेंगी? कर्नाटक। ठीक है, अब जो जैन के टेम्पल्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं? बसड़ी। ठीक है, फनी टर्म है, याद हो जाएगी। ठीक है, बसड़ी, जैन टेम्पल्स, खनकास, खनकास सूफिज्म। ठीक है, खनकास, तो कनका जहां पे सूफिज्म वाले रहने वाले होते हैं
विहारा, चैत्य, ये अपने देख लिए, ये टर्म सारी के सारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दिलवाड़ा टेम्पल आपको पता ही, माउंट आबू, और दिलवाड़ा टेम्पल किसने बनाया थे, भीमावन ने और सोलंकी डायनेस्टी ने। ऐसे ही फिर हमारे आते हैं घटिकास, ठीक है। घटिकास इनके क्या होते हैं, रेस्टिंग प्लेसेस टाइप्स, ठीक है। तो ये होते हैं जैनिज्म से संबंधित घटिकास, ठीक है। फिर अब बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के टकरार करते करते आपका क्या आया था, भगवतिज्म, ठीक है। भगवतिज्म फिलोसफी इन्हीं दोनों से टकराते हुए आई थी, क्योंकि ये पॉपुलराइज ज्यादा हो रहे थे, तो ब्राह्मण निकल ने थोड़ा सा अपने अंदर मॉडिफिकेशन किया और ये फिलोसफी लेके आए। यानी फ्रॉम बुद्धिज्म जैनिज्म कौन लेके आया था, फाउंडर कौन माना जाता है, वसुदेव कृष्णा। कृष्णा को ही क्या बोला जाता है, हरकुलिस ऑफ इंडिया। अगर आपसे सवाल आए कि हु इज द हरकुलिस, गॉड, ग्रीक गॉड, हरकुलिस से किसको कंपेयर किया जाता है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, कृष्णा, ठीक है। अब इसमें दो तीन टर्म्स आते हैं, यानी भक्ति, देखो भक्ति, प्रपत्ति, निष्काम कर्मा। भक्ति क्या होता है, डिवोशन, डिवोशन मतलब कंप्लीटली डिवोटेड, ठीक है, कोई सवाल जवाब नहीं, तो भक्ति इज डिवोशन। और ये जो हमारा है, ये जो भगवतिज्म था, ये पॉपुलर हुआ फॉरेन रेसेस में, क्यों, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है उससे बड़ा ही इंडिफरेंट था, उसको नहीं मानते थे ये लोग, ठीक है। तो ये आपका पॉपुलर हुआ, ये रीजन आपका पूछा जाता है कि कास्ट सिस्टम की वजह से। प्रपत्ति, प्रपत्ति क्या है, बिल्कुल ही टोटल सरेंडर, ठीक है। प्रपत्ति, पति, पति से टोटल सरेंडर होता है, प्रपत्ति, पति, टोटल सरेंडर टू गॉड, पतिव्रता, ठीक है। तो अपन ऐसे देखते हैं, टोटल सरेंडर टू गॉड, पतिव्रता, प्रपत्ति, प्रपत्ति, ठीक है, ट्रिक है, आई डोंट सपोर्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। प्रपत्ति, प्रपति, पति, गॉड, टोटल सरेंडर। निष्काम, निष्काम कर्मा तो अपन बार बार देखते ही हैं कि भाई सेल्फलेस जो हमारा एक्ट होता है, यानी निष्काम कर्मा इज व्हाट, सेल्फलेस एक्ट। फिर हमारा आता है भगवत गीता, भगवत गीता किसने लिखी थी, वेदव्यास, ये ध्यान रखेंगे, वेदव्यास के पोते भगवत गीता, ठीक है। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है, गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन आपका कहां पाया जाता है, बेसनगर, बेसनगर कहां है, मध्य प्रदेश, और ये किसने किया था, हिलियोडोरस, ठीक है। फिर यहां पे हमारा आता है इसमें भगवतिज्म में ये फिलोसफी, पंच, पंचरत्य सिस्टम। पंचरत्य सिस्टम क्या है, एक तो जो हमारा कृष्णा है वो, प्लस चार जो यादव किंग्स हैं, मतलब जो उसके साथ रहते थे, तो उनको, पांचों को, पंचत्र इस, उन पांचों को जब आप वर्शिप करते हैं, दैट इज पंचत्र सिस्टम ऑफ भगवतिज्म, वर्शिप ऑफ कृष्णा एंड फोर। किसने शुरू करी, सेंच, सेज संदिल्या, संदिल्या ने ये शुरू करी थी, ये ध्यान रखना है। अलवार, देखो अलवार और नयनार, ये बार 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 पूछा जाएगा, ए ए का उल्टा वी, ए ए का उल्टा वी, ए अलवार इज वैष्णविज्म, नयनार इज शिविज्म। सबसे जो ओल्डेस्ट सेक्ट है, ये फैक्ट नहीं है, ये सेक्ट है, इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ इंडिया कौन सा बोला जाता है, आपका शैविज्म, ठीक है। अब द्रविड़, जैसे अपन ने वेदास देखे थे, ऐसे ही द्रविड़ यानी साउथ का जो वेदा माना जाता है, द्रविड़ वेदा, वो किसको माना जाता है, तेवा राम, ठीक है, राम आ गया, राम इस वेदा, तो ऐसे याद रखेंगे, द्रविड़ वेदा में भी राम आ रहा है, तेवा राम, द्रविड़ वेदा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वीर शैव सेक्ट। एक तो ये पूछा जाएगा कहां से ओरिजिन, कर्नाटक में 12th सेंचुरी में भस्वाना, ठीक है, भस्वाना, बसवेश्वरा, वो आपका रहता है बसवेश्वरा, ठीक है, 12th सेंचुरी कर्नाटक, वीर शैव एक्ट, ये बार बार न्यूज में भी रहता है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया, अब आपका आता है अर्ध शिवा, देखो अर्ध शिवा, ये हमारा है आंध्र प्रदेश में, मल्लिकार्जुन पंडित इससे संबंधित है, अर्ध शिवा सेक्ट से। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना शिवलिंग कहां है, तो आंध्र प्रदेश। फिर हमारी कुछ कुछ तीन चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी साउथ इंडिया की बुक्स हैं, इसमें हमारा एक तो है शिलापदिकरम, एक है मणि मेघलई, एक है मृच्छकटिकम। मैंने कैसे याद करवाया था, शिला, शिला अड़ियल है, ठीक है, शिला अड़ियल है, तो अड़ियल इज इलैंगो अड़िगल, शिलापदिकरम इज इलैंगो अड़िगल, शिलापदिकरम इलैंगो अड़िगल, ठीक है। मणि मेघलई तो वो हमारा क्या था, सत्यबोल, ठीक है, सत्यबोल मणि मेघलई, तो वो अभी अपना आगे आ जाएगा सतनार, ठीक है। और वो जो मृच्छकटिकम वो अपना क्या था, शुद्रक। तो ये तीनों के तीनों याद रखेंगे, इनके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा था प्रबंधास, देखो तेवाराम और ये सब तो हो गया, प्रबंधास हमारे क्या है, प्रबंधास हैं जो आपके तमिल में, यानी जो आपके वैष्णविज्म, तमिल में वैष्णविज्म के जो डिवोशनल आपके जो सॉन्ग्स हैं या फिर लिटरेचर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रबंधास। फिर अब हम आते हैं थोड़ा थोड़ा लिटरेचर पे, लिटरेचर में अगर आपको पता हो, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सप्तांग थ्योरी, सप्तांग थ्योरी किसके लिए दी गई है, सप्तांग, सात अंग, ठीक है। तो ये है सात जो उसके, मतलब ये कौटिल्य की, कौटिल्य ने स्टेट को जो डिफाइन किया था वो इसी में ही किया था। पहला जो हमारा स्टेट बना था वो अपने को बताना चाहिए कौन सा, मगध, मगध कब बना था ये भी बताना चाहिए, किसमें, 6th century BC। इसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, गिरिव राजा, ठीक है, गिरिव राजा ये हमारी कैपिटल थी। और फिर आपके कुछ फाउंडर्स देखो, हरंक्या डायनेस्टी, हरंक्या डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बिंबिसार, ठीक है, बिंबी हरंक्या, बिंबिसार हरंक्या। पहला फिजिशियन कौन था हमारा, जीविका। अगर आपसे पूछा जाए पहला सर्जन कौन था, एस फॉर सर्जन, एस फॉर
सुश्रुता, ठीक है, तो जीविका याद रखेंगे, सुश्रुता याद रखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। शिशुनाग डायनेस्टी, नाम में ही शिशुनाग है तो अगला भी क्या होगा, शिशुनाग, इसी ने ही करी थी। नंदा, महापद्मनंदा, नंदा किसने करी, महापद्मनंदा, ठीक है। फिर आपकी बुक आएगी अर्थशास्त्र किसने लिखी, सबको पता है किसने लिखी, कौटिल्य ने लिखी, किस पे थी, स्टेट क्राफ्ट पे थी, ठीक है। कौटिल्य का जो बचपन का नाम था वो क्या था, विष्णुगुप्ता, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, वैसे आगे आ जाएगा। अब हमने क्या याद किया था, नेक्स्ट अर्थशास्त्र तो होगी, मुद्रा राक्षस, राक्षस कौन है, विशाखा, ठीक है, अगेन इट्स अ जोक, ठीक है, बस याद करने के लिए है, विशाखा इज राक्षस, तो मुद्रा राक्षस, राक्षस इज विशाखा, तो विशाखा देखना है, राक्षस देखना है, ठीक है। और चंद्रगुप्त कथा देखो, कौटिल्य ने एक और लिखी अर्थशास्त्र के साथ साथ, क्योंकि चंद्रगुप्त के साथ मिलके ही इन्होंने मगध बनाया था, तो चंद्रगुप्त कथा किसकी है, ये भी याद रखेंगे, कौटिल्य की। फिर ये आपके फॉरेनर्स में दो तीन ही है जो इंपॉर्टेंट है, इंडिका पता होना चाहिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिका किसकी है, मेगास्थेनेस, ठीक है, मेगास्थेनेस आपके ग्रीक एम्बेसडर थे, बाहर से आए थे, चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे, ये आपको सारे के सारे चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, ये तो हो गए। अब पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा आता है कि भाई सबसे पहले जो हमारे कॉइन्स थे वो पंच्ड मार्क कॉइन आपने इश्यू करे थे, किन्होंने, फर्स्ट लॉन्च्ड पंच्ड मार्क, लॉन्च नहीं पंच्ड, ठीक है, फर्स्ट पंचमार्क कॉइन किसके है, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी का जो मौर्य, मोर मोर इसका जो सिंबल था वो कौन था, पीकॉक, फाउंडर, रियल फाउंडर किसको माना जाता है इसका, चंद्रगुप्ता मौर्य, तो ये भी ध्यान रखना है, फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी कौन है हमारा, चंद्रगुप्ता मौर्य, इसका नाम क्या है, सेंड्रोकोटस, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, चंद्रगुप्ता का नाम क्या है, सेंड्रोकोटस, अमित्रोकोटस, समुद्रगुप्त, ठीक है, स्लेयर्स ऑफ एनिमी, अमित्रोकोटस, समुद्रगुप्त, अमित, अमित किससे अपन ने किया था, समुद्रगुप्ता, ठीक है, और यहाँ पे सेंड्रोकोटस किससे है, चंद्रगुप्ता, ठीक है। फिर हमारा आता है देखो तोला, तोला, तोला गोला, गोल्ड, ठीक है, तोला गोला, ओ एल ओ एल ओ एल ए डी डी डी, ए जैसा ही डी है, तो तोला गोला, तोला गोला, गोल्ड, पण, पण सिल्वर, ठीक है, पण इज सिल्वर, तो तोला, तोला गोला, गोल्ड, पण इज सिल्वर, ठीक है, तो तोला इज गोला एंड पण इज सिल्वर। फिर प्रियदर्शी, प्रियदर्शी टर्म, क्योंकि मतलब आंखों में देखने से जो अच्छा लगे, सबसे पहले टर्म किसके लिए यूज करी गई थी, अशोका, अशोका से बार बार बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, सारी ही अपन ने इसमें कवर कर रखी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो बिंदुसार, अमित्र गाथा, ये अलग है, ठीक है, अमित्र गाथा, ये स्लेयर्स यहाँ पे आएगा, सॉरी, ठीक है, तो ये बिंदुसार है, सॉरी गड़बड़ होगी, ठीक है, ए अमित्र गाथा, स्लेयर्स ऑफ एनिमी, और ये किसका था, आजीविका सेक्ट का फॉलोअर था। देखो चंद्रगुप्ता किसका था, जैनिज्म, और बिंदुसार, बिंदुसार किसका है, आजीविका सेक्ट। फिर हमारा आएगा अशोका, नेक्स्ट अशोका, इसी में अशोका किसका है, बुद्धिज्म। तो ये तीन देखो अलग अलग फिलोसफी से संबंध रख रहे हैं, चंद्रगुप्ता जैनिज्म, आजीविका सेक्ट, बिंदुसार और ये, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है सारी की सारी ये हमारी जो अलग अलग रॉक एडिक्ट्स थी आपकी, ठीक है, बारहवीं जो थी, बारहवीं किसके लिए थी, बारह, ये कलिंगा वॉर, ठीक है, और कलिंगा वॉर में जो निग्रोधा, 5 साल का जो आपका वो था बच्चा था जिसने अशोका का हृदय परिवर्तन किया था, वो हमारा कौन था, निग्रोधा, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अब मौर्यन जो डायनेस्टी थी उसका जो लास्ट था बृहद्रथा, बृहद्रथा को किसने मारा था, पुष्यमित्र सुंगा ने, ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा, और उसने क्या बनाई, सुंगा डायनेस्टी, तो इसने इसको मार दिया था, बृहद्रथा लास्ट मौर्यन है, ये भी याद रखेंगे। ये भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में 27 आपके डिपार्टमेंट होते थे, 26 के अध्यक्ष होते थे, एक का अध्यक्ष नहीं होता था, ठीक है। फिर यहाँ पे जो गवर्नर अपॉइंट करे जाते थे इनको क्या बोलते थे, कुमार अमात्यास, ठीक है। अब यहां से जो जो टाइटल्स आपके आएंगे वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, कुमार अमात्यास, गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। फिर हमारा आता है रजुका, ठीक है, रजुका हमारा क्या है, रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर, ठीक है, रजुका, रजुका इज व्हाट, रजू, ठीक है, रजुका मतलब पैसा, पैसे से संबंधित है, यानी रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल है कंटक शोधक, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट क्या है, कंटक, कंटक शोधक, ठीक है, और जो सिविल है धर्म, धर्म से संबंधित, तो सिविल, सिविल इज व्हाट, धर्मस्थया, और ये क्या है आपके, कंटक शोधक। गोडपुरुष, गोडपुरुष क्या होते थे, ये होते थे हमारे स्पाइस, जो चुप चुप के काम करते थे और वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन अपने पास रखते थे। फिर हमारी टर्म आती है हुली, हुलीवर का, जैसे हाली होते हैं, हालीवर का, हाली यानी अपन उसको चलाते हैं खेत में, ठीक है, हाली, तो हुली, हुली इज प्लोशेयर, प्लोशेयर पे जो टैक्स लगाया जाता था, दैट इज हुली। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, वेती विष्टि याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेती और विष्टि आएगा ही आएगा।
किसके लिए टर्म यूज करी जाती है? फोर्स्ड लेबर, जो जबरदस्ती आपसे काम कराया जाता है, ठीक है। और हमने क्या देखा था? ट्रैफिक में बच्चे, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन लेबर और वो सब, वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कौन सा आपका आर्टिकल है जो इससे संबंधित है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 23 तो ये हो गया। फिर देखो लोहा अध्यक्ष, लोहा क्या है? एक है रूप दर्शक, लोहा, लोहा इज आयरन, आयरन और इसकी जो ओर माइंस थी उससे संबंधित जो काम देखता था वो हमारा लोहा अध्यक्ष। सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा तीन पांच नहीं है। रूप दर्शक, रूप इज गोल्ड करेंसी, ठीक है, रूप, अच्छा गोल्ड करेंसी, ठीक है। तो रूपक, जैसे रूपक भी आता है, तो रूप दर्शक गोल्ड करेंसी के स्टैंडर्ड यहां से आते थे, ठीक है। अब ईस्ट साइड में जो मोरियन में आपका पोर्ट थे वो आपको ध्यान रखना, ताम्रलिप्ति, और वेस्ट में जैसे भरूच वगैरह थे वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ आपकी केव्स हैं जो बार बार रहते हैं, देखो सुदामा केव्स, ठीक है, सुदामा और लोमश ऋषि, ये पूछे जाते हैं, ये कहां है? बारबरा हिल्स में। और बारबरा कहां है? बीबी बिहार, बारबरा बिहार। तो सुदामा केव्स, लोमश ऋषि केव्स, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये कहां है भाई? ये है बारबरा हिल्स बिहार, ठीक है। और फिर देखो सबसे पहले फर्स्ट टू डेसिपर अशोकन इंस्क्रिप्शन आपके 1873 किसने करी थी? जेम्स प्रिंसप। ये सवाल आ चुका है, जेम्स प्रिंसप, अलेक्जेंडर कनिंगम, ये बहुत ही फेवरेट सवाल है, ठीक है, तो स्टेट पीसीएस के भी, यूपीएससी के भी, तो ये ध्यान रखेंगे। जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले डेसिफर करी थी। कांधार इंस्क्रिप्शन, कांधार इंस्क्रिप्शन में आपकी दो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, सॉरी ग्रीक और आर्मियाक लैंग्वेज, ये ध्यान रखना है। देखो अब आएगा कि गोल्ड कॉइन, सबसे पहले, पहला तो ध्यान रखना है सबसे पहले किसने करे, लार्ज नंबर में किसने करे वो भी याद रखना है, ठीक है। तो अब आपका अगर आता है गोल्ड कॉइन किसने करे, तो इंडो ग्रीक, लार्ज में किसने करे, तो मौर्यंस, ठीक है। तो ये अपने हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा आता है शाका ईरा, ठीक है, शाका ईरा कब आता है आपका? 78 AD, ठीक है। यहां पे गुप्ताज भी हैं, गुप्ताज ने भी बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में आपके करे थे, आई थिंक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको देखो, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट में हो सकता है आई थिंक गुप्ता रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब शाका ईरा 78 AD आपका हो गया। देखो कुशान किंगडम, कुशान में अपन ने क्या किया था? कुशान की किसने एस्टेब्लिश करी है? खुजला खड़फिस, खुजली हो रही थी कुशान की, खुजला खड़फिस, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है? कालिदास, कालिदास की बहुत सारी हैं, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी है, वो नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया कन्वा, कान्हा, कान्हा से याद किया था अपने, कान्हा का एक दूसरा नाम क्या था? वासुदेव। तो कन्वा डायनेस्टी किसकी है? वासुदेव, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे संगम डायनेस्टी, वैसे लास्ट में सारी की सारी लिखी हुई है, बट अभी देख लो कि संगम डायनेस्टी क्या था, जो आपके साउथ इंडिया में पोएट्स जो थे वो सारे के सारे मिलते थे। तो ये जो हमारा है पहली किसके उसमें हुई थी? सेंट अगस्ता, ये ध्यान रखेंगे। तोलकपियम, तोलकपियम किसका है? तोलकपियार का, ठीक है, ओके। आई थिंक थोड़ा सा एक मिनट जो ओके अभी 21:17 थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा एग्जॉस्टिव हो जाता है, ठीक है, मैं खुद फील कर रहा हूँ इस चीज को। 21:18 हुए हैं, 9:30 पे अपन मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को इसको मैनेज करना पड़ेगा, वी हैव टू मैनेज, तो विल मीट एट 9:30, सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट का ब्रेक रहेगा, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, आंख बंद करके बैठ जाना, ठीक है। 9:30 पे फिर से मिलते हैं, 9:30 पे फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी तो कोई ये भी नहीं बोल सकता सर ब्रेक बढ़ा दो या घटा दो, है ना, इट्स अ गुड थिंग। चलो वैसे अभी मेरे पास ब्रेक में मैसेज आ ही जाएंगे आप लोगों के, विल सी, जरूरी है, मैं थोड़ा सा, मैं खुद हाफ हाफ हो गई अपनी, ठीक है, 6 के आसपास हो गए, 13-14 पेज है, उसको कर लेंगे, डोंट वरी। छह पे आ गए हैं, 13 तक,
हेलो, आई थिंक रिफ्रेशिंग ब्रेक हो गया होगा. सो नाउ लेट अस रिज्यूम द क्लास. चलो, हमने यहां तक कर लिया था. देखो, तुलक पीएम तुलक पीआर, मैंने क्या बताया था, मणि मेघलई, सत्य बोलो मणि मेघलई. तो मणि मेघलई का अपना क्या है, सतनार. ठीक है, सतनार. यवन प्रिया एक टर्म यूज करी जाती थी, यवन प्रिया यूज करी जाती थी ब्लैक पेपर के लिए. ये सवाल बार बार आ चुका है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन. देखो, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसके लिए लिखी गई थी, पहला ये पूछा जाएगा, समुद्रगुप्त. और किसने लिखी थी, हरिसेना. ठीक है, प्रयाग प्रसति, ऐसे भी ध्यान रखना है, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रसति, ये दोनों ध्यान रखेंगे. अब हमारा नेक्स्ट आता है कि सती, सती का जो आपका एविडेंस है. ठीक है, सती का सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है वो किसमें मिलता है, ईरान इंस्क्रिप्शन में. ईरान में ही आपका जो वराह अवतार या वराह का टेम्पल, वराह टेम्पल, वो भी हमारा कहां है, ईरान में, ये ध्यान रखेंगे. फिर हमारा आता है जैसे मेहरौली आयरन पिलर. मेहरौली आयरन पिलर, ये एक तो किसने, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य टू. ठीक है, तो किसने बनाया था, किससे संबंधित है, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य टू. तो चांद चंद्रगुप्ता से ध्यान रखना, मेहरौली. ठीक है, अब जैसे मणिमेघलई अपने देखा था, तो मृच्छकटिकम. ठीक है, तो ये कौन था, शूद्रक. तो ये है तीसरी बुक. ठीक है, शिलापदिकरम, मणिमेघलई और मृच्छकटिकम, इन्हीं तीनों में से बार बार पूछा जाता है. लास्ट टाइम आई थिंक मणिमेघलई पूछा गया था या फिर इलंगवाडियल शिलापदिकरम पूछा गया था, उनमें से कोई था. ठीक है, फिर देखो नीतिसार, अर्थशास्त्र अपने देखा था, अर्थशास्त्र किसकी थी, कौटिल्य की. नीतिसार, नीति की कामना. ठीक है, नीति की कामना कर रहे हैं, ये है आपकी अर्थशास्त्र ऑफ गुप्ताज बोला जाता है. किसका है, कमंडक. ठीक है, नीति की कामना कौन कर रहा है, कमंडक. ठीक है, फर्स्ट गुप्ता किंग तो है हमारा श्री गुप्ता, बट जो रियल फाउंडर आपका गुप्ता का माना जाता है, दैट इज चंद्रगुप्ता. तो ये दोनों ध्यान रखेंगे. तो फर्स्ट जो गुप्ता किंग है वो हमारा कौन है, श्री गुप्ता. और ये अब इंडियन नेपोलियन, तो इनमें कौन है हमारा, जिसकी प्रशस्ति थी, समुद्र गुप्ता. इंडियन नेपोलियन किसको माना जाता है, समुद्र गुप्ता को. अब इनके टाइम पे, चंद्रगुप्ता के टाइम पे एक आपका चाइनीज आया था, वो कौन था, फाइयान. ठीक है, वैन शैंग, शैंग अपना कहा था, शैंग था हमारा हर्षा के टाइम पे. फाइयान, यान कहां है, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य टू के टाइम पे. ठीक है, फिर हमारे बहुत सारे यहाँ पे ग्रांट्स दी जाती थी. देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, लगभग लगभग सेम चीजें हैं, कोई आपको ऑप्शन में उतनी गड़बड़ नहीं कराएगा. देखो लैंड ग्रांट्स, ब्रह्मदया, ब्राह्मणों या टेम्पल्स को बोली जाती है, टेम्पल्स को दी जाती थी, ब्राह्मण्स को भी दी जाती थी, सेम चीज है, कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना. यहाँ पे भी अग्रहारा भी सेम, जैसे ब्राह्मण तो टेम्पल में रहते कौन थे, ब्राह्मण ही रहते थे. तो हल्का फुल्का बस इसमें ध्यान रख लो, ब्रह्मदया टेम्पल की लैंड है, अग्रहारा ब्राह्मण्स की लैंड है. अब जैसे हमारा आता है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविड स्टाइल, वैशारा स्टाइल, तो नगरा स्टाइल सबसे ज्यादा आपका किसमें आया था, गुप्ताज में. ठीक है, पंचतंत्र. ठीक है, गुप्ताज याद रखेंगे. पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी है, विष्णु शर्मा. ठीक है, ये हो गया. आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने एक तो आपको पता होना चाहिए आर्यभट्ट किससे संबंधित है, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित, और उन्होंने क्या लिखा है, सूर्य सिद्धांत. तो ये भी ध्यान रखेंगे, जीरो वाला भी याद रखेंगे, ये हो जाएगा. ठीक है, न्यूटन से पहले थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की थ्योरी किन्होंने दी थी, ब्रह्मा गुप्ता. यानी न्यूटन से पहले भी कौन बता के चला गया, ब्रह्मा. ब्रह्मा बता के चला गया है कि भाई ये ग्रेविटेशन थ्योरी आपकी क्या है. ठीक है, सॉरी, लगातार ही नॉनस्टॉप बोलना हो गया, दिन में भी बोल रहे थे तो इसलिए थोड़ा सा हो गया. चलो कोई नहीं. देखो, फादर ऑफ सर्जरी अपने को पता है, श्रुत पुष्य पुष्यभूति सुंगा. ठीक है, तो पुष्यभूति डायनेस्टी किसने करी है, वर्धान. ये ध्यान रखेंगे. हर्षा ईरा मैंने बताया था 606 एडी से, हर्षा की पुलकेशिन 2 के साथ लड़ाई हुई थी, तो वो आपको ध्यान रखना है, उसमें वो हार गया था, बैटल ऑफ नर्मदा इसको बोला जाता है. इसके बारे में हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं, कौन सी इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, ये भी सवाल आता है. तो अयोल इंस्क्रिप्शन याद रखना है, अयोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखी, रवि कीर्ति. ठीक है, तो जो हमारा अलाहाबाद था, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है, हरिसेन, और यहाँ पे रवि कीर्ति, दोनों के दोनों ध्यान रखेंगे. ठीक है, संगेटीज, हर्षा ने ये करवाई थी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस प्रयाग में, प्रयाग संगेटीज, तो इनको बोलता था संगेटीज. तो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहां पे, प्रयाग में. अब ह्वेन शैंग, शैंग अपन ने देखा था, शैंग किसका था, हर्षा से संबंधित. इसकी एक बुक थी शी यू की, इसका मतलब क्या होता था, एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेवलर्स. तो सवाल पूछा जाएगा शी यू की किसकी बुक है, तो शी यू की इज द बुक ऑफ आपका ह्वेन शैंग. ठीक है, फिर हमारा आता है चालुक्यास एंड द पल्लवास, इनका जो बैटल होता था, तो ये आपके साउथ में थे. ठीक है, चालुक्यास पल्लवास, चेरा चोला पांड्यास, तो चालुक्यास और पल्लवास इनका जो मेजर था, कृष्णा गोदावरी जो हमारा दुआब है उस पे कंट्रोल करने से संबंधित. ठीक है, फिर हमारा आता है जैसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, दंती दुर्गा. ठीक है, दंती दुर्गा ये अपन पहले ही देख चुके हैं. प्लस राष्ट्रकूट डायनेस्टी से संबंधित एक हमारा आता है मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र वाला, वो भी ध्यान रखना है, आगे वैसे आ जाएगा. ठीक है,
अब आपके महाबलीपुरम, महाबलीपुरम जैसे इंडिया और चाइना की जो इनफॉर्मल समिट हुई है वो आपकी महाबलीपुरम में हुई थी, चेन्नई के पास 60 किलोमीटर दूर है, वहां पे आपके शॉर्ट टेम्पल्स वगैरह मिलते हैं। तो ये किसने बनाए थे? नरसिंह वर्मन, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? महामल्ला। वहां पे जैसे अर्जुना के टेम्पल है, पांडवास के टेम्पल है, सारे के सारे अर्जुना, पेनेंस ऑफ अर्जुना गंगा, ठीक है, वो सारा का सारा यूपीएससी में भी सवाल आ चुका है, यहां भी आ सकता है। तो किरात अर्जुना टेक्स्ट, तो ये उसी से संबंधित है। किसने लिखा था? भारवी। ये भी ध्यान रखेंगे। अब जैसे अपना हर्ष नगरा स्टाइल था, ये गुप्तास के टाइम पे था। द्रविड स्टाइल, ये पल्लवास के ही टाइम पे आपका ज्यादा फेमस हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फाउंडर कौन है? शिव स्कंद वर्मा। पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? शिव स्कंद वर्मा, ठीक है। वैशारा, देखो द्रविड़ा और नगरा दोनों के बीच का जो है, ठीक है, दैट इज वैशारा स्टाइल। इससे कौन संबंधित है? चालुक्य, ठीक है, चालू, बीच का चालू, तो बीच का चालू, ठीक है। और ये पल्लवास, द्रविड़ स्टाइल पल्लवास के टाइम पे, पल्लवास का कौन है आपका? शिव स्कंद वर्मा, ठीक है। अब हम लूसेंट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं सारे के सारे। सॉरी, देखो फादर ऑफ हिस्ट्री, एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हीरो, हीरोडोटस, ठीक है, अभी हो गया। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 टू 483 बीसी। अब ऐसे ही 560, ये तो हो गया। अलेक्जेंड्रा 356, ठीक है। अब ये हमारे अलग अलग ईराज हैं, ईरा आपको सारे के सारे पता होना चाहिए। जैसे विक्रम ईरा 58 टू 57 बीसी, ये बीसी है, ठीक है, 58। अब ये 78 एडी है, साका ईरा एडी। जीरो से अगर शुरू होंगे तो बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर एनोडेमोनी, एनोडोमोनी, ठीक है। गुप्ता ईरा, ये 319 से 320 एडी, अगेन एडी, ठीक है। तो पहला हमारा आएगा विक्रमा ईरा 5850 बीसी, ठीक है। मतलब आज की डेट में अगर विक्रम संवत में आपको कन्वर्ट करना हो, आज हमारा क्या है 2021, यानी मैं उसमें 57 ऐड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? अगला विक्रमा संवत। गुप्ता हो गया, शाका ईरा हो गया, कालिका आता है 3101, ठीक है, 3101 बीसी, अगेन पहले। हर्षा कब आया था? 606, ये हमारा हो गया। दिल्ली सल्तनत कब से कब है? 1206 से लेके 1526 तक, ठीक है, ये तो सारे। अब हमारे लूसेंट का चल रहा है मेन, जो ऊपर वाले में रह गया लूसेंट में अभी अपन कवर करेंगे, ठीक है, तो उसी क्रोनोलॉजी से चलेंगे। ये तो चलो हो गया। देखो ऋग्वेदिक अपन ने क्या देखा था? सप्त सिंधु रीजन में आपका है, देखो सॉरी ऋग्वेदा और जो बाकी जो वेद हैं वो जो कंपोज करे गए हैं। ऋग्वेद हमारा 1500 से लेके 1000 बीसी तक है, ये 1000 से लेके 600 बीसी, यानी 1100 से 600। तो पहला ऋग्वेद आता है, फिर अदर्वेद आते हैं, सप्त सिंधु वाला रीजन जो इंडिया के यहाँ है, फिर अपना कुरु पांचाल, ये गुरु नहीं है कुरु, ठीक है, कुरु पांचाल अपना रीजन आता है। फिर हमारा जैसे इसमें आता है पराविद्या, ठीक है, पराविद्या क्या होती है? स्पिरिचुअल लर्निंग, यानी मेरी सोल और इस ब्रह्मांड की सोल मिलके एक हो चुके हैं, दैट इज व्हाट इज व्हाट पराविद्या, ये ध्यान रखनी है। अब देखो किसी ने क्या क्या लिखा था, आठ अष्टध्यायी, आठ लोग पाणी, आठ जनी पाणी जा रही है पाणिनी, ठीक है, अष्टा आठ पाणी जा रही है, तो आठ पाणिनी, अष्ट पाणिनी, अष्टध्यायी किसकी? पाणिनी। महाभाष्य बहुत बोलती है, बहुत, कौन बोल रही थी अपनी? अंजलि, ठीक है। तो पतंजलि, ये किसने लिखी? पतंजलि। चांद बरदई, पृथ्वीराज टू और पृथ्वीराज रासो, ठीक है, तो चांद बरदई ने क्या लिखी? पृथ्वीराज टू पे लिखी थी, कौन सी बुक है? पृथ्वीराज रासो, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आपका एक सवाल आता है कि पेरिप्लस ऑफ अर्थिनसी, इसका कोई भी आपका राइटर नहीं है तो ये अननोन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारी बुक्स में ही अगर देखें तारीख हिंद, रिहाला, देखो रिहाला क्या था? रिहाना, आपने क्या याद किया था? बीच के साइड में जा रहा है, इब्ने बतूता बगल में जूता, बीच और बीच में क्या रखा हुआ? बिन, तो मोहम्मद बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्ने बतूता, बतूता और बीच में कौन घूम रही है? रिहाना, रिहाना इज रिहाला, तो रिहाला, इब्ने बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक। तारीख हिंद, किताबुल हिंद, ये आपकी किसकी है? अलबरूनी की, ये बहुत इजी है, याद हो जाएगा। फर्स्ट अरब ट्रैवलर अपना कौन है? सुलेमान। कब आया था? 851 एडी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का कौन था? सर विलियम जोन्स, ये तो चलो हो गया। इंडियन आर्कियोलॉजी का हमारा फादर कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, ये सिंपल सिंपल है, ये दोनों का दोनों ध्यान रखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स, ये, ठीक है। अब जैसे दो हमारी स्टडीज आती है, न्यूमिस्मैटिक्स एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट्स, ठीक है, तो न्यूमिस्मैटिक्स किसकी है? न्यूमिस्मैटिक्स यूपीएससी मेंस में भी सवाल आ चुका है कि जो स्टडी ऑफ कॉइंस, कॉइंस क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स, एपी अपॉन ग्राफी, यानी इंस्क्रिप्शन, जितनी भी इंस्क्रिप्शन अपन ने देखी है, ठीक है, मैरोली या फिर प्रज्ञा, व्हाटएवर, ईरान इंस्क्रिप्शन, तो ये सारी की सारी इनकी स्टडी क्या कहलाती है? एपिग्राफी, ठीक है। अशोका, वैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि नेम जो अशोका है वो आपका मस्की इंस्क्रिप्शन में है, बट मस्की के अलावा भी गुर्जरा, नितूर और
उदेगोलोन, तो ये भी हमारी जो आपकी रॉक एडिक्ट्स हैं वहां पे भी नाम आपका क्या मिलता है, अशोका, तो अशोका याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमारी जो आर्मी एक्ट स्क्रिप्ट है, आर्मी एक्ट स्क्रिप्ट हमारी कहां मिल रही है, वेस्ट एशिया। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से हिस्से में, इंडिया के कौन से हिस्से में आर्मी एक्ट आपकी मिलेगी, तो वेस्ट एशिया। हड़प्पन सिविलाइजेशन मैंने क्या बताया था, ब्लैक एंड रेड, अपन ब्लैक एंड रेड से सबसे पहले तो आया था ओकरे कलर, फिर ब्लैक एंड रेड, फिर पेंटेड ग्रे, फिर आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इनकी क्रोनोलॉजी चलती है, तो हड़प्पा में क्या है, ब्लैक एंड रेड, तो ये आगे लेटर वैदिक पेंटेड ग्रे, ठीक है। अब हमारी जैसे देखो अजंता केव्स, अजंता केव से संबंधित हमारे दो किंगडम है, सत्यवाहन वक्कटका, ठीक है, सत्यवक, सत्यवक सत्यवचन, तो अजंता, अजंता इज सत्यवचन, सत्यवाहन एंड वक्कटका, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अजंता केव्स, सत्यवाहन एंड वक्कटका। देखो अब सवाल आता है बाघ, ये कैसे याद रखेंगे, ए बी, ए बी, ठीक है, ए बी, ए और बी, ए और बी हमारी ट्रिक है, यहां की ट्रिक क्या है, ई ई, ठीक है, एलोरा इज एलिफेंटा, अजंता इज बाघ, तो बाघ क्यों किस, ये यूपीएससी में आ चुका है सवाल, बाघ क्यों किसकी है, किससे रिजेंबल करती है बेसिकली, मतलब बाघ क्यों की रिजेंबलेंस है अजंता से, एलोरा, एलोरा, एलोरा की। अब अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, ई से ही लिखो, ठीक है, ई, ई में देखो तीन डंडे हैं, तो तीन स्टोरीज मिलती है, मतलब तीन स्टोरीज, तीन आपकी मंजिल मिलती है एलोरा में, प्लस आपका ऐसा स्लोप भी मिलता है, प्लस तीन हो गए, एक दो तीन, तो तीन रिलीजन भी मिलते हैं, तीन रिलीजन, तीन रिलीजन कौन कौन से, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, यहाँ पे आपका बुद्धिज्म मिलता है, ये सारे के सारे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सारे के सारे रिलीजन हमारे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। देखो एलोरा केव्स, अजंता केव्स में क्या था, सत्य वचन वक्कटका, तो एलोरा में कौन है, काला राष्ट्र, ठीक है, काला राष्ट्र, कालाचूरी एंड राष्ट्रकूट है, वहां से शुरू हुए, इन्होंने कंप्लीट कराए, तो ये बस अपने को किंगडम पता होना चाहिए कि भाई काला राष्ट्र एलोरा, ठीक है, और वो हमारा क्या है, सत्य वक्कटका, सत्यवाहना एंड वक्कटका, ठीक है। नरसिंहगढ़ केव पेंटिंग कहां मिलती है, महाराष्ट्र, लाखू दरियार, ये इंपॉर्टेंट है, लाखू दरियार आपके जो भीमबेटका केव्स हैं उन्हीं के हिसाब से चलती हैं, तो लाखू दरियार कहां की हमारी, उत्तराखंड, ठीक है। अब आपका उस टाइम पे लोस्ट वेस्ट वैक्स टेक्निक होता था कि भी वैक्स आपका बना दिया, उसके चारों तरफ से आपने ब्रॉन्ज वगैरह की वो कर दी, फिर वैक्स को मेल्ट कर दिया, अंदर से होलो हो गई, सारी की सारी आपने ऐसे स्कल्पचर्स बनाई, तो ये लोस्ट वेस्ट टेक्निक, इसको ब्रॉन्ज मेटल स्कल्पचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका यूज किया जाता था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर देखो कौन कौन से आपके नहीं मिलते, ये मैंने बताया था, लॉयन बताया था, काओ बताया था, हॉर्स भी नहीं मिलता, बट अगर आपसे पूछा जाए कि हॉर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया जाता है क्या, यस, हॉर्स के एविडेंसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन में है, यूपीएससी ने यही लिया था, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये अपना हो गया। फिर देखो ट्रिनिटी, पहले क्या है हमारे एक 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 गॉड रहते थे, अग्नि, वरुण, वर, ये सब वो सब, बाद में हमारे आगे ट्रिनिटी, ट्रिनिटी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। फिर इंडिया में हमारी आई थी खरोस्ती स्क्रिप्ट, खरोस्ती स्क्रिप्ट अपन कहां से लाए, ईरान, पर्शिया से, ठीक है, तो सीधा सीधा सवाल आएगा खरोस्ती स्क्रिप्ट। फिर जो अशोका है, अशोका ने धर्मा यानी बुद्धिज्म के धम्मा को फैलाने के लिए धम्मा महामंताज ये अपॉइंट करे थे, तो ये सीधे सीधे टाइटल आ सकता है कि व्हाट आर धम्मा महामंताज, इन्होंने अलग अलग जगह जाके आपका इसको फैलाया, अशोका टू स्प्रेड द धम्मा। अब हमारा जो एम्बलम है उसमें जो चार एनिमल्स है बड़े बड़े हैं सारे, एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लॉयन, एम्बलम में ये हो गए सारे के सारे, और अपना वो हो गया, ठीक है। अब आपका आता है कि यक्ष और यक्षिणी, देखो एक मेल एक फीमेल, ये आपस में साथ साथ रहता है हमेशा, तो ये आपके तीनों के तीनों रिलीजन से संबंधित है, बुद्धिज्म में भी मिलेंगे, जैनिज्म में भी मिलेंगे, और हिंदुइज्म में भी मिलेंगे, टेम्पल्स में भी मिलते हैं, और जो आपका स्तूपा है बुद्धिज्म, वहां पे भी यक्ष और यक्षिणी की स्कल्पचर्स अपने को मिलते हैं, तो ये फाउंड इन बुद्धिज्म, जैनिज्म सब। देखो बैरिथ स्तूपा, एक अपन ने देखा था बैरूत, बैरूत, बैरूत था एमपी में, सुंगा डायनेस्टी, पहला ही सवाल याद करो, ठीक है, यह है बैरिथ, बैरिथ स्तूप है राजस्थान में, यह थर्ड सेंचुरी बीसी का बैरिथ स्तूप, इसके रेलिक्स ही बचे हुए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बैरिथ स्तूप क्या याद रखना है आपका, राजस्थान, और वो कहां हो गए, ये ह्यूमन फिगर, बुद्धा एज ह्यूमन फिगर ऑनरेट, ये पता नहीं क्या है, कुशाना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कुशाना के टाइम पे बुद्धा एज ह्यूमन फिगर, फर्स्ट फर्स्ट जो ह्यूमन फिगर वो किया गया था वो कौन था अपना, बुद्धा, ठीक है। फिर देखो
प्रदक्षिणा पथ, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई जो स्तूपा के चारों तरफ चक्कर काटने वाला चीज होता है पाथवे सर्कुलर अराउंड द स्तूपा, तोरण हमारे क्या होते हैं बाहर की तरफ जो आपके पिलर्स मिलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं तोरण, पिलर एट द गेटवे ऑफ द स्तूपा, तो पिलर भी याद रखने हैं। फिर देखो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ये अपने क्या किया था, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, नहीं पल पर राष्ट्र के पास तुम रहती हो, तो पल पर पला पर प्रतिहार राष्ट्र राष्ट्रकूटा, ठीक है राष्ट्रकूटा, तो ये तीन पार्टियों के बीच में होता था पलास प्रतिहारा, पल पर राष्ट्र के पास यानी राष्ट्रकूटा, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। फिर देखो महाराष्ट्र के जो फेमस केव्स हैं आपको याद रखने हैं कान्हेरी केरला केव्स, केरला नहीं है करला, करला करला कुछ है ये जुन्नार, ठीक है जुन्नार कान्हेरी और करला, करला के ए आर एल ए, करला केव्स किसके हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। अब देखो ये मैंने बताई दिया है एलोरा थ्री स्टोरीज थ्री रिलीजन, मेन यहां पर मिलता है महायाना बुद्धिज्म, क्यों एलोरा बाद में आए थे जबकि जो आपका अजंता है अजंता पुरानी है उसमें हिनयाना बुद्धिज्म है, बट अजंता के जो आपके बने हुए हैं पेंटिंग्स वगैरह वो अभी तक प्रिजर्व्ड हैं अच्छे से, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अजंता क्या हो गया हिनयाना, कैलाश टेम्पल में बता चुका हूं राष्ट्रकूटा, सीधा सीधा सवाल आएगा कैलाश टेम्पल किसका है राष्ट्रकूटा, ठीक है। अब देखो गुप्तास के टाइम पे अगर अपन इन तीनों की बात करें तो तीनों में से कौन सा आपका सबसे ज्यादा रहा ब्राह्मणिज्म, ठीक है हिंदुइज्म में ब्राह्मणिज्म, ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैटर्नाइज नहीं किया, यस उन्होंने पैटर्नाइज किया था, बट सबसे ज्यादा किसका रहा है ब्राह्मणिज्म, ठीक है। दशावतारा टेंपल सबसे पुराना आपका टेंपल बोला जाता है, ये कहां पे मिलता है डी फॉर दशावतारा, डी फॉर देवगढ़ यूपी, ठीक है दशावतारा देवगढ़ यूपी। देखो यूके, यूके क्या है उदयगिरी कंदगिरी, यूके यूके इज जैनिज्म, उदयगिरी कंदगिरी केव्स किससे संबंधित है जैनिज्म से संबंधित, कहां मिलती है उड़ीसा एंड भुवनेश्वर। अब यहां पे उदयगिरी कंदगिरी तो होगी, उदयगिरी केव्स एक और होती हैं जो आपकी एमपी में मिलती हैं, वो आपके हिंदुइज्म से संबंधित है, तो यहां पे दो केव्स आ रही है उदयगिरी कंदगिरी थी यानी जैनिज्म, ठीक है। फिर आपसे कुछ कुछ मिडाइवल के भी आ गए हैं, सड़क आजम किसने बनाई शेरशाह सूरी ने, ब्रह्म वंदिनीज, ब्रह्म वंदिनीज क्या है जो आपके रिसाइट करती थी हाइम्स ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड, इनके कुछ एग्जांपल्स देख लो लोपमुद्रा मैत्री घोषा, ठीक है ये है हमारी ब्रह्मवंदिनी यानी ये रिसाइट्स करती थी, ठीक है। फिर हमारा आता है अरंक्यास, ये अपन देख चुके हैं अरंक्यास आपके फोरेक्स मतलब फॉरेस्ट में जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो आपके होते हैं अरंक्यास। उपनिषद, उपनिषद मैंने बताया था कम सिट नियर मी मेरे पास आके बैठो, तो सिटिंग डाउन नियर, ठीक है। अब आपका सवाल आ सकता है कि ओम, ओम हमारा किसमें है, देखो ओम ओम मतलब शिव, शिव के यहाँ पे क्या है चांद, ठीक है तो चंदोग्य उपनिषद। और अपन ने क्या देखा था कृष्णा, कृष्णा से भी अपन ने चांद रिलेट किया था कि कृष्णा और उसके चाइल्डहुड की बातें कौन करता है चंदोग्य उपनिषद, ओम में भी क्या आएगा चंदोग्य उपनिषद। न्याय सूत्र गौतमा, न्याय किसने किया था गौतमा, तो न्याय सूत्र भी किसके हो गए गौतमा के ही, ठीक है। फिर आपका आता है कि मानव धर्म शास्त्र जिसको मनुस्मृति, ठीक है तो मानव धर्म शास्त्र मनुस्मृति और मॉडर्न मनु हमारे कौन है भीमराव अंबेडकर, ये तो अपने को पता ही है। पहले तीर्थंकर 24 जो अपने तीर्थंकर थे, देखो सबसे पहले कौन थे ऋषभ देव, जो अपने 23 और 24 तो अपन देख चुके हैं, ऋषभ देव याद रखना, परशुनाथ याद रखना, वर्धमान महावीर याद रखना, परशुनाथ कहां से है बनारस से है वो याद रखना, ठीक है। जैन अवस्था ये मैं बता चुका हूँ, ज़ोरोस्ट्रियन पारसी, देखो पारसियों में एक होता है कि जो उनके यहाँ पे डेड हो जाता है उसको टावर ऑफ साइलेंस उस टावर पे जाके छोड़ देते हैं पक्षी वगैरह खा लेते हैं, दैट इज पारसियों से संबंधित है। जियो पारसी एक हमारी स्कीम चल रही है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है तो ये हमारे हो गए पारसी से संबंधित। निर्वाणा आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जो बुद्धिज्म में निर्वाणा है व्हाट इज निर्वाणा, निर्वाणा हमारे क्या होता है स्टेट ऑफ ब्लिस, ठीक है ब्लिस, ब्लिस इज अ डिफरेंट काइंड, मतलब वो हैप्पीनेस भी नहीं है पीस भी नहीं है ब्लिस, ठीक है स्टेट ऑफ ब्लिस। फिर यहाँ पे अनिका और अनंता ये बुद्धिज्म में टर्म यूज करी जाती है, अनिका मतलब ट्रांजिएंट, सब कुछ कभी भी खत्म हो सकता है दैट इज ट्रांजिएंट, कभी भी जा सकता है। अनंता इज सोललेस, किसी की भी कोई भी सोल नहीं है, सॉरी ये जैनिज्म के हैं सोललेस, ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपना ओल्डेस्ट बुद्धिज्म कौन सा हो गया 1300 बुद्धिज्म के ही है शायद ये बुद्धिज्म का ही चलेगा, अनिका और अनंता सबसे पुराना मैंने क्या बताया था 13 वंदिन्स, 13 वंदिन था अपना तो 13वां बुद्धिज्म, ठीक है। एम्प्टी चेयर अपन बता चुके हैं महापरिनिर्वाणा, परिनिर्वाण क्या था जो पहला डिपार्चर हो रहा था अल्टीमेट डिपार्चर, अल्टीमेट क्या है आदमी चला गया खत्म हो गया तो अल्टीमेट डिपार्चर कहां गया था खुशी खुशी, ठीक है और उसका क्या था अपना पावपुरी। एम्प्टी महापरिनिर्वाण डेथ, दीपवंशा देखो दीपवंशा महावंशा ये भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि ये क्या है दिग्गज निकाय, दिग्गज निकाय आपके तिब्बत के आते हैं बुद्धिज्म टेक्स्ट, दीपवंशा महावंशा ये भी किसके हैं बुद्धिज्म के, कहां से रिलेटेड है श्रीलंका से, ठीक है। फिर हमारा आएगा जैसे बुद्धिस्ट नन, जो आपकी नंस होती थी उनकी एक लिटरेचर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं तेरी गाथा, यानी वो गाते थी गाती थी तेरी गाती थी तेरी गाथा, तेरी गाथा किसकी गाथा बुद्धिस्ट नन की गाथा,
तेरी गाथा किसकी गाथा? बुद्धिस्ट नन की गाथा, ठीक है। तेरी गाथा किसकी गाथा? बुद्धिस्ट नन की गाथा, तो ऐसे याद हो जाएगा। फिर हमारा मध्यमिक स्कूल ऑफ फिलोसफी जो अपने देखा था आचार्य नागार्जुन, जिसको अपने क्या बोला था, आइंस्टीन ऑफ इंडिया, यानी आचार्य नागार्जुन, ये हमारे क्या है, आचार्य, ठीक है। पांचवी और छठी, चार अपने देख लिया था, राजवैशाली को बटा के कहा लेके गया था, कुंदल बना। अब पांचवी और छठी हमारे याद है, देखो पांचवी है 1871, ये 1954, ये अभी है, 1800 और 1900 में हुई है, मेंडले बर्मा, ठीक है। तो पांचवी और छठी याद रखते हैं, और जो हमारी जैनिज्म की है, पहली गांधी पाटलिपुत्र और सेकंड गांधी वल्लभी, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम अपने को पता होना चाहिए। फिर हमारा आता है पूर्वास। जैनिज्म में महावीर के आने से पहले की जितनी भी हमारी टीचिंग्स है, ठीक है, बिफोर वर्धमान महावीर, पूर्व, पूर्व, उससे पूर्व, अंगाज, पूर्वाज, अनंगाज, ये सारे के सारे टर्म्स किससे संबंधित है, जैनिज्म और उनके टेक्स्ट से। तो ये हो गया। इनकी मदर का नाम क्या था? त्रिशाला, वो सिस्टर थी लिच्छवी प्रिंस चेतक की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, त्रिशाला चेतक, ये इंपॉर्टेंट है। कल्प सूत्र ये किसने लिखे हैं? बद्रबाहु, बद्रबाहु हमारा था, तो बद्रबाहु ने लिखे हैं कल्प सूत्र, ठीक है। और क्या ये जिन्ना, जिन्ना मतलब जिसको नॉलेज हो जाती है, कैवल्य, कैवल्य नॉलेज है, जिन्ना जिसको नॉलेज वो हो रही है। अब यहां पे अगर अपन देखें, गॉड इज लोअर देन जिन्ना, यस, किसने क्रिएट किया वर्ल्ड, यूनिवर्सल लॉ। यहां पे एक सिंबल आता है मीन युगल, मीन क्या है, हमारी मीन मछली, तो उसके युगल को ये रिप्रेजेंट किसको करता है, कि यू हैव कंट्रोल्ड ऑल योर डिजायर्स, तो ये हमारा हो जाएगा फिर कंट्रोल ओवर डिजायर्स। अनेकतावाद, जिसकी मैंने बात करी थी, शायदवाद, अनेकतावाद, मल्टीपल ट्रुथ, तो ये हमारा हो गया मल्टीपल ट्रुथ। फिर अपना देखो थोड़ा सा ये, जैसे अभी आएंगे जो आपके भक्ति संत वगैरह है, तो ये हमारा देखो दो दो बताता हूं। गुरुमुखी, गुरुमुखी किसकी है? गुरु अंगद, ठीक है, ये इन्होंने करी थी। गुरु ग्रंथ साहिब, ये है गुरु अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन की है गुरु ग्रंथ साहिब, तो अर्जुन ग्रंथ पे कुछ मार रहा है, ठीक है, तो गुरु और मुख, ठीक है, मुख से क्या निकली है, गुरुमुखी, ठीक है, अंगद, ठीक है, गुरुमुखी इज अंगद, ठीक है, गुरुमुखी लैंग्वेज अंगद, और गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब बुक है, जिसको लिविंग गुरु भी बोला जाता है, द लिविंग गुरु, किसने लिखी? अर्जुन ने, ठीक है, अर्जुन से याद रखेंगे, अर्जुन ने तीर मारा किस पे? मारा बुक पे, तो अर्जुन की तो होगी बुक, बट गुरु अंगद, अंगद, अंगद का पैर रखा हुआ है और वो मुंह से बोल रहा है, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, मुंह से लैंग्वेज बोल रहा है, पैर रखा हुआ है अंगद का, बट वो बोल किस तरह है, मुंह से, तो ऐसे अपना क्या कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉफेट ने 7th सेंचुरी से अपना फैलाना शुरू किया था मुस्लिम रिलीजन को। दिव्य प्रबंधाज, ये किसके हैं? अलवार के, ए एंड वी, अलवार क्या थे? विष्णु, ठीक है, तो ये है इनकी बुक है दिव्य प्रबंधक, किसने लिखी थी? नाथ मुनि, ठीक है। फिर हमारी फिलोसफी आती है अद्वितय, यानी सब कुछ एक है, अद्वितय, द्वितीय मैं अलग हूं, प्रभु अलग है, व्हाटएवर, ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग, विशिष्ट अद्वितय, यानी दोनों बीच के हैं, तो ये तीन फिलोसफी तीनों याद रखनी है, अद्वितय, विशिष्ट, अद्वितय, द्वितीय। इसकी ट्रिक क्या है, सरम कर ले, सरम, शंकराचार्य, रामानुजा, माधवा, ठीक है, 8, 11, 13, शर्म कर ले, शर्म, ठीक है, और ये हमारे क्या हो गया, एक, दो, और दोनों के बीच का विशिष्ट, अद्वितीय इज वन, द्वितीय इज टू, सब अलग अलग, विशिष्ट, अद्वितीय इज थोड़ा थोड़ा बीच का, शर्म कर ले, ठीक है, ये हो गए। फिर इन्होंने चार, शंकराचार्य के चार मठ थे, कौन कौन से? द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ एंड श्रृंगेरी। श्रृंगेरी हमारा कहां आता है? कर्नाटक, ठीक है। शुद्ध अद्वितीय, एक सवाल ये भी आपसे आ सकता है कि शुद्ध अद्वितीय किसकी फिलोसफी है? वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभ, वल्लभ, वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल शुद्ध अद्वितीय है, उनके जैसा कोई नहीं है, शुद्ध आदमी है, ठीक है, वल्लभ, वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल शुद्ध आदमी है। ये तीन हमारे हो गए, तो इन्होंने शर्म कर ली थी, शंकराचार्य, रामानुजा, माधवा, और ये हमारे ये हो गए, ठीक है। अब ये सवाल भी बार बार आता है कि कबीर क्या था? जुलाहा था। नामदेव क्या है? नाम अपने क्या देखा था, शर्ट पे किसका नाम लिखा हुआ है? टेलर, तो नामदेव अपना क्या है? टेलर। रवि, रविदास क्या है? रविदास आपके कोबलर्स होते हैं, ठीक है, तो आपके ये ध्यान रखना है। सेन हमारा क्या है? सेन साहब ने बाल काटे थे, तो सेन हमारा हो गया, सेन ने बाल काटे थे। दादू दयाल, अब कुछ भक्ति संत किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। दादूदयाल गुजरात के हैं, ठीक है। कबीर, कबीर से रिलेटेड दो चीजें हैं, उलट बंसी, उलट बंसी, यानी जो वो कहना चाहते थे उसका उल्टा बोलते थे, उलट बंसी। बीजक, इनकी जो कंपाइलेशन है कबीर की, उनको क्या बोला जाता है? बीजक, ठीक है। फिर आपका आता है गुरु ऑफ शिवाजी, शिवाजी के गुरु थे राम, यानी रामदास, ठीक है, और दशबोध बुक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। फिर हमारे आता है चैतन्य प्रभु, चैतन्य प्रभु हमारे किधर की साइड है? वेस्ट बंगाल की साइड, नाचते कूदते जा रहे हैं, ढोल बजाते हुए जा रहे हैं, एंड कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा कीर्तन, और एक आपका सेकंड चीज क्या आती है? भजन। देखो भजन आएंगे तो हमारा कौन है? मीराबाई। कीर्तन आ रहे हैं तो अपन जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, वहां पे वैष्णविज्म,
इस्कॉन टेम्पल 12th सेंचुरी, ये सारे के सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो चैतन्य प्रभु, वैसुंगल वैष्णव 16th सेंचुरी, कीर्तन स्टाइल एंड इस्कॉन मूवमेंट, ये सारे के सारे हमारे हो जाएंगे, ठीक है। मीराबाई किससे संबंधित है? भजन और मारवाड़ से। फिर आपका आएगा सतनामी, सतनामी रिवोल्ट, यानी सतनामी किन्होंने किया था? छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, ठीक है। घास, घास से काट दी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं तो घास से काट दी, ठीक है, घास। तो ये अपना हो जाएगा गुरु घासीदास। नरसिंह मेहता, सवाल, गांधी जी किसके आपके वो सुनते थे? नरसिंह मेहता के सुनते थे, नरसिंह मेहता, ठीक है। कथा सरिता सागर, सरिता और सागर, सोमदेव, सरी सरी सोम सोम सोम, ठीक है। सरिता कश्यप है अपने पास, अपनी स्टूडेंट, तो सरिता से याद रख लेना, सोमदेव। और अपने शायद ट्रिक भी यही बनाई थी, मुझे जो ध्यान आ रहा है, सरिता कश्यप सोम, सोम से रिलेट किया था कि भाई सोम ले लिया, ठीक है। तो सरिता सागर, सोमदेव। सूफी, सूफी जो वर्ड है वो कहां से लिया गया? सूफ, सूफ मतलब वुल, वुल जो वो पहनते थे, एक जो चोला सा होता था उसका है आपका सूफिज्म। 1200 सी, समा, समा क्या होता है? समा सा बांध दिया, यानी म्यूजिकल रिसाइटल्स जो इनके होते हैं उनको बोलते हैं समा। फिर यहाँ पे एक चीज होती है पीर और मुरीद, जैसे अपने गुरु और शिष्य परंपरा होती है वैसे यहाँ पे होती है पीर और मुरीद परंपरा, ठीक है। एक पीर है, पीर मतलब जो टीचर है, मुरीद मतलब मैं आपका मुरीद हो गया, किसी ने आया फिलोसफीज दी आपको अच्छी लगी आप उसके मुरीद बन गए, तो ये होती पीर मुरीद परंपरा, ठीक है। फिर हम उनको टॉम्स को जाके भी विजिट करते हैं, ठीक है, तो ये अपने हो जाएंगे। खनकाज, खनकाज इनके क्या है? शेल्टर प्लेसेस, ठीक है, ये हो गए। चिश्ती मूवमेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि जो चिश्ती, चिश्ती किसने किया था? ख्वाजा मोइनी चिश्ती, इसको क्या नाम बोला जाता था? गरीब नवाब। कब शुरू किया? 1142। बट चिश्त एक जगह अजमेर के पास नहीं है, ये चीज ध्यान रख लेना। चिश्त जगह आपके किसके पास है? ये है आपकी सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में, ठीक है, सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में, सेंट्रल अफगानिस्तान में आपकी जगह रहेगी। फिर आपका सवाल आता है आईने अकबरी किसने लिखी? देखो कुछ हमारे उसके भी सवाल हो रहे हैं, बट साथ साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल। और फिर जैसे सतारी सिलसिला, सतारी सुरावदी सिलसिला, दारा शिखो, ठीक है, दारा शिखो का कौन सा था? कदारी, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इसको नोट डाउन कर लेना। देखो सतारी, सतारी सिलसिला इतना डीप में वैसे नहीं आएगा, याद नहीं रहता, मैंने कितनी बार पढ़ लिया मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। तो देखो सतारी, सतारी सिलसिला है शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला, शेख तो सब में है, सिरा, सिरा सता, सता, सतारी सिरा, सिराजू, ठीक है, सिराजू, सिराजू सतारी। अब सूरावली, सूरावली सिलसिला क्या है? शिहाबुद्दीन, सूरा सिहा, सूरा सिहा, व्हाटएवर, कैसे भी करके ध्यान रखो, आई डोंट मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते। दारा शिको क्या क्या था? कदारी, दारा शिको इज मदारी, मदारी इज कदारी, दारा शिको मदारी, मदारी इज कदारी। तो कदारी सिलसिला किससे संबंधित है? दारा शिको। फिर आपका था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो आपके निजामुद्दीन औलिया उनके डिसाइपल थे। देन आपको ध्यान क्या रखना है? हिंदावी लैंग्वेज सबसे पहले किसने शुरू करी थी? अमीर खुसरो। पोएट ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता, पैरट ऑफ इंडिया, सॉरी, पैरट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता? अमीर खुसरो को। आजीविका सेक्ट, ये अपन ने देखा था महावीर और उसके वो दोस्त कौन थे? मक्काली गोशा। ये क्या बोलते थे? नियति डेस्टिनी, जो है होना है, जो होगा वो होगा। यही चीज आप अपने एचएस में भी अप्लाई करो, बट इसके पीछे फायदा क्या होता है? फोकस ये होना चाहिए, देखो जो होगा वो होगा, वो होता ही आया है, ठीक है। बट अपना काम अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, बिकॉज यू कैन मोल्ड योर डेस्टिनी विद योर हार्ड वर्क, ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है, जैसा काम करोगे वैसी ही नियति बनी जाती है, ऑटोमेटिकली यू विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। चरवका, देखो हिंदुइज्म फिलोसफी, चरवका स्कूल, ठीक है। तो चरवका जो स्कूल है वो किसका था? बृहस्पति का, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि देर इज नो अदर वर्ल्ड, ये लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, देर इज नो अदर वर्ल्ड, जो कुछ है इसी धरती पे ही है, जी लो जिसको जी लो, ठीक है। फिर अकबर का हमारा है सुलह-ए-कुल, सुलह-ए-कुल यानी यूनिवर्सल पीस एंड हार्मोनी की बात करता है। 13-14 इसके डिसाइपल थे, ठीक है, दीन ए इलाही, यूनिवर्सल हार्मोनी, 19 फॉलोअर्स थे, ठीक है। और इसमें एक बीरबल भी थे अपना, तो ये अपने हो गए, ठीक है। फिर तांत्रिक बुद्धिज्म, आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धिज्म के अलग अलग प्रकार है, तांत्रिक बुद्धिज्म किससे संबंधित है? वज्रयान। तांत्रिक क्या है? जिसमें आप तंत्र मंत्र, ठीक है, ये इविल स्पिरिट्स किसी को बुलाना और ये सब करना, तो ये हमारा रहता है, तो ये हमारा है वज्रयान बुद्धिज्म, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है? बादामी केव्स। देखो बादामी केव्स चालुक्य किंगडम, चालुक्य हमारा क्या था? चालू था, वैशारा, वैशारा से ही संबंधित है, वैशारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बादामी केव्स। देखो उदयगिरी, अब ये एक याद रख लेना, देखो ये ट्रिक क्या थी, वो हाथी, हाथी की गुफा, गुफा में से देख रहा था दूर, छेद, छेद, ठीक है, हाथी की गुफा, गुफा में छेद, दूर से छेद, ठीक है। तो ये हमारा था छेद से क्या दिख रहा है? हाथी। तो ये हो गया उदयगिरी की केव्स। करावेला, ठीक है, करावेला तो जैनिज्म से है, उदयगिरी केव्स। मध्य प्रदेश वाली कौन सी होगी? ये, ठीक है, हिंदुइज्म। उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश आता है, तो हिंदुइज्म इतना डिटेल में नहीं आएगा, ठीक है, बट बस ध्यान रखो उदयगिरी, दिस दिस दिस, दैट्स इट। सीतनावसल, सीतनावसल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहां पे हैं?
तमिलनाडु किससे संबंधित है, जैनिज्म, जैन विहार से, ये ध्यान रखेंगे ठीक है। फिर हमारा आता है अहोम, ए फॉर अहोम, ए फॉर असम। अहोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपका कहां है, असम का। फिर आपका आता विमान, देखो विमान उड़ते उड़ते, रावण का विमान उड़ते उड़ते कहां गया था, साउथ में। तो साउथ में जो है विमान, यानी जो हमारे टेंपल आर्किटेक्चर का जो बड़ा सारा शिखर है इसको बोला जाता है विमान, बट नॉर्थ में इसी को क्या बोला जाता है, शिखर। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, शिखर नगरा स्टाइल यानी नॉर्थ में ठीक है, जबकि यहां पे अपना द्रविड़ स्टाइल में इसको क्या बोला जाता है, विमान। गर्भ ग्रह जो अंदर वाला है, जहां पे अपन दैती है मतलब जो हमारा देव है उसको जो एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज व्हाट इज व्हाट गर्भ ग्रह, यानी मंडप क्या होता है, जो प्रेयर हॉल्स होते हैं, जो पिलर हॉल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मंडपा ठीक है। महाबोधि टेम्पल आपका कहां है, बोधगया बिहार, ये सवाल आने की संभावना है ज्यादा, ये ध्यान रखेंगे ठीक है। महाबोधि टेम्पल बोधगया बिहार। सलभंजिकास ठीक है, ये जो आपके स्तूप होते थे, स्तूप के बाद तोरण होता था, तोरण के बारे एक लेडी फूल लेके खड़ी हुई है, एनसीईआरटी में फोटो दे रखी है स्तूप के बाद, इनको क्या बोलते थे, सलभंजिका ठीक है, सलभंजिका। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में टेम्पल थे, नो। क्या कोई रिलीजन था, नो। नेचर वगैरह की वर्शिप कर लेते थे, रिलीजियस नहीं मानेंगे ठीक है। देखो सुकु 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 सुंग डायनेस्टी, सिंबल्स, कु ह्यूमन फॉर्म ठीक है, पहले सिंबोलिक फॉर्म में था, बाद में आपका ह्यूमन फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ है। बमियाना बुद्धिज्म जो अफगानिस्तान का था, गांधार स्टाइल, गांधार में क्या है, ग्रे सैंडस्टोन ठीक है, ये तो अपना हो गया। अब देखो ये मैंने पहले ही बता दिया है, मथुरा में क्या है, रेड सैंडस्टोन, अमरावती में क्या है, व्हाइट मार्बल ठीक है। तो ये अपने हो गए। अभय मुद्रा, अभय मतलब मेरे को तो डर नहीं लग रहा, अभय इज फियरलेस। तो ये जो मुद्रा है यानी बुद्ध की जो मुद्रा है, अभय मुद्रा सीधा सीधा सवाल आएगा किससे संबंधित है, डू नॉट फियर। विरूपाक्ष टेम्पल, ये दोनों जगह है, देखो पड़क्कल हम भी कहीं भी मिल सकता है, तो ये दोनों ध्यान रखते हैं, विरूपाक्ष टेम्पल दोनों में ही रहेगा। पांच पांडव केव, ये मिल रही है आपकी महाबलीपुरम, जहां पे मैंने देखा था शोर टेम्पल्स, पल्लवास, महाबलीपुरम, पांच पांडव, अर्जुन वाला ठीक है। पला, पला स्कूल ऑफ आर्ट, वेस्ट बंगाल, बंगाल यहाँ पे रह गए, वेस्ट नहीं, वेस्ट बंगाल ठीक है, तो वेस्ट बंगाल याद कर लेंगे। राजा रानी टेम्पल पुरी ठीक है, ये आपका कहां है, भुवनेश्वर, राजा रानी टेम्पल भुवनेश्वर ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो थर्ड आई है, नटराज है, नटराज की जो तीसरी आई है वो किसी को भस्म करने के लिए नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉस्मिक नॉलेज, सबको कॉस्मिक नॉलेज है। मीनाक्षी टेम्पल वेरी वेरी फेमस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीनाक्षी टेम्पल आपका किससे संबंधित है, मदुरई, मदुरई में भी कहां पे, पार्वती ठीक है, मीनाक्षी पार्वती का ही दूसरा नाम है ठीक है, मीनाक्षी पार्वती एंड मदुरई, तो ये तीनों के तीनों ध्यान रखेंगे ठीक है। खजुराहो, खजुराहो चंदेला, चांद जैसा ही है, और खजुराहो में कौन से मंदिर थे अपने, वही सेक्स एजुकेशन वाले मंदिर, तो ये कब बनाए गए थे, 10th एंड 11th सेंचुरी। विट्ठल स्वामी विजयनगर में है, हम्पी में, विट्ठल जो सिटी, विट्ठल स्वामी विष्णु एंड ये कहां पे अपना, हम्पी ठीक है। अलाई दरवाजा किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी, अलाई अलाउद्दीन खिलजी ठीक है। डबल डोम आर्किटेक्चर, ये अपने मिडाइवल के कुछ क्वेश्चन है, डबल डोम क्या होता है, एक तो डोम ऐसा और उसके ऊपर भी एक डोम, डबल डोम आर्किटेक्चर अपना किससे संबंधित है, लोधी ठीक है, लोधी डायनेस्टी। शेरशाहसूरी, शेरशाहसूरी अपना सासाराम बिहार का एक वो था ये ठीक है, फ्यूडल, तो सासाराम बिहार में ही इसका। निशांत गार्डन साहब आपके कश्मीर में कहां बनाए, किसने बनाए, जहांगीर ने ठीक है। ऐसे ही आपका एक लाहौर के आएंगे ठीक है। हाँ, अब जैसे मुगल आर्किटेक्चर, अगर ऐसा पूछा जाए मुगल आर्किटेक्चर किसके टाइम पे पीक पे गई, शाहजहां, शाहजहां ने क्या बनाया था, ताजमहल। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि मुगल पेंटिंग्स किस में गई, तो शाहजहां से एक पहले कौन है, जहांगीर ठीक है। फिर आपका आ सकता है इबादत खाना, जहां पे प्रेयर करता था, कब करता था, थर्सडे को, कौन करता था, अकबर, अकबर ने बना रखा था रिलीजियस डिस्कोर्स डिस्कशन करने के लिए। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था विक्ट्री ओवर गुजरात से संबंधित। फिर इसमें अपने जो और आ रहे हैं, देखो शालीमार बाग, ये मैंने क्या बताया था, लाहौर वाला है, किसने बनाया, शाहजहां ने ठीक है। कामसूत्र किसने लिखी, वात्सायन, वात्सायन की कामसूत्र, कामसूत्र वात्सायन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स में जहांगीर, अगर पेंटिंग्स का जेनिथ पीक भी पूछा जाएगा तो भी अपना क्या जाएगा, जहांगीर, मिनिएचर भी, कामसूत्र, वात्सायन, ये सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है ठीक है। रागमाला, रागों को पेंट किया जाता है ठीक है, रागमाला पेंटिंग जो हम गाते हैं, राग राग रागों को पेंट किया जाता है, दैट इज व्हाट रागमाला पेंटिंग, ये किससे संबंधित है, मेवाड़ स्कूल। फिर आपके आती बनीथनी, बनीथनी है इंडिया की मोनालिसा ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है, तो बनीथनी, बनीथनी किसकी है आपकी, मोनालिसा, किससे संबंधित है, किशनगढ़ स्कूल। ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी में कि भाई बनीथनी किससे संबंधित है, किशनगढ़ स्कूल, और ये किसने बनाई थी, निहाल चंद ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट बनीथनी के याद रखेंगे। फिर अपना आता है गिद्धगोविंद किसने लिखी, जयदेव, पहाड़ी पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स आपके कौन सी है, जैसे हिमाचल जेएंडके यहां वाली कंबाइन बोलते हैं पहाड़ी पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स में जो थीम होती है वो हमारी होती है लव एंड डिवोशन, ये हमारी थीम रहती है। बसोली ठीक है, बसोली पेंटिंग आपकी कहां से है, जम्मू एंड कश्मीर ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, बसोली पेंटिंग, ये अपना हो गया।
बुरजोम था, बुरजोम गुफर करल, और ये इंडिया का पहला मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट बोला जाता है राजा रवि वर्मा, जिसमें मूवी भी बनाई गई थी और मूवी में रणदीप हुड्डा ने एक्टिंग करी थी, ठीक है, वो अपने को सबको पता ही है। तो ये हो गया इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में 1907, अभिन्द्रनाथ टैगोर एंड गजेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, उनके भाई हैं अभिन्द्रनाथ गजेंद्रनाथ, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है। फिर आता है चेरियाल, देखो दो हैं यहाँ पे, कलमकारी चेरियाल, कलमकारी बार बार पूछा जा चुका है, कलम जो ब्लॉक पेंटिंग्स होती थी, कलमकारी किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश, चेरियाल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी आंध्र प्रदेश। ऑप्शंस में क्या आएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के स्टेट देखे तो आपको रीजन पता होना चाहिए, स्टेट पता है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये आपको हो गया कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल, बहुत ही अनरियलिस्टिक पेंटिंग, ठीक है, हनुमान को जूते पहना के बनाया हुआ है, एनसीआरटी में डायग्राम भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो कालीघाट कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल। मधुबनी फॉरेस्ट ऑफ हनी, ये मधुबनी पेंटिंग्स वॉल्स पे करी जाती है, मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, कहां से संबंधित है, बिहार। पेतकर पेंटिंग्स, पेतकर स्क्रोल पेंटिंग्स हैं, कहां की है, झारखंड, ठीक है, पेतकर लेटकर झारखंड की, तो पेतकर लेटकर कहां की है, झारखंड की। ये एक चीज और बता देता हूँ, ज्योग्राफी वाला जो वीडियो है केजीएफ कर चुके हैं काफी लोग, केजीएफ में ज्योग्राफी का जो वीडियो है जिसने नहीं किया है, केजीएफ प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल की प्लेलिस्ट केजीएफ, केजीएफ में फिफ्थ सिक्स्थ वीडियो मिलेगा, ज्योग्राफी सवा घंटे का वीडियो है, उसमें सारी ट्राइब्स सारी पेंटिंग्स जो जो इंपॉर्टेंट ड्रामा सब कवर अप कराया हुआ है वो हो जाएगा, ठीक है। फाड़, फाड़ के रख देंगे, मेरा दोस्त था कहां से था, भीलवाड़ा से, तो वो फाड़ पेंटिंग कहां की है, भीलवाड़ा राजस्थान की, एंड ही वाज पावरफुल आल्सो, तो वो कहता था फाड़ के रख देंगे, तो फाड़ पेंटिंग कहां की है, भीलवाड़ा। वर्ली, वर्ली मुंबई सबको पता ही है, वर्ली किससे संबंधित है, वर्ली ट्राइब्स महाराष्ट्र, ये अपने हो गए। नाट्यशास्त्र, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, अभिनव भारत, नाट्यशास्त्र, ये दोनों के दोनों डांस से संबंधित है, तो नाट्यशास्त्र किससे हो जाएगा, भरतमुनि। अभिनव भारत किसका है, अभिनव गुप्ता, किसकी बुक है, डांस की बुक। अब डांस में अपने दो टाइप के डांस होते हैं, तांडव एंड लाश्य, तांडव है तांडव कर दिया, ठीक है, तांडव डांस आपके यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो तांडव डांस किससे संबंधित है, हीरोइक, यानी इसमें मेल फेमिनाइन, हाँ मेल कैरेक्टर ज्यादा है, जबकि लास्य इज एस्थेटिक। अगर आप बात करेंगे मणिपुरी डांस और इनकी, तो वो हमारे क्या आ जाते हैं, लास्य एलिमेंट उनमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। बिहू, बिहू फेस्टिवल किससे संबंधित है, असम से संबंधित, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओणम, ओणम भी याद रखना है, ओणम क्या है, केरला। फिर देखो केलारी, तंगता, चोलिया, ये हमारे क्या है, मार्शल आर्ट्स। कलरे पट्टू, ठीक है, कलरे पट्टू भी कहाँ का है, केरला का। केलारी भी ये यहाँ का होगा, तंगता, आई थिंक ये केलारी पट्टू ही है, तंगता मणिपुर। चोलिया, चोलिया कहाँ का है, उत्तराखंड का, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। घटकास, घटकास किसके हैं, पंजाब के, तो वो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ हमारा वैसे आ ही जाएगा, ठीक है। कथक, कथक डांस, थोड़े मोटे डांस देख लेते हैं, कथक जो हमारा है ये नॉर्थ इंडिया का है, कथा मतलब कथा, स्टोरी टेलिंग, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया स्टोरी टेलर्स के हैं, यहाँ पे जो लखनऊ घराना है वो आपका नवाब वाजिद अली शाह, उनके अंडर पैटर्नाइज हुआ था, नवाब को हटाया गया था, उसके बाद विद्रोह हो गया था, यही चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। कथकली, कथक तो उधर का है, कथकली कहाँ का है, केरला। कथकली के साथ साथ मोहिनीअट्टम दो है आपके केरला के, कुचुपुड़ी, कुचुपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का एक गाँव है, मोहिनीअट्टम केरला हो गया। उड़िया, उड़िया त्रिभंगा पोस्चर, त्रिभंगा इज तीन भंग, थ्री आपके अलग अलग वो होते हैं इसमें, मतलब बैंड्स, ठीक है, एक हिप्स पे, एक नीज पे, एक आपके एल्बोज पे, तो ये आपके बैंड्स होते हैं त्रिभंगा पोस्चर, उड़िया। वैसे और डांसेस में भी मिलता है क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कॉमन रहता है, बट स्पेसिफिकली अगर पूछा जाएगा तो उड़िया ही मार्क करके आना है, ठीक है। उड़िया इस लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज जो हमारी ऐड करी गई है, वो भी ध्यान रखना है। देवदासी सिस्टम, देखो सब में ही मिलता है, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम एंड उड़िया सब में मिलता है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचुपुचु व्हाटएवर, कुचुपुचु विष्णु, विष्णु थोड़े से मतलब उनका नेचर जो है तो थोड़ा रोमांटिक दिखाया जाता है, तो कुचुपुचु इज विष्णु, जबकि भरतनाट्यम इज शिवा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं, उसके बाद देखो, उसके बाद अपना क्या है, हाँ सतरिया, सतरिया डांस है असम का, एस फॉर सतरिया, एस फॉर शंकर देवा, किसने किया था ये भी पता होना चाहिए, सतरिया एस सतरिया शंकर देवा और असम 15th century, भावाई, भावनाओं में बह गए, कौन, गुजरात के लोग, तो यही ये गुजरात और राजस्थान का है, इमोशंस, ठीक है। विदेशा, नकुल, नकुल और विदेश, नकुल विदेश जाना चाहता था, नकुल ड्रामा है, विदेशा भी आपका ड्रामा है, कहां का है, बिहार का, ठीक है। फुगड़ी, फुगड़ी सॉरी डांस, तो फुगड़ी कहां का है, गोवा, ठीक है। फुमड़ी, फुगड़ी, फुमड़ीज क्या है, फुमड़ीज हमारे मणिपुर के थे जो लोकताक लेक पे आपके पाए जाते हैं, तो फुमड़ीज याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो फुगड़ीज हो गए गोवा। झूमर, झूमर अपना है हरियाणा का ही, ठीक है, घूमर है राजस्थान का, झूमर है हरियाणा का, ओनली एंड ओनली बाय द वुमन, ये भी याद रखना है। देखो फिर आपका प्रियदर्श, हाँ देखो हर्षा ने तीन लिखे थे, नाग, नाग प्रिय था और नागमणि, ठीक है, रतन, नाग रतन प्रिय, ठीक है, नाग का रतन, नाग का रतन प्रिय है। तो ये इसके कौन कौन से हैं, प्लेस,
प्रिय दर्शिका, रत्नावली, रत्न, रतन, नागभट, ठीक है। कादंबरी किसने लिखी? बाणभट्ट हर्षा। फादर ऑफ द मॉडर्न हिंदी, ये है आपका भारत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। नकुल हो गया, देखो नकुल कहां गया था? विदेशा। तो ये हमारा विदेशा और नकुल दोनों के दोनों क्या है? बिहार, ठीक है। इसको नोट कर लेना, नकुल एंड विदेशा इज बिहार, और ये हमारा कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश चंद्र, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया, हाँ, यक्षगान, यक्षगान है कर्नाटक का, वेरी वेरी सिंपल। कठपुतली आप हमारी जो वो होती है, क्या कठपुतली नचाते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है, कठपुतली कहाँ की है? राजस्थान की, ठीक है। रावण छाया, जो आपकी रावण छाया, छाया शेडो, शेडो पपेट्स, पपेट है ये आपकी, स्ट्रिंग पपेट्स है, शेडो पपेट। रावण छाया कहाँ की? उड़ीसा की, ठीक है। गोम्बियट्टा, बोम्बियट्टा ये आपके कहाँ के आते हैं? कर्नाटक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। संगीत रत्नावली किसकी है? सारंग देव। ख्याल, ख्याल आया है, ठीक है। कभी कभी दिल में ख्याल आता है किसके? अमीर खुसरो के। कभी कभी दिल में ख्याल आता है किसके? अमीर खुसरो के। कार्नेटिक म्यूजिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पिता भी पता होना चाहिए, इसकी ट्रिनिटी भी पता होना चाहिए। देखो ट्रिनिटी की ट्रिक अपन ने क्या बनाई थी, शाम, शाम को मूत्र त्याग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो शाम त्याग एंड मुत्तु, तो श्याम शास्त्री, त्यागराजा एंड मुत्तु स्वामी, ये हो गए आपके तीन। अब जो इसका पिताजी है, पिताजी को पुरंदर दास, ठीक है। तो पुरंदर दास इज ये, और शाम को त्याग कर रहे हैं मुत्तु, ठीक है। तो ये अपने हो गए तीनों के तीनों, ये अपना हो जाएगा, ठीक है, तीनों याद रह जाएंगे। अब हमारा था अमीर खुसरो, देखो एके, एके अमीर खुसरो, एके एके अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बिद्रीवेर, बिद्रीवेर बिदर की है, बिदर, बिदर कहाँ है? कर्नाटक। बिद्रीवेर ये आपके जो हम बनाएंगे ना, वो मतलब जो भी पॉट्स वगैरह होते हैं उसी से संबंधित है बिद्रीवेर। बाघ, चिकन, बाघ एम्ब्रॉयडरी है पंजाब की, चिकन है लखनऊ की। पश्मीना, ये आपको पता ही है, पश्मीना किससे? गोट से मिलता है, ठीक है, शिप का नहीं है, गोट का है, ठीक है, रैबिट का भी है। पश्मीना वूल जम्मू एंड कश्मीर। घटका, ये अपना हो गया पंजाब। और थोड़ा, देखो घटका मार्शल डांस है पंजाब का, थोड़ा थोड़ा हिमाचल का, उससे ऊपर घटका और थोड़ा। शिलाम्बम, ऐसे ही बड़ा सा मलंग लेके चलते हैं, शिलाम्बम, शिलाम्बम किसका है? तमिलनाडु, ठीक है। हितोपदेश, हितोपदेश किसने दिया था? नारायण ने। और ये क्या थी? वार और पीस के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, वार एंड पीस कंडक्ट पे 12th सेंचुरी। पाइथागोरस थ्योरम एंड पाई, ये याद रखना है, बुद्धयाना सुलभ सूत्र किसमें मेंशन है? बुद्धयाना सुलभ सूत्र, ठीक है। तो बुद्धयाना सुलभ सूत्र ये ध्यान रखेंगे। अब कुछ कुछ ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये आपका ट्रैवलर था, ये किस देश से संबंधित था? जैसे फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रैंकोइस बर्नियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफ 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 एफ, फ्रांस, फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस। हीर और रांझा, ये किसने लिखी है आपकी? वारिश, ठीक है। हीर और रांझा की कोई शादी नहीं हुई तो उनका कोई वारिस ही नहीं हुआ, तो हमने उनको वारिस यहाँ पे दे दिया, हीर रांझा का वारिस, हीर रांझा का वारिश शाह, ठीक है। तो हीर रांझा वारिश शाह, ये अपना रहेगा। प्रेम वाटिका, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक मुस्लिम पोएट थे जो कृष्णा के ऊपर लिखते थे, कौन है? राज खान, ये सबको पता ही होगा। शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा किसने लिखे हैं? शाहनामा पोएम्स फिरदौसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओणम किसका है? केरला का। पिटरा डुगरा टेक्निक, जो आपकी क्या फेमसली हमारे कहां पे है? ताजमहल में मिलती है, ठीक है। ये हमने कहां से ली है? रोम से, ठीक है। फिर आपका आता है कार्टच, कार्टच क्या है? हमारे स्क्वायर शेप्ड के फ्रेम्स है जिसमें आपके राजा और रानी का नाम लिखा जाता है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है बॉक्स में, कार्टच याद रखना, स्क्वायर फ्रेम क्लोजिंग द नेम्स, और ये सब बोलते, ठीक है। भीमबेटका केव्स कहां मिलती है? नर्मदा, ये एनसीईआरटी के ही चल रहे हैं। ऑस्ट्रिच एग मिले थे पटने, पटना नहीं पटने, ठीक है, पटना का है, ठीक है, याद आ गया वो डायलॉग, पटना का है, यही पटना है, अरे यहां नहीं, पटना कहाँ है, कहां से, ठीक है, जा कहोगे वहां पर जाएंगे, तो याद रखना है, पटने, पटना नहीं, पटने इज इन महाराष्ट्र, ऑस्ट्रिच एग मिला था बस। पहली क्रॉप कौन सी? वीट एंड बार्ले, वीट और बार्ले में भी अगर चूज करना हो तो बार्ले, ठीक है, तो बार्ले अपना आंसर रहेगा इसमें। एनिमल में अगर चूज करना है तो हमारा कौन सा रहेगा? डॉग, डॉग शिप, बट डॉग पहला जाएगा। अब जैसे हमारी कुछ कुछ आती है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो साइट है वो बोलन पास पे है, बोलन पास से अपन किधर जाते हैं? ईरान, ये सारे एनसीईआरटी के ध्यान रखना। फियांसे मैं बता चुका हूँ, चार्ट में बता चुका हूँ, फियांसे क्या है? आर्टिफिशियल मटेरियल जिसे बीड और बैंगल बनाते हैं। चार्ट क्या है? जो प्रिसाइज व्हाइट कलर के होते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर शेप में होते हैं, जो वेट सिस्टम के लिए अपने यूज किए जाते हैं। वेट सिस्टम में अपने क्या देखा था? 16 का सिस्टम है, 16 के मल्टीपल्स में ये चलता है, ठीक है। मगध एम्पायर किसके उस पर है? गंगा और सोन रिवर। दिग्ग निकाय, ये मैंने क्या बताया था? तिब्बत वाले जो बुद्धिज्म है वो हमारा क्या है? दिग्ग निकाय। संख्या क्लान,
बुद्धिज्म के कौन से क्लान थी, संख्या क्लान, ये ध्यान रखना है। मेगास्थेनेस किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्ता के टाइम पे आया था, किसने भेजा था, सेलुकस निकेटर, तो ये ध्यान रखेंगे। और जो हमारा बुल है राष्ट्रपति भवन में जो रखा हुआ है वो कहां का है, रामापुरवा का बुल है, ठीक है। पुदुचेरी का पुराना नाम क्या है, पोदुका एंड अरिका मेडू, दोनों के दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। सवाल अरिका मेडू से आने की ज्यादा संभावना है, पोदुका से कम, पी फॉर पुदुपुदु, पुदुचेरी, अरिका मेडू ध्यान रखो, अरिका मेडू इज पॉन्डिचेरी, ठीक है। कावेरीपट्टनम और पुहार, ये दो जो पोर्ट है ये किसके हैं, चोला, ठीक है। तो कावेरीपट्टनम एंड पुहार इज चोला, ठीक है। कावेरी पुहा, पोहा खा रही है चोले में रख के, ठीक है, कैसे भी करके याद करो यार, याद करना पड़ेगा, ठीक है। कावेरी पोहा खा रही है चोले में रखे, तो चोलास, ठीक है, चोलास पुहार, ठीक है। बुद्ध, फिर हमारा क्या आ गया, बुद्ध चरित्र अशोकोस, ये दोबारा आ गया शायद। बोधिसत्वास, देखो बोधिसत्व वो लोग होते हैं बुद्धिज्म के जो आपकी बुद्धिज्म की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं बट वो छोड़ के नहीं जाते, वो क्या करते हैं, स्टे, दे स्टे इन द वर्ल्ड एंड दे टीच अदर पीपल कि हाँ भाई आपको ये फायदा होने वाला है, बुद्धिज्म की सिखाते हैं। वरा टेम्पल मैं बता चुका हूँ, ईरान, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट किसके टाइम पे था, चंद्रगुप्ता के टाइम पे, ठीक है, बहुत सारे थे, वो सारे के सारे याद रखने हैं। आर्यभट्ट, शिलापदिकरम, पांड्या किंग के बारे में बात करेंगे, शिला क्या थी, अड़िगल, एलेंगो अड़िगल, कौन था, पांड्या किंग, ये ध्यान रखना है। महाभारत किसकी, वेदव्यास, सुर तो गई, हड़प्पन साइड कहाँ है, अफगानिस्तान, ठीक है, एनसीईआरटी का ध्यान रखेंगे। क्राफ्ट प्रोडक्शन, देखो सी फॉर क्राफ्ट, सी फॉर चानुदारो, और सी फॉर अपन ने एक हटाते हुए याद किया था सिटाडल, चानुदारो में सिटाडल नहीं है बट क्राफ्ट प्रोडक्शन का एक्सक्लूसिव सेंटर जो है वो कौन सा है, चानुदारो। गणेश्वर कल्चर कहाँ की है, राजस्थान खेतड़ी की। इंडियन आर्कियोलॉजी, स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये बुक किसने लिखी, एस एन रॉय, ठीक है, इतना याद रखेंगे, एस एन रॉय, स्टोरी ऑफ, तो ये अपना हो जाएगा। जेम्स प्रिंसिप, जेम्स प्रिंसिप आपके हैं, उन्होंने डिसिफर करी है ब्राह्मी, ठीक है, ये हमारे हो गए। सुदर्शन लेख, देखो सुदर्शन लेख रिपेयर किसने करी थी, शकर उरल, किसने, रुद्रामन ने। फिर आपका ये आता है वोटिव इंस्क्रिप्शन, ये एनसीईआरटी में आता है वोटिव इंस्क्रिप्शन, जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं ना, गिफ्ट मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उनका मेंशन होता है इन इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। मोटिव, योद्धा ट्राइब्स, ये आपको बताइए हरियाणा की जो ट्राइब्स हैं, कॉइन्स वगैरह इन्होंने इशू करे थे, हरियाणा एंड पंजाब, देवर रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक थे। पति वेदका, ये अशोका के टाइम पे आपके रिपोर्टर्स थे, ठीक है, जो लोगों की करंट अफेयर, डेली की जो करंट अफेयर की लाइफ होती है उसके बारे में आके अशोका को बताते थे कि भाई ये कर रहा है, सो दिस वॉज नॉट पति वेदिका, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, पोलीएंड्री क्या होता है, देखो पोलीएंड्री, एंड्री मींस मैनी, पोली इज मैनी, ठीक है, मैनी एंड्री, एंड्री इज मेल, वन वुमन मैरिंग मैनी मेल्स, जो आपका कहां हुआ था, महाभारत में, ठीक है। हेगियोग्राफी, हेगियोग्राफी क्या होता है, जो हमारे संत होते हैं या फिर आपके जो रिलीजियस लीडर होते हैं उनकी जो आप वो करते हैं ना बायोग्राफी लिखते हैं, ठीक है। निबाणा, निबाणा क्या होता है, अपने ईगो को, ठीक है, ईगो को, डिजायर्स को खत्म करना इज निबाणा इन बुद्धिज्म। चालकोलिथिक एज को एक और नाम से बोला जाता है, कोपर, सी ए सी ए सी 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 सी, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा किसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, ये ध्यान रखेंगे। ह्यूमन म्यूजियम किसमें है, भोपाल में, अगेन हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये अपना हो गया। टेराकोटा, देखो ये अपना कहां मिला है, हरियाणा में, बनवाली, बनवाली या नहीं बनवाली, बनवाली जी, कुनाल, फतेहाबाद, बनवाली, ये अपने सारे के सारे हो गए। टेराकोटा ऑफ प्लो, प्लो क्या होता है आपका, हल, हल का टेराकोटा की वो मिली है कहां पे, धांधेरी कहां है, पंजाब, लुधियाना। आइवरी, आइवरी स्केल कहां पे मिली है, लोथल, लोथल में ही बना, क्या था, डोकयार्ड, डोकयार्ड में ही क्या मिल रहा है, आइवरी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पहला जो मेटल यूज किया गया था वो क्या है, कॉपर। धोलावीरा, धोलावीरा के तीन पार्ट्स हैं, मोस्टली जो आपकी सिविलाइजेशन है वो दो पार्ट्स में है, धोलावीरा ही ऐसी है जो आपकी तीन पार्ट्स में है, ये ध्यान रखेंगे। फिर जो आपकी अलग अलग सिविलाइजेशन थी उसमें सुमेरियन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट वन जिसने फॉर्मल तरीके से आपकी लैंग्वेज को डेवलप किया था, कौन सी स्क्रिप्ट थी, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारी मेंशन कौन सी रिवर है, सिंधु रिवर। फिर अपना यवा वर्ड इन ऋग्वेदा किसके लिए यूज किया जाता है, बारले, ठीक है। हमारे पुराण, पुराण कितने हैं अपने, 18 पुराण है। गायत्री मंत्र, ठीक है, किसने किया था, विश्वामित्र, विश्वामैनी है विश्वामित्र, ठीक है। अब कुशीनगर में बुद्धिज्म, बुद्धा थे, उनकी डेथ हो गई थी। लास्ट, सबसे लास्ट कौन थे, सुभद्रक, इन द कुशीनगर वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्ध। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज प्रेजाइडेड ओवर बाय महाकश्यप, पैटर्नाइज बाय अजातशत्रु। देखो ये प्रेजाइडेड ओवर अलग अलग है, पैटर्नाइज अलग अलग है, ठीक है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। मैक्सिमम सरमन जो दिए थे वो कहां दिए थे, शरावती, ठीक है, शरावती में सबसे ज्यादा सरमन इन्होंने दिए थे, कैपिटल ऑफ गौशाला। शरावती रिवर भी है जिसमें आपके क्या मिलते हैं, जॉग फॉल्स, ठीक है। वुमेन की एंट्री, देखो आनंद, आनंद बुद्ध के बड़े फेमस वो होते थे, आनंद ने कहा कि जी वुमेन्स को लेके आया, तो वहां से
एंट्री शुरू हो गई थी कहां से, वैशाली से, ठीक है। क्रिप्टो बुद्धिस्ट, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के आ रहे हैं। क्रिप्टो बुद्धिस्ट किसको बोला जाता है, आदि शंकराचार्य को, ठीक है। नियो बुद्धिस्ट, नियो नए, नए बुद्धिज्म की शुरुआत करी थी भीमराव अंबेडकर। क्रिप्टो छुपा हुआ, छुपा हुआ कौन है, आदि शंकराचार्य, वही बातें कर रहा था जो बुद्धिज्म कर रहा था, तो क्रिप्टो बुद्धिज्म। अशोकाराम मॉनेस्ट्री पाटलिपुत्र में है, किसने बनाई, अशोका। लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, गौतम बुद्धा को, क्यों, उनकी बुक थी एडविन आर्नोल्ड की, उसमें बात करी गई थी लाइट ऑफ एशिया। पहली ह्यूमन स्टैचू वर्शिप को इसकी करी गई, बुद्धिज्म। पद्म पाणि, पानी, पानी किसमें, लोटस, लोटस, तो लोटस बियरर कौन हमारा, पद्म पाणि। नागार्जुन, जो पहला मॉन्क इंडिया से चाइना में भेजा गया था। वल्लभी यूनिवर्सिटी किसकी है, बुद्धिज्म की, किस स्टेट में है, गुजरात। वल्लभी अपने को पता है कहां पे है, गुजरात, ठीक है। फ्यूचर बुद्धा, ये सवाल, हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेरियनेस, ये मैं बता चुका हूं, बुद्धा से संबंधित है। फ्यूचर बुद्धा सवाल आ चुका है मैत्रेय, ठीक है, ये यूपीएससी में आया था, फ्यूचर बुद्धा जो सेव करने के लिए आएगा मैत्रेय। फिर ये भी आया हुआ है यूपीएससी, थनाकावासी सेक्ट जैनिज्म, समाधि मरण जैनिज्म, ठीक है, तो याद ध्यान रखें। बट मत्ता मौर्य, मत्ता मौर्य, ठीक है, मत्ता मौर्य इज मौर्य गणपति, व्हाटएवर, गणपति किसका है, शिव का। मत्ता मौर्य, मौर्य इज गणपति, गणपति किसका है, शिव का, ठीक है, तो मौर्य का गणपति, ऐसे याद रखेंगे। गोमटेश्वर स्टैचू किसने बनाई थी, जो हमारी वो थी भद्रबाहु वाली, तो ये आपकी कहा है, चामोदरिया ने बनाई थी अपनी मां के लिए 988। चंदो के उपनिषद, ये मैं बता चुका हूं, उज्जैन, हाँ सॉरी कृष्णा, उज्जैन में अपना क्या है, अवंतिका, ठीक है, इसका पुराना नाम है अवंतिका। पहली अगर रिपब्लिक वर्ल्ड की बोले जाए, लिच्छावी डायनेस्टी, वैशाली याद करो, ठीक है। चाणक्य, चाणक्य का बचपन का नाम, ये मैंने बता दिया है, विष्णुगुप्त। सांची स्तूप किसने बनाया, अशोका ने, 3rd century BCE अपन देख चुके हैं। अशोका की लैंग्वेज कौन सी है, प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है जी। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रामन अगेन, आपका सुदर्शन लेक, ठीक है, किस किस के संबंध है इससे, आपके अशोका के और चंद्रगुप्ता के। स्टेटो टू, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो यहाँ पे क्या है, इंडो ग्रीक रूलर जिसने लेड कॉइन्स, लेड कॉइन हर जगह नहीं आएंगे, जो हमारे सत्वाहनाज हैं, सत्वाहनाज ने लेड कॉइन इशू करे थे, एंड हमारा स्ट्रेटो टू। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कॉपर कॉइन्स किसने, कुशान, ठीक है, कुशान नहीं कुशान। अब देखो, इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड स्टार्टेड ड्यूरिंग कुशान पीरियड, ये ध्यान रखना है, कुशानों के टाइम पे हुआ था। हुना का जो इन्वेंशन हुआ था, सकंद गुप्ता के टाइम पे, ठीक है। दिनार, दिनार किसके हैं, गुप्ता के, गोल्ड कॉइन दिनार, ठीक है, ये आपको पता ही है। चेस कहां पे ओरिजिन हुआ, इंडिया में। कोशेया, कोशेया जो टर्म यूज करी जाती है किसके लिए, सिल्क के लिए। सेंडन, सेंडन हमारा क्या था, कॉटन, कोशेया सिल्क, ठीक है। शेषया, शेषया, एसया सिल्क, सिल्क, ठीक है। नालंदा विहार किसने डिस्ट्रॉय किया, बख्तियार खिलजी। बृहदेश्वर टेम्पल किसका है, राजा राजा वन, तो ये अपने हो गए। सेलोन, सेलोन यानी श्रीलंका, श्रीलंका पे सबसे पहले कौन गया था, राजा राजा वन, सन ऑफ राजा राजा। तोलकपियम, तोलकपियम ये हमारे तमिलनाडु का है, किसका है, ग्रामर टेक्स है। फिर देखो, पहली संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम किस किस में है, मदुरई, थर्ड भी मदुरई, पहली और तीसरी मदुरई, मदुरई, बट संत अगस्त्य, पहली में अगस्त्य, सेकंड में अगस्त्य, बट यहाँ पे कौन है, नकिका, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन है, कपड़ापुरम, कपड़ा, बीच में कपड़ा आ गया, मदुरई का कपड़ा, कपड़ापुरम, और यहाँ पे निकर, नक्ती, ठीक है, कपड़ा और निकर, कपड़ा और निकर सेट कर देंगे, मदुरई मदुरई, अगस्त्य अगस्त्य, ठीक है। तो ये तो हमारे राउडी के सारे हो गए हैं। एक पीडीएफ और है छोटी सी बिल्कुल, वो हमारी है, जो आज फिर मैंने आप लोगों के लिए जो लूसेंट मैंने देखी थी, लूसेंट में से मैंने कुछ पॉइंट नोट कर लिए थे, जो हो सकता है हमारे यहाँ पे थोड़े से मिस हो गए हो, जस्ट इट विल टेक 5 or 10 minutes मैक्सिमम और हमारा खत्म हो जाएगा। दो ही पेज की पीडीएफ देखो लूसेंट की, राजा शका, ठीक है, ये किसने शुरू किया था, आई थिंक इट इज विजिबल और नोट, बता भी नहीं सकता, मैं इसमें देख लूंगा, ठीक है, आई थिंक अभी ठीक है, राजा शाका, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, उतना क्लियर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। देखो राजा शाका कब का है, 1673, किसने शुरू किया, शिवाजी, तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। फिर अपने क्या देखा था, विक्रमा इरा में, अगर एडी में 57 याद कर देंगे, तो ये मौर्यन पीरियड कब से है, 382 BC से 185 BC, देखो मौर्यन और गुप्ता ने अलग अलग है, ये एडी में है, 319 550 322 185। श्रुतिज, जो आपकी बोल के श्रुति और स्मृति अपनी यहाँ पे थी, तो श्रुति का क्या है, साबु, ठीक है, साबु क्या थे अपने, ये मतलब मृदंग क्या, उपनिषद और ये सब, वो सब कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, देख लेना इनको। पराविद्या मैंने बताई दिया, इंडिविजुअल और वर्ल्ड उन दोनों को कंबाइन करके। बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपका पाली में लिखा गया है, 3 जो अपने देख लिए थे, सुतपिटिका, विनयपिटिका, अभिनवपिटिका, और अनुपाली में भी लिखा जाता है, ठीक है। दीपवंशा, दीपवंशा आपकी 4th century में लिखी गई, किसने, महावंशा, ठीक है, दीपवंशा 4th century की, महावंशा 5th century की, कौन से रिलीजन से संबंधित है, बुद्धिज्म।
अचरंग सूत्र ये किससे संबंधित है? जैनिज्म। सीधे से तो पूछा जाए, और अगर कभी तुक्का मारना हो कि भाई जैनिज्म में आ गया है बुद्धिज्म में, तो तुक्का कहां मारेंगे? जैनिज्म। ठीक है, कालिदास, क्योंकि जैनिज्म की अभी डिस्कवर होती रहती है। ठीक है, कालिदास किसमें थे? शुंग डायनेस्टी। फिर ये हमारा क्या है? जयंक, जयंक पृथ्वीराज विजय। जयंक ने क्या लिखी थी? जयंक की एक बुक थी पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासोपन ने देखी थी चांदबरदई। ये हमारा क्या है? ये। ठीक है, फिर हमारा आ रहा है फर्स्ट ग्रीक राइटर सेलेक्स। ठीक है, पहला ग्रीक राइटर हमारा कौन है? सेलेक्स, तो ये आप ध्यान रखोगे। फिर ज्योग्राफिया स्ट्रैबो। ठीक है, टोलेमी की है ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी है टोलेमी की, ज्योग्राफिया स्ट्रैबो, फिया ट्रैबो, फिया ट्रैबो टोलेमी। ठीक है, बू फिया, फिया बू, एनीथिंग, फिया बू, फिया बू, फिया बू। ठीक है, तो ज्योग्राफी व्हाटएवर। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका प्लिनी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जस्टिन कहां पहुंचा था? एपिटोम पे। तो जस्टिन के क्या है? एपिटोम। अलबरूनी ये अपना आया गया है मोहम्मद गजनवी के टाइम पे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। एएसआई कब बना था? 1861। बोगाजई इंस्क्रिप्शन ये आपकी बाहर की है, कहां की? एशिया माइनर टर्की की। ठीक है, नागार्जुनी केव्स कहां की है? बिहार की। फिर हमारा क्या आ रहा है? धनदेव इंस्क्रिप्शन अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ संस्कृत। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, धनदेव इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है? अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्ट। हाथी गुंपा अपन ने क्या देखा था? ये फर्स्ट टू हैव द वर्ल्ड ब्रह्मवृत्त। ठीक है, तो भारतवर्ष, सॉरी भारतवर्ष, मेरे राइटिंग मेरे ही समझ में नहीं आ रही। तो भारतवर्ष हमारा है पहला, तो ये अपना हो जाएगा। रुद्र, रुद्रमन इंस्क्रिप्शन, देखो रुद्रमन था तो इसमें सबसे पहले लक्ष्मी और विष्णु के बारे में बात करी गई थी, इनको दिखाया गया था। पुलकेशिन अपने को बताइए कौन से रूलर थे ये? चालुक्यास के रूलर थे। अब देखें अगर चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता वन एंड टू, वन ने गोल्ड कॉइन इश्यू करे थे जबकि टू ने सिल्वर कॉइन इश्यू करे थे पहली बार अगर अपन बात करें तो। रामगुप्ता जो हमारे गुप्ता नाम है, अगर अपन देखें रामगुप्ता ने क्या इश्यू करे? कॉपर कॉइन। दिनार अपन ने देख लिया, डीजी गोल्ड और आरएस रूपक इज सिल्वर। तो ये गुप्ताज के हैं, दिनार और रूपक। लिंगराज टेंपल कहां का है? केसरी किंग ने बनाया था 11th सेंचुरी। भुवनेश्वर अपना हो गया, राजा रानी टेंपल, लिंगराज टेंपल दोनों याद रखेंगे। पैलियोलिथिक इट इज व्हाट? स्टोन एज 30 लाख से 10,000 बीसी। नियोलिथिक इज ये देखो डॉक्टर प्राइम रोज है इससे और लिंगस्तोर। ठीक है, कर्नाटका यहां पे इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर अपना आता है मेहरगढ़, मेहरगढ़ का अर्लिएस्ट नोन विलेज साइट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये कौन हो गया? एग्रीकल्चर के एविडेंस एंड द कॉटन के एविडेंस। लोहित और कृष्णा आयास, लोहित आयास है कॉपर से संबंधित और कृष्णा आयास हमारा किससे संबंधित है? आपका आयरन से संबंधित। ठीक है, दृष्टावती ये किस, हाँ दृश्याव, दृश्यवती ये देखो गगर का है, हरियाणा के कंटेक्स्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एचसीएस में ये आ सकता है, पुरुषनी पुरुषनी तो चलेगा बट ये पता होना चाहिए, दृश्यवती। ठीक है, बैटल ऑफ बेथेस्दा झेलम पे रखा गया था, किस किसके बीच में था? अलेक्जेंडर एंड पोरस, पोरस हार गया था, अलेक्जेंडर जीत गया था। ठीक है, फिर हमारा क्या है? ठीक है, हेतुवाद, कॉज एंड इफेक्ट, हेतु, हेतुवाद, हेतुवाद, हेतुवाद। ठीक है, तो हेतुवाद क्या है अपना? कॉज एंड इफेक्ट। क्षणभंग जो मोमेंटरीनेस वाली मैंने बताई थी, ये किसकी है? बुद्धिज्म। हेतुवाद भी किसकी है? बुद्धिज्म। कॉज एंड इफेक्ट में ये बात करते थे। दन, दन, दन। चार काउंसिल वो तो अपने को बताइए, चेयरमैन कौन कौन है इनके? देखो सबसे पहला है महाकश्यप। ठीक है, तो फिर है सबकामी, फिर है तिशा, और तिशा के बाद कौन है? वशुमित्रा। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे सारे के सारे। फिर चार हो गए, देखो महावंशा, तीसरा तिशा, तीसरा तिशा कौन है? क्योंकि तीसरे में तिशा ने वो बुक लिखी थी। ठीक है, अभिदम पिटिका, तो ये ध्यान रखेंगे। दैट्स इट। टू सेक्ट्स ऑफ हिनयाना कौन कौन से हैं अपने? देखो वैभाषिक और स्वतंत्रिका, और महायाना के कौन है? मध्यमिका एंड शून्यवाद, तो ये भी ध्यान रख लेना। वैभाषिक सुने, ये नाम नाम देख लेना किससे संबंधित है? बुद्धिज्म। ठीक है, वैभाषिक, इसकी जो पीडीएफ है वो भी वही मिल जाएगी जो अपना ड्राइव का लिंक मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, बुद्धा ऑफ हेवन, अमिताभ को बोला जाता है बुद्धा ऑफ हेवन। महावीर के लिए जो सिंबल यूज, देखो जो 24 के 24 थे उनके लिए कोई ना कोई सिंबल यूज किया जाता था, जो वर्धमान महावीर है उनके लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता था? लॉयन का। कलिंग वार कब हुई? 261 बीसी। ठीक है, भरूच सुप्रा, भरूच एंड सुप्रा ये वेस्ट पोर्ट है मौर्यन के, मौर्यन का अपन ईस्ट पोर्ट क्या देखा था? ताम्रलिप्ति, ये हमारे हो गए वेस्ट पोर्ट। ठीक है, शिमुखा एंड सत, शिमुखा सतवाहना फाउंडर कौन था? शिमुखा। चेरा चोला पांड्यास, चेरा में देखो कैपिटल ये है वांजी, पोर्ट है मुर्जिस और तोंडी। ठीक है, चोला की कैपिटल है तंजौर, पांड्य की है मदुरई। ठीक है, मदुरई में क्या है? मीनाक्षी टेम्पल, तो मीनाक्षी में पांड्या। ठीक है, मीनाक्षी पांड्या और तंजौर चोला। ठीक है, और चेरा चेर के वंजी मुर्जी सूर्य और पुहार। ठीक है, ये अपने देखा था चोली में पुहार। ठीक है, वो आ गया था।
बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर किसको बोला जाता है? कुरल और मुप्पल, ये हो गया, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया है सारा का सारा, दैट्स इट। कल अपन करेंगे मिडाइवल इंडिया, आई थिंक अच्छा खासा रिवीजन हो गया है, फास्ट ही रिवीजन था, जो पर्पस हर क्लास का होता है, इस क्लास का ये पर्पस था रैपिडली रिवाइज करना। मिडाइवल की आपको पीडीएफ मिल जाएगी 10-11 बजे तक, जैसे ही वो रेडी होती है, अभी जाके मेरे को रेडी करनी है। फिर उसके बाद हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री की पीडीएफ अपन वहीं से रिवाइज करेंगे, जो मेरे ऑलरेडी मेड नोट्स हैं उसी में से मैं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी की भी मैं उसी में से ही पढ़ाऊंगा, एनवायरमेंट के और उनके अपन बनाएंगे धीरे धीरे, बाकी उसी से चलेगा, वही पीडीएफ मैं आपको दूंगा और उसी में से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। So that's it. Now, without wasting any time, I thank you all for joining the class and अच्छे से पढ़ाई करें। कल फिर मिलेंगे 8 o'clock with our medieval. Medieval का lecture छोटा ही रहेगा क्योंकि उसमें इतने ज्यादा question नहीं है, इसके लगभग half होंगे, तो लगभग 1.5 घंटे में अपना medieval history complete हो जाएगा। Then we will go for the modern history. So that's it. See you in the next video tomorrow. Till then, study hard and